सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक एक बार कंफर्म कर देंगे आज का जो लेक्चर रहने वाला है इसमें हम अपकमिंग जो भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं ठीक है यहाँ पे थंबनेल पे सीपीओ लिखा हुआ बिकॉज इमीडिएट आपका जो सबसे पहला एग्ज़ाम है वो सी ही लगा हुआ है नाइन्थ टेंथ एंड थर्टीथ ऑफ मे को इसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन पोस्ट भी है एस एस का एग्ज़ाम है देन उसके बाद हमारा सी का एग्ज़ाम है ठीक है सीजल के एग्ज़ाम का तो अभी सितंबर अक्टूबर के टाइम पे होगा लेकिन अभी अगर हम रिसेंटली भी देखें अगले एक से दो महीनों में तो आपके ये तीन चार एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं और ये जो क्लास रहने वाली है जिसमें कि हम आज कंप्लीट पॉलिटी करने वाले हैं एक वीडियो में यानी कि सिर्फ इसी वीडियो में थ्रू हंड्रेड अब एक मैंने वन शॉट लेक्चर लिया था सीजल से पहले सीजल मेन से पहले और वो काफ़ी हेल्प किया ठीक है सीजल जी के को और ये जो मेरा मकसद है इस लेक्चर का लेने का जो भी अभी वन शॉट्स आने वाले हैं वो ये है कि जो आपके सी पी ओ सी सी पी ओ जेई सी एच एस एल सेलेक्शन पोस्ट ये एग्ज़ाम्स हैं या फिर कोई और एग्जाम है तो उसमें आपको हेल्प करें ठीक है तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वे स्टार्ट करते हैं और यहाँ और वो जो मैंने वन शॉट लिया था उसमें मेनली वो थ्योरेटिकल बेसिस पे था और ये क्वेश्चंस के बेसिस पे है बट ये जो क्वेश्चन रहेंगे रैंडम क्वेश्चन इस तरह से नहीं रहेंगे ये क्वेश्चन आपके ऑर्डर वाइज फॉर्मैट यानी हमारा जो चैप्टर वाइज फॉर्मेट है उसी में रहेंगे यानी कि सबसे पहले विल स्टार्ट विद द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन देन सेलेट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देन आपके प्रियम्बल पे होंगे देन आपके पार्ट वन एंड टू देन फंडामेंटल राइट मतलब पूरे ऑर्डर में क्वेश्चन है सो दैट अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं तो ऑर्डर वाइज आपके नोट्स बने ठीक है या फिर अगर आप मान लो कि ऐसे स्टूडेंट हो जो बैच में थे तो आपका एक तरह से रिविज़न होने वाला है लेकिन फिर भी कॉपी पेन ले को सभी को बैठना है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना कि अगर यहाँ मैं आपको सौ चीज़ें बता रहा हूँ ठीक है उससे उससे ज़्यादा ही होंगी तो आपको वो सारी चीज़ें आती होंगी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आपको या फिर काफ़ी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं आती होंगी तो वो आपको नोट डाउन करते चलना है अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिस जिन्हों जिन्होंने अभी तक कहीं से भी कुछ ज़्यादा पॉलिटी कुछ किया नहीं है तो फिर ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वीडियो मतलब आपको रिविज़न नहीं बल्कि थोड़ा सा उस सेंस से भी देखना है कि आपको इसी से प्रिपेयर कर रहे हैं तो तो फिर आपको ढंग से नोट्स बनाने की ज़रूरत है इसके ठीक है चलिए गुड मॉर्निंग सभी को वॉइस इनक्रीज़ करें अच्छा ठीक और कोई तो प्रॉब्लम नहीं है अभी ठीक है सी के लिए बिल्कुल हेल्प करेगा डिवाइन लव बिल्कुल हेल्प करेगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़े से इसके बैकग्राउंड समझते हैं ठीक है थोड़े से इसके बारे में सारी मतलब पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे कोई टॉपिक का मतलब बहुत ही बहुत ही ब्रीफ में बिकॉज क्वेश्चंस में तो सारी चीज़ें देखेंगे ही फिर उसके बाद उस, उनके क्वेश्चंस का अप्रोच करेंगे तो बैकग्राउंड कुछ इसका इस तरह से है कि भाई जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 पास हुआ इससे पहले इसने तो इंडिया को इंडियन डोमिनियन को दो कंट्रीज में बांटा इंडिया एंड पाकिस्तान बट इससे पहले एक क्योंकि अभी तक हो क्या रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और इंडिया का सपोर्ट लेने की ज़रूरत थी इंडिया का सपोर्ट लेने की जरूरत थी तो ये लोग बहुत सारे ऑफर लेके आए जैसे 1940 में ये लेके आए ऑगस्त ऑफर ऑगस्ट ऑफर लेके आए जिसमें सबसे पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड को माना कॉन्स्टिट्यून असेंबली क्या है वो जो हम हम कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो डिमांड है वो 1934 में सबसे पहले मनीन्द्र नाथ रॉय एम एन रॉय जो कि सी पार्टी के फाउंडर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो 1920 में बनी थी ताशकंद उजबेकिस्तान में उसके फाउंडर हैं देन उसके बाद इन द ईयर 1935 ऑफिशियली कांग्रेस की तरफ से डिमांड आती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की और सबसे पहले जो डिमांड मानी जाती है बाई दी ब्रिटिशर्स वो ऑगस्ट ऑफर में मानी जाती है ठीक है ऑगस्ट ऑफर की अगर बात करें तो 1940 में ऑगस्ट ऑफर आता है जिसमें कि ब्रिटिशर्स बोलते है हैं कि ठीक है असेंबली की डिमांड मानते हैं बट काफी चीजों की वजह से रिजेक्ट हो गया 1942 फोर्टी टू में क्रिप्स मिशन आता है वो भी रिजेक्ट हो जाता है देन उसके बाद फाइनली 1946 में एक मिशन इंडिया आता है जिसका नाम है कैबिनेट मिशन प्लान ठीक है ये जो कैबिनेट मिशन है जिसमें कि टोटल तीन मेंबर्स होते हैं एवी एलेक्डर स्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस का चेयरमैन होता है पैथिक लॉरेंस सारी चीज़ें नहीं लिखूंगा आपको खुद से भी कोई चीज़ें नोट करते चलना अगर आपको लगता है अरे मेरे को नहीं आता ये चीज़ मुझे को नोट करनी चाहिए वैसे मैं अगर बता दूंगा अगर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी तो मैं उस चीज़ को लिख दूंगा और नहीं अगर मैं लिखूँगा तो बता भी दूंगा उस चीज़ को ठीक है तो ठीक है तो आपको होना चाहिए पैथिक लॉरेंस इसका चेयरमैन था देन इसके बाद कैबिनेट जो ये मिशन आया इसी के बेसिस पे ही जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है जिसने कि हमारे देश का संविधान बनाया वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही बनती है जिसने हमारा संविधान बनाया तो इस कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 सीट्स होनी थी जिसका डिवीजन कुछ 296 सीट्स और 93 सीट्स के बीच में मतलब इस तरह से कुछ डिवीज़न होना था अब ये जो 296 है इसमें भी फर्दर डिवीजन था 292 और 4 इसके ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ मैं ये आप गवर्नर प्रोविंस और ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस से निकल के आनी थी इस पर बहुत ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन बने नहीं 93 थ्री ये प्रिंसली स्टेट से आने थे जो प्रिंसली स्टेट जो राज्य मतलब रजवाड़ों का जहाँ पर रूल चलता था तो वो नॉमिनेट करके उनको भेजना था और ये जो है इलेक्ट होकर आने थे अब ये जो इलेक्शन था जो यहाँ पे टू नाइन्टी सिक्स इलेक्शन के थ्रू भरनी थी निर्वाचन और ये नामित हो, होनी थी ये सीट्स अब ये जो निर्वाचित मतलब ये पे यहाँ पर जो निर्वाचन होना था इलेक्शन होना था ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था ध्यान रखिएगा इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब ये होता है जहाँ पर लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उन उनको चुनते हैं या फिर उनको वोट करते हैं उसके लिए ठीक है तो उसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं तो बैकग्राउंड कुछ इसका इस इस तरह से है होता है क्या है कि कॉन्स्टिट्यूंट बन, असेंबली बनती है मतलब इलेक्शन होते हैं और कांग्रेस को इसमें मेजोरिटी मिलती है फास्ट फॉरवर्डिंग टू द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ठीक है फर्स्ट अब नहीं होगा तो आप क्वेश्चन ही हम सीधे अटैम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड आपने थोड़ा समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है क्या आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं ठीक है द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज थ्री एट्टी नाइन ऑफ विच डैश व रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट हर टॉपिक के बाद मैं आपसे पूछूंगा आपने कितना स्कोर किया ठीक है तो कोशिश कीजिए कि भले आप कुछ भी ना आता हो मैं आपको ये बिल्कुल गारंटी कर सकता हूँ कि कायदे से लेक्चर को कर लीजिएगा इसी को बार बार रिवाइज़ कर लीजिएगा कुछ भी नहीं करेंगे आप फिर भी पॉलिटी में अगर मान लो कि आपके पेपर में तीन क्वेश्चन आते हैं ठीक है मान लेते हैं तीन क्वेश्चन आते हैं और मतलब बहुत ही गंदा लखना हुआ एकदम कि मतलब नहीं आज तो तुम्हारे सारे ग्रह जो है तुम्हारे विप अ, मतलब विपरीत चल रहे हैं ठीक है एकदम ही गंदा लखना हुआ तो आप ये मान के चलिए कि इधर तो तीनों क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन तो एटलीस्ट सही करके आएंगे ही आएंगे ठीक है तो टोटल तो मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ थ्री एटी नाइन उसमें से कितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रिंसली स्टेट के अभी देखा बताने की जरूरत ना होना चाहिए नाइनटी थ्री ठीक है टू नाइन्टी सिक्स इलेक्टेड नाइनटी थ्री प्रिंसली स्टेट से विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच ऑफ़ फॉलोइंग इज करेक्ट इनमें से कौन सा सही है बताइए स्टेटमेंट आपके सामने अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने ना सिर्फ हमारे देश का संविधान बनाया बल्कि और भी बहुत सारे काम किए क्या, क्या क्या काम किए भारत का जो राष्ट्रगान था उसको अपनाया राष्ट्रगीत था उसको अपनाया राष्ट्रीय ध्वज था उसको अपनाया कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई किया कॉमनवेल्थ में वो वो कंट्रीज़ आती हैं ब्रिटेन ने बोला था कि हम चलो एक कंट्रीज़ का ग्रुप बना लेते हैं जो कि हमारे अंडर में अधीन थीं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया ये सब क्या हैं कभी ना कभी ब्रिटिश ब्रिटेन की कॉलोनी रहे हैं तो वो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई

24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों ही सेम डेट को ही अडॉप्ट किया नहीं इसको भी 24 जनवरी 1950 को ही हमने अडॉप्ट किया ठीक है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दी नेशनल फ्लैग इन जुलाई 1949 यह भी गलत हो जाएगा बिकॉज ये हमने जुलाई 1947 1947 को इसको अडॉप्ट किया अब इसके अलावा हमने क्या किया हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी जो हमारी संविधान सभा ने जो संविधान बनाया उसको भी हमने कब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया तो 26 नवंबर 1949 इसी दिन को हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं जरा बताइए कमेंट में ये तो हो गई डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात कर लें डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे देश का संविधान लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है 24 जनवरी 1950 को एंथम सॉन्ग को अडॉप्ट करते हैं एनफोर्स लागू होता है 26 जनवरी 1950 को उसके पीछे का हिस्टोरिकल रीज़न है बिकॉज 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया था इसलिए ठीक है अब लेकिन क्योंकि इन इस टाइम के बीच कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है अगर आप ध्यान से देखें तो दो महीने का ही सिर्फ टाइम है तो दो महीने ऐसा तो है नहीं कि देश चला नहीं होगा तो इन दो महीने के लिए जो इमीडिएट तौर से कुछ प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस रिलेटेड टू द सिटीजनशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन टू रिलेटेड टू द इलेक्शंस ठीक है प्रोविजनल गवर्नमेंट इन सारों चीज़ों से जो हमारे रिलेटेड कुछ प्रोविजन थे जैसे कुछ आर्टिकल्स थे जैसे सिटीज़नशिप के जो आर्टिकल्स थे पाँच छः सात आठ ये पाँच छः सात आठ नौ तो इन सब को क्या था इम्प्लीमेंट कर दिया गया था एनफोर्स कर दिया गया था लागू कर दिया गया था पूरी तरह से ही लागू हुआ था क्यों क्योंकि भाई जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको ट्वेंटी सिक्स नंबर को ही एनफोर्स कर दिया गया था सो दैट देश चलता रहे एटलीस्ट और इस दिन हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस मनाते हैं इस दिन को ठीक अगला क्वेश्चन देखते हैं एंड दैट इज हु वाज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमेटी ऑफ द कांस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया भारत के संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे अब जब कांस्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी तो उसमें आठ मेजर कमिटीज निकल के आई मुख्य समितियां और 13 लघु समितियां माइनर कमिटीज निकल के आई तो हमें पता होना चाहिए किसका चेयरमैन कौन था पट्टा भी सीतारामैया ए वी ठक्का जे बी कृपलानी और के मुंशी अब यहाँ पे मैं आपको कमेटी बताता हूँ और उसको याद कैसे रखने हैं पहले तो सबसे पहले मेजर कमिटीज़ देखते हैं तो सबसे पहले ये है आपका कि जिसके नाम पे भी जिस कमेटी के नाम के शुरू में तुम्हें यूनियन या फिर स्टेट्स लिखा हुआ दिख जाए उसका आंसर जवाहरलाल नेहरू ही होगा ठीक लेकिन मैंने ये नहीं बोला चलो इतना अभी अब इतने के लिए अभी के लिए इतना याद रखो फिर मैं अभी आपको आगे बताऊंगा माइनर कमेटी में भी आएंगे ये ठीक है तो जवाहरलाल नेहरू यूनियन और स्टेट अगर नाम के आगे दिख जाए तो आपके जवाहरलाल नेहरू होंगे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी के राजेंद्र प्रसाद होंगे रूल्स ऑफ प्रोसीजर आरपी आरपी ठीक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी प्रोविंसेस को भारत में जोड़ने का काम किसने किया था प्रांतों को सरदार पटेल जी ने जिनको हम फादर ऑफ़ नेशनल यूनिटी भी बोलते हैं ठीक है तो फादर ऑफ़ यूनिटी बोलते हैं तो सरदार पटेल जी ये भी याद हो गए ड्राफ्टिंग कमेटी तो ये सबसे पहले आप यही कमेटी पढ़ते हो इसके चेयरमैन ये तो आई होप सबको ही पता होगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अम्बेडकर जी थे और इसमें टोटल सेवन मेम्बर्स से थे सात सदस्य थे स्टीयरिंग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे स्टीयरिंग कमेटी और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया एक्सक्लूडेड एरियाज़ के थे हमारे सरदार पटेल जी क्लियर तो ये हमारे हो गए बस आपको क्या याद करना है ये वाली याद करनी पड़ सकती है और ये वाली याद करनी कर, करनी पड़ सकती है बाकी आपको याद हो गई सारी कि यूनियन है स्टेट है तो नेहरू होंगे आरपी आरपी हो वो याद हो गया प्रोविंसेस को भारत में मिलाने का काम सरदार पटेल जी ने किया था बाकी दो आप याद कर लीजिएगा फिर उसके लिए भी कोई ऐस, ऐस, ऐसा ही कुछ निमोनिक बना लीजिएगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इससे आने के ज्यादा चांसेस होते हैं बाकी हमें माइनर कमिटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कमिटी ऑन फ़ंक्शंस ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जी वी मावलंकर जी वी मावलंकर आप पढ़ते हैं कि लोकसभा के पहले स्पीकर भी थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी अभी अभी मैंने बताया वो सिर्फ संविधान नहीं बनाया उसने और भी बहुत सारे काम किए जो जो हम हमने अभी देखे उसमें से एक और काम था एंड दैट वॉज को लॉ बनाना यानी कि उसने एक लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पर भी फंक्शन किया जैसे आज हमारा लोकसभा राज्यसभा इन द केस ऑफ़ द यूनियन या फिर इन द केस ऑफ़ सेंटर वो लॉ बनाने का काम करता है तो उस समय तो ऐसे इलेक्शंस हो, हो नहीं गए थे तुरंत तो उस समय लॉ कौन बना रहा था तो लॉ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही बना रही थी और जब लॉ बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिलती थी ना तो उसके हेड मावलंकर साहब होते थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठती थी तो उसके प्रेसिडेंट ध्यान रखना कौन होते थे प्रेसिडेंट होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे आपने पढ़ा भी होगा इस चीज़ को कि ये प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लेकिन जब संविधान बनाने के लिए बैठती थी तब अगर लॉ बनाने के लिए तो जी वी मावलंकर और अगर वाइस प्रेसिडेंट पूछ ले तो क्या आंसर होगा वी टी कृष्णमाचारी और एच सी मुखर्जी वी टी और एच सी याद रखना ये हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट थे इससे पहले टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट भी एक बने थे फॉलोइंग अ फ्रेंच प्रैक्टिस कि सीनियर मोस्ट मेंबर को टेम्प्री तौर से बना दो एंड दैट इज सचिदानंद सिन्हा जी और कमेंट में आप बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या फिर लीगल एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के ये याद हो गया आपको अब एक और यहां पे देखिए हाउस कमेटी पट्टा भी सीता रामैया इस तरह से याद रखना कि भाई एक मूवी आई थी रमैया वस्तावैया करके आपको याद हो तो उसमें घर घर बार के बारे में दिखाया गया श्रुति हसन है और वो कौन वो छेदी सिंह है तो सब घर वार का ही तो दिखाया गया उसमें तो हाउस कमेटी पट्टा भी सीता रामैया इस तरह से याद हो जाएगा आपको ठीक है और चीफ कमिश्नर प्रोविंस के भी पट्टा भी इसी तरह मैया है फाइनेंस वगैरह देखने का काम जो है राजेंद्र प्रसाद का था क्योंकि यार प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट मतलब सबसे ऊपर और जो सबसे घर का मुखिया होता है वही तो फाइनेंस वाइनेंस सब देखता है तो फाइनेंस स्टाफ कमेटी है मुंशी जी का काम क्या होता है मुंशी जी को हम किससे रिलेट करते हैं मुंशी जब हम बोलते हैं तो मुंशी शब्द किससे एसोसिएट करते हैं हम लिखा पढ़ी से तो यानी कि बिज़नेस वगैरह जो होता है तो ऑर्डर ऑफ जो बिजनेस कमेटी के चेयरमैन होते थे वो के मुंशी जी थे क्रीडेंशियल्स कमेटी की बात करें तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और ऑप्रेश गैलरी गयल, कमेटी की बात करें तो उषा नाथ सेन एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता की जो एडहॉक कमेटी बनी थी उसमें जो चेयरमैन थे वो एस वर्धाचारी जी थे ठीक है और जो कॉन्स्टि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर फिर लीगल एडवाइजर थे संवैधानिक सलाहकार थे हमारे संविधान सभा के वो थे कौन सर बेनेगल नरसिंह राव ठीक है सर बी एन राव तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हाउस कमेटी पट्टा भी सीतारामैया है ना सीतारामैया वस्तावैया से आपको याद कर लेना है क्लियर है इतनी चीज़ यहाँ तक सभी को आगे बढ़ते हैं वेन वॉज द टेंथ सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड संविधान सभा का दसवां सत्र कब आयोजित किया गया था छः से सत्रह अक्टूबर उन्नीस सौ उनचास चौदह से इकतीस जुलाई उन्नीस सौ सैंतालीस चार नवंबर उन्नीस सौ अड़तालीस या फिर आठ सोलह मई से लेकर सोलह जून उन्नीस सौ उनचास तक अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको बनाने में जो टाइम लगा था वो दो साल ग्यारह महीने और अफली सत्रह दिन लगे थे कहीं कहीं अठारह दिन भी लिख देता है कोई नहीं ठीक है तो दो साल ग्यारह महीने और सत्रह दिन का टाइम लगा और ये संविधान जो इसमें इतना टाइम लगा लेकिन ऐसा तो है नहीं हर दिन काम करते थे दस सेशंस बुलाए गए जैसे कि हमारी पार्लियामेंट बैठती है हमारी जो देश की संसद बैठती है तो ऐसा तो है नहीं हमारे सांसद लोग जब भी तुम जाओगे संसद भवन में तब तुमको देखने को वहाँ पे मिल जाएंगे नहीं तुमको बजट सत्र मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र जो हम आगे बढ़ेंगे बजट मानसून है विंटर सेशन में देखने को मिलेंगे वैसे इनके इसके भी सेशन हुए थे टोटल ग्यारह सेशन हुए थे टोटल ग्यारह सेशन हुए थे और जरा यह बताइए कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें विमेन कितनी थी विमेन कितनी थी तो ये जो हमारे ग्यारह सेशन हुए थे सारे आपको याद कर रखने की जरूरत नहीं कौन कब हुआ था तो पहला याद कर लेना कि नौ से तेईस दिसंबर उन्नीस सौ छियालीस के बीच में हुआ था ठीक है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो पहली सीटिंग हुई थी जो पहली सिटिंग हुई थी वो हुई थी नौ दिसंबर उन्नीस सौ छियालीस को 1946 को और इसमें टोटल 211 मेंबर्स ने हिस्सा लिया था और 15 ध्यान रखना विमेन थी 15 हमारी महिलाएं थी 211 लोगों ने इसमें पहले दिन की अगर मैं बात करूं पहले दिन 211 लोग आए थे 9 से लेकर 23 दिसंबर उन्नीस और मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकआउट कर दिया था ये आपको पता होना चाहिए ठीक है इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट किया था ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने के लिए लेकिन बाद में बॉयकआउट कर दिया था 20 से 25 जनवरी 1947 के बीच में 1947 के बीच में ये होता है आपका सेकंड सेशन देन अब हम यहाँ पे सारे हमको याद करने की जरूरत नहीं है शुरू के दो और आखिरी के दो याद कर लेते जो टेंथ सेशन हुआ था वो छः से लेके सत्रह अक्टूबर उन्नीस सौ उनचास नाइनटीन फोर्टी नाइन और जो ग्यारहवा सेशन हुआ था जो इलेवेंथ सेशन हुआ था वो चौदह से लेके छब्बीस नवंबर उन्नीस सौ उनचास के बीच में हुआ था क्लियर इतनी चीज तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा टेंथ सेशन के बारे में पूछा तो छः से सत्रह अक्टूबर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हैजॉइटे एज द अम्बलीज कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर इन 1946 फोर्टी सिक्स डरिंग द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो किसको अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर तो बी एन राव हमारे थे कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और मुंशी जी अभी हमने देखा था मुंशी जी क्या कर रहे थे ये बिजनेस वाली जो कमेटी थी बिजनेस वगैरह संभाल रहे थे ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का संघीय विशेषता नहीं है एक सेकेंड रुकी तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ दैट इज़ कि ये बताइए कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो अम्बेडकर जी थे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ ड्राफ्ट्स कौन था जल्दी से बताइए हु ऑज द चीफ ड्राफ्ट्स मैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर अब ध्यान से समझना दो तरह के फीचर होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह के फीचर होते हैं एक संघात्मक यानी कि फेडरल और दूसरे होते हैं यूनिटरी अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे मैं जो तुम्हें एग्जांपल यहाँ पे लिखने वाला हूँ वही पेपर में पूछ ले लेकिन जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ जिससे कि आप ये डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि फेडरल फीचर कौन सा होगा और कौन सा फीचर एंट्री होगा वो इंपॉर्टेंट है तो वो समझने में ज़्यादा फोकस करना फेडरल फीचर वो होता है जो स्टेट को पावर देता है ऐसे समझ लो ऐसे समझ लो बाई डिफॉल्ट यूनियन के पास ही सारी पावर हैं स्टेट के पास नहीं है तो जो भी चीज़ स्टेट को पावर देता है दैट इज अ फेडरल फीचर जो स्टेट को पावर ना दे और यूनिट्री को दे मतलब यूनियन को दे तो वह यूनिट्री फीचर होगा जैसे मैं एग्जाम्पल कोट करता हूं जैसे कि मैं बोलता हूं कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का एक, एक संविधान है तो उसको तुम फेडरल में रखोगे यूनिट्री में रखोगे बताओ जल्दी से तो उसको पता है किस में रखेंगे उसको यूनिट्री में रखेंगे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन को अब इसके पीछे का लॉजिक समझो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का अपोजिट क्या होगा डुबल कॉन्स्टिट्यूशन जैसे यूएसए में है एक तो केंद्र का है और एक राज्यों का अलग अलग उनका खुद का संविधान है तो कहीं ना कहीं सिंगल है इंडिया तो यू, का, फ्लेक्सिबल है। का फ्लेक्सिबल है, उसको आसानी से संशोधित किया जा सकता है यूनिटरी फीचर हुआ ना क्योंकि अगर रिजेड होता तो फिर क्योंकि अभी पढ़ेंगे अमेंडमेंट कौन कर सकता है यूनियन यानी पार्लियामेंट तो उसके लिए आसान होगा अगर जितना वो फ्लेक्सिबल होगा कॉन्स्टिट्यूशन और जितना ज्यादा रिजिड होगा अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत ये है कि ये तो ना तो पूरी तरह फ्लेक्सिबल है और ना पूरी तरह रिजिड है रिजिड भी कुछ कुछ है और फ्लेक्सिबल भी कुछ कुछ है तो जो रिजिड कॉम्पोनेट है वो फेडरल में आएगा ऑल इंडिया सर्विसेज आई ए एस आई पी एस आई एफ ओ एस चुन रहा है कौन सिलेक्शन कौन कर रहा है सिलेक्शन कर रहा है केंद्र यूनियन और सर्व कहाँ कर रहे हैं ये लोग स्टेट में तो देख रहे हो अब जो गवर्नर है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है अभी जो केरल के चीफ मिनिस्टर हैं कौन है जरा बताइए पिनराई विजयन जी तो वो कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर रहे हैं बोल रहे हैं सब पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे केरल ही बोल रहा तमिलनाडु और एक दो स्टेट और हैं जो बीजेपी जहाँ पे नहीं है तो बोल रहे हैं कि जो गवर्नर है यहाँ बैठा हुआ है ये हमारे बिल को पास नहीं होने दे रहा सहमति नहीं दे रहा एसेंट नहीं दे रहा है अभी हम पढ़ेंगे ये जो पिनराई विजयन जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तो ये किस आर्टिकल का यूज़ करके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तो क्यों क्योंकि गवर्नर जो है वो एक तरह से अगर हम देखें तो सेंटर का एजेंट ये कहीं लिखा नहीं हुआ है लेकिन होता वही है वो कहीं लिखा नहीं हुआ है और ये अगर स्टेटमेंट आ जाए कि वो गवर्नर इज़ एन एजेंट ऑफ दिस सेंटर गलत होगा वो स्टेटमेंट लेकिन एक्चुअल में आपको पता होता है वही है ठीक है तो ये हमारा एक यूनिटरी फीचर है अब वहीं फेडरल फीचर की अगर बात करें तो रिजिड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया ठीक है या फिर हमारा और क्या फेडरल फीचर में आ सकता है कि सेवन शेड्यूल हो गया और फेडरल फीचर में आ सकता है कि जो हमारा डुअल हाउस होते हैं यानी कि जो बाई कैमिज़म जिसको हम बोलते हैं द्विसदनीय विधानमंडल क्योंकि जो राज्यसभा है वो कहीं ना कहीं स्टेट की बात को सामने रखने के लिए स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सेंटर में इस डुअल हाउस को बनाया गया है राज्यसभा में क्या है राज्य से लोग चुन के जाते हैं ना अब करिए सवाल को नॉट अ फेडरल फीचर डुअल गवर्नमेंट फेडरल फीचर डिविजन ऑफ पावर है शक्तियों का बंटवारा है शक्तियों का बंटवारा है तो ये तो फेडरल फीचर होगा ऑल इंडिया सर्विस आपका यूनिटरी फीचर है अब ये देखा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है पहली बात तो भारत का संविधान लार्जेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड है ये एक फीचर है लिखित संविधान वो होता है जिसको अमेंड करना आसान नहीं होता है और जिसको कि कुछ लोग बैठे थे उन्होंने कोडिफाई किया था वहीं ब्रिटेन की बात कर लें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि वहां पे रूल्स कुछ चलते चले आ रहे थे उन्हीं को समेट के कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया गया और उसको आसान आसानी से अमेंट किया जा सकता है लेकिन हमारे को नहीं तो क्योंकि अमेंडमेंट आसानी से नहीं किया जा सकता इसलिए ये एक फेडरल फीचर होगा डुबल गवर्नमेंट का मतलब है एक सेंटर में गवर्नमेंट अलग होगी स्टेट में अलग होगी तो ऑबियस ही बात है फेडरल फीचर होगा स्टेट को भी पावर मिल रही कि वो खुद की सरकार बना सकते हैं हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज तो हिंदी लैंग्वेज में किसने लिखा तो हमारा लार्जेस्ट एट इन कॉन्स्टिट्यूशन इसको हाथ से लिखा था सबसे पहले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था इटैलिक स्टाइल में वसंत कुमार वैद्य जी ने हिंदी में लिखा था इन्होंने डेकोरेट या फिर ब्यूटीफाई करने का, का काम किया था और अभी मैंने जो पीछे क्वेश्चन पूछा था हु ऑज द चीफ ड्राफ्ट मैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो आंसर एस एन मुखर्जी अब जरा ये बता दीजिए किसी कोई डाउट तो नहीं है और साथ में आपने कितना स्कोर किया तब हम बढ़ें अपने अगले टॉपिक की ओर एंड दैट इज सोसेज प्रियम्बल एंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसी का कोई डाउट तो नहीं तक। अब हम देखने वाले हैं सोर्सेस कौन सी चीज़ कहाँ से ली प्रस्तावना के बारे में और अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे ए नहीं होगा बी होगा चलिए पहला क्वेश्चन आंसर करिए तब तक जिन लोगों को अगर कोई डाउट नहीं है तो नो no, सर द कॉन्स्टिट्यून ऑफ इंडिया अडोप्टेड मैनी institutional डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम दी तो हमने अपने ज़्यादातर जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ से ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नाइनटीन से हमने ज़्यादातर 40 परसेंट से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन यहीं से लिया या फिर अगर कभी पूछ ले कि हमने जो संरचनात्मक भाग है संविधान का स्ट्रक्चरल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन को उसको कहाँ से किया तो वो जी ओ से बौो किया अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइन्टीन थर्टी है यहीं से हमने जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है या फिर जो फेडरल कोर्ट का सिस्टम है वो हमने यहीं से लिया यहीं से हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर भी लिया ध्यान रखना जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई सेंटर इन द स्टेट वो हमने यहाँ से नहीं लिया वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया लेकिन एक राज्यपाल का पद होगा वो यहाँ से लिए थे विच फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है ऑप्शन आपके सामने है सही और ये ये सी पी ओ में ही आपका क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है सही आंसर इसका होगा प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड लॉ ऑप्शन नंबर ए प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ का मतलब ये होता है विधि के द्वारा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की कोई भी बिल को अगर एक्ट बनना है कानून बनना है तो लोकसभा से पारित होना जरूरी है देन राज देन राज्यसभा से राष्ट्रपति की सहमति मिलनी चाहिए उसको प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ बोलते हैं एक हमारा केस हुआ था मेनका गांधी केस कौन सा केस हुआ था मेनका गांधी केस लिख नहीं रहा हूँ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो आर्टिकल ट्वेंटी से रिलेटेड है अनुच्छेद नंबर इक्कीस से संबंधित है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट रखा प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये जो फ्रेज है ये अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है इसमें अनुच्छेद 21 में कि स्टेट शेल नॉट डिप्राइव एनी वन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी अनटिल मतलब अदर दैन द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ यानी कि प्रोसीजर अगर प्रोसीजर को फॉलो करके ये बात आई कि क्या कोई जो स्टेट है वो हमारी राइट टू लाइफ को ले सकता है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं रूल ऑफ लॉ नाम की भी कोई चीज़ होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं हुआ है ये हमने लिया ब्रिटेन से ध्यान रखना तो प्रोसीजर स्टैब्लिश पाई लॉ जापान से और रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से ठीक और बाकी चीजें इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द द जजेस जजेस एंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो इनका इंपीचमेंट प्रेसिडेंट का और जो रिमूवल ऑफ जजेस है सुप्रीम कोर्ट का ये हमने से लिया यूएसए से लिया यूएसए से हमने और क्या क्या चीज ली तो एक तो हमने फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार लिए हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता दैट इज जुडिशियल इंडिपेंडेंस ली जुडिशियल रिव्यू यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है वो कोई भी रिव्यू कर सकती है किसी भी चीज़ को अपने ही जजमेंट को भी रिव्यू कर सकती है अभी हम पढ़ेंगे कि कौन सा आर्टिकल है वो तो ये भी यूएसए से लिया ऑफिस किसका ऑफिस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है ठीक है तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहाँ से लिया है अमेंडमेंट तो अमेंडमेंट ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से और जो प्र, प्रोडोगेटिव रिट्स हैं रिट ये हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है जरा बताइए कि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो ब्रिटेन है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने और क्या क्या चीजें ली हैं तो एक तो सबसे पहले जो हमने सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है वो लिया है बाई कैमलिज्म द्वि विधानमंडल हमने लिया है हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसको हम और किस नाम से जानते हैं पता है आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इसको हम बोलते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल इसको हम वेस्टमिस्टर मॉडल वेस्ट इसीलिए बोलते हैं इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअल में जो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बॉरो किया यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो वेस्टमिंस्टर नाम की जगह में स्टैब्लिश है इसलिए इसको वेस्ट मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को और यहाँ से हमने क्या लिया रेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ली ठीक है तो सिंगल सिटीजनशिप बाई कैमलिज्म पार्लिमेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिट्स हमने जो है यूके के यानी की कॉन्स्टिट्यूशन से ली अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वर अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को संविधान से अपनाया गया था कहाँ से यूके से अभी देखा नहीं अपनाया गया कनाडा से क्या लिया गया कनाडा से हमेश ध्यान रखना एकदम ध्यान रखना इसमें कि जो भी चीज़ सेंटर को ज़्यादा पावर दे रही है दैट मीन्स फेडरेशन विद अ स्ट्रॉग सेंटर जो भारत का फेडरेशन है जो भारत का फेडरेशन है जिसमें कि यूनियन के पास ज़्यादा पावर हैं उसको बोलते हैं हम पता है इस इस पे फेडरेशन पे कुछ लोगों ने कमेंट किया था एक लोगों ने बोला था भारत का जो फेडरेशन है वो क्वाजाई फेडरल है एक लोगों ने बोला था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है भारत में तो ये किसने बोला था रिमार्क्स दिए थे अगर आप बता सकें तो तो फेडरेशन विद अ स्ट्रांग सेंटर यानी कि फेडरेशन वो होता है जहाँ पर सेंटर स्टेट के बीच में पावर का बंटवारा है सेंटर लेकिन हमारे पास सेंटर के पास ज़्यादा पावर है और अभी हम देखेंगे एक रेजिडरी लिस्ट होती है अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होती है या फिर रेजिडरी पावर्स जो होती हैं वो सेंटर के पास अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर इन द स्टेट वो भी हमने कैनेडा से लिया है और फ्रांस फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्नटी आयरलैंड से आर ई और डी निकाल लो रेड निकाल लो डी से तो सबको पता है डी पी एस पी ई से है इलेक्शन मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसकी प्रक्रिया और आर से है राज्यसभा राज्यसभा मतलब नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू दी राज्यसभा यानी कि जो राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित करता है राज्यसभा में बारह मेंबर्स को तो वो हमने राज, ये लिया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ठीक है बात करें अगर क्वाजाई फेडरल ये बोला था केसी वियरे ने एंड को फेडरलिज्म बोला था किसने ग्रैनविल ग्रैनविल ऑस्टिन ऑस्टिन अगला क्वेश्चन है रूल ऑफ लॉ अभी देखा था आर्टिकल ट्वेंटी वन मेनका गांधी केस ब्रिटेन से प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ ब्रिटेन फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए डीपीएसपी आयरलैंड से लिया लिबर्टी फ्रेटनडी अभी देखा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है विच शेड्यूल मैंशन्स थ्री लिस्ट ऑन ऑफ ऑन लेजिस्लेशन कौन सी हमारी अनुसूची है जो तीन लिस्ट मेंशन करती है ऑन लेजिस्लेशन तो हम सबसे पहले देखते हैं ये हमारे शेड्यूल्स होते क्या है? हैं अनुसूचियाँ कितने हैं हमारे तो अनुसूचियों की बात करें शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि अदर दैन जो हमारे आर्टिकल में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अलावा जो चीज़ें मैंशन करते हैं वो हमारे शेड्यूल्स जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ओरिजिनली आठ थे लेकिन अभी कितने हैं मौजूदा समय में बारह शेड्यूल्स हैं और उसको हम याद करते हैं कैसे इसको हम याद करते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ठीक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ठीक है तो एक एक करके देखते हैं तो ये पहला हमारा शेड्यूल है ये दूसरा है ये तीसरा है ये चौथा है तो पहला बात करता है टी से यहाँ पे है टेरिटरी टेरिटरी का मतलब क्या है टेरिटरी का मतलब है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी संघ व उसके राज्य क्षेत्र इसमें लिखे हुए नाम किसके नाम लिखे हुए हैं यहां पे नाम लिखे हुए हैं राज्यों के स्टेट्स के यहां पे नाम लिखे हुए हैं यूटीज के यूनिट टेरिटरीज के यहां पे नाम लिखे हुए हैं उन टेरिटरीज़ के जो फर्दर भारत का हिस्सा बनाएंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल पीओके तो वो उसमें भी वो जो है टेरिटरी के अंदर में ही आएगा ई से अगर बात करें सेकेंड शेड्यूल में क्या मैंशनड है एमोल्यूमेंट एमोल्यूमेंट का मतलब हो गया आपका भत्ता दैट मीनस एलाउवेंसेस ए से हो गया आपका अफॉर्मेशन एंड ओथ अफर्मेशन एंड ओथ जो शपथ वगैरह हैं जैसे कि हमारे एम पीज़ एम एल एज इनकी जो शपथ है वो इसमें लिखी हो यहाँ पे लिखा हुआ है अलावेंसेज सैलरी किसकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की प्रेसिडेंट की वाइस प्रेसिडेंट की कैग की कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की इन सब की सैलरी लिखी हुई यहां है यहाँ पे आर से है राज्यसभा 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 में क्या अलाटमेंट ऑफ सीट्स राज्यसभा में अलाटमेंट ऑफ सीट्स की सीटों का आवंटन राज्यसभा में किस तरह से होगा एस से क्या हुआ एस से अगर बात करें तो ऐसे है शेड्यूल्ड एरियाज शेड्यूल्ड एंड आप ऐसे समझ सकते हो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज ठीक है ये हमारे मैंशंड है यहां पे हमारे अदर शेड्यूल्ड एरियाज या फिर शेड्यूल्ड जो हमारे ट्राइब्स हैं उनके बारे में है अदर शेड्यूल्ड एरियाज और इसमें हमारे टोटल चार स्टेट्स के बारे में मेंशंड है चार राज्यों के बारे में मेंशंड है जिसको कि हम याद करते हैं एटीएम मनी से ठीक है इसको हम याद करते हैं कि इससे ए टी मनी से याद करते हैं जहाँ पे ए से असम ये राज्यों के नाम पता होने चाहिए आपको कि कौन कौन से राज्य मैंशनड हैं सिक्स शेड्यूल में एम से आपका मिजोरम और एम से मेघालय जब भी ये क्वेश्चन बनता है ऑप्शन में मणिपुर रखता है लेकिन ध्यान रखना इस ए में मनी नहीं है तो मणिपुर नहीं है इसमें मणिपुर पक्का रखेगा ऑप्शन में अगर होगा क्योंकि दो एम में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है एंड एफ ये बात करता है फेडरल प्रोविजंस की तो ये हमारा फिफ्थ शेड्यूल है ये सिक्स्थ है ये सेवंथ है तो सातवां बात कर रहा है फेडरल प्रोविजंस की अब ये फेडरल प्रोविजंस का मतलब है जो हमारी तीन लिस्ट हैं यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो कौन सी अनुसूची में है सेवेंथ शेड्यूल में है अब ये लिस्ट हैं क्या उसको यहाँ पर समझ लो ये एक्चुअल में तीन तरह की लिस्ट है हमारी यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट हैं जिसमें सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट हैं उस पर हमारे देश का जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकता है जो हमारे देश का संसद है वो कानून बना सकता है स्टेट लिस्ट में सिर्फ जो स्टेट का जो लेजिस्लेचर है यानी कि जो राज्य का विधानमंडल है वो लॉ बना सकता है उन सब्जेक्ट पे और कॉन्करेंट में दोनों ही बना सकते हैं लेकिन अगर दोनों ने बना दिया वैसे तो कोई एक बना सकता है लेकिन अगर दोनों ने बना दिया तो पार्लियामेंट का प्रिवेल करेगा अब हमें कुछ सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए कि क्या कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें मैंशनड हैं अब इतने सारे सब्जेक्ट हैं सारे तो हम याद कर नहीं सकते लेकिन थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो पूरे देश से जिनका लेना देना है जैसे कि अगर हम बात करूँ नागरिकता सिटीजनशिप तो इसका लेना देना पूरा देश से है ना अब जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है फिर जो सिटीजनशिप के जो भी प्रोविजंस होते हैं वो कौन लाता है हमारी देश की जो यूनियन गवर्नमेंट है फिर जो पार्लियामेंट है वो लाती है क्योंकि उसका लेना देना पूरा देश से ना कि किसी एक राज्य से तो सिटीजनशिप हो गया डिफेंस हो गया बैंकिंग हो गया करेंसी फॉरन अफेयर्स कम्युनिकेशन रेलवे एटॉमिक एनर्जी तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी सारी चीज़ें आएंगी आपका आपका वेट्स एंड मेजर्स हो गया ध्यान रखना ठीक वेट है वेट्स एंड मेजर्स ये आ चुका है आई थिंक पिछले वाले सी पी ओ एग्जाम में एक्स्ट्रा डिशन हो गया एक्स्ट्राडिशन भी आ चुका है तो ये जो होते हैं ये आपके सारे यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं वहीं अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट में जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होंगे पुलिस ट्रेड एग्रीकल्चर इरीगेशन इंटॉक्सिकेंट एंड लिकर दारू वगैरह ठीक है बैटिंग एंड गैम्बलिंग तो आप देखते हुए कुछ स्टेट हैं जो ड्रीम इलेवन पे बैन लगा रखा हो जिन्होंने वो नहीं अलाउ करते हैं इस तरह के बैटिंग एंड गैम्लिंग को जैसे आई थिंक कर्नाटका वगैरह में तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में आती हैं ठीक है लोकल गवर्नमेंट हो गई आपकी लोकल गवर्नमेंट पंचायत और म्यूनसिपैलिटी वो भी आपकी स्टेट लिस्ट में आएंगी ध्यान रखना जो डेली है दिल्ली एकमात्र यूटी है पूरे देश में जिसकी पुलिस सेंटर के हाथ में है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को चलाती है तभी हमारे केजरीवाल जी जो है रोते रहते हैं ठीक है और जरा ये कमेंट में ये बताइए क्योंकि आगे मैं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ दिल्ली की बात आई है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले और क्योंकि डेली न्यूज़ में भी रहता है तो इसलिए पूछा सकता है कि जो डेली की लेजिस्लेटिव असेंबली है इसको किस आर्टिकल से इस्टेब्लिश किया गया सेटअप किया गया है कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट जो दोनों लॉ बना सकता है एजुकेशन फॉरेस्ट ट्रेड मैरिज अडोप्शन सक्सेशन हो गया आपका डिस्प्यूट हो गए है ना डिस्प्यूट हो गए तो झगड़े हो गए शादी हो गई, ये सब कोई आज तक सुलझा नहीं पाया है तो यूनियन और कॉन्करेंट ने बोला कि भाई चलो बीच में इसको रख लेते हैं ठीक है और जो डेली की लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है वो देखते हैं भाई कितने लोगों ने सही आंसर दिया है किसी ने दिया है टू सेवेंटी नाइन ए ए सॉरी आई थिंक टू थर्टी नाइन थ्री थर्टी नाइन है ठीक है देसी थर्रेसी देसी थर्रा क्या देसी ठर्रा चलो हां वो भी पढ़ेंगे टेन परसेंट सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारी दिल्ली के हैं वो पढ़ेंगे जब हम आर्टिकल नंबर सेवेंटी फाइव क्लाज वन सब क्लॉज ए पढ़ेंगे तो वहां मैं इस चीज को बताऊंगा ठीक है तो ये समझ गए आप अब आते हैं एट शेड्यूल में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज दिए हुई है अब इससे क्वेश्चन इस तरह से तीन क्वेश्चन पूछता है पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसमें लैंग्वेजेस पहले कितनी थी अब कितनी है तो पहले थी फोर्टीन अभी हैं ट्वेंटी टू चौदह थीं अभी बाईस हैं फिर ये क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी मतलब अमेंडमेंट से ऐड करी गई मतलब आठ ऐड करी गई भाषाएँ तो किन किन भाषाओं को अमेंडमेंट से ऐड किया गया तो ध्यान रखना इसमें सबसे पहले तो ट्वेंटी अमेंडमेंट हुआ जिससे कि सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया देन इसके बाद सेवेंटी अमेंडमेंट होता है जिससे कि हमने ऐड किया के एम एन ऐसे याद करो के एम एन ओ पी ऐसे होता है ना पढ़ते हैं अल्फाबेट्स तो के से कोनकनी एम से मणिपुरी और एन से नेपाली एंड देन नाइन्टी फर्स्ट अमेन्डमेंट से हमने किया बी डी एस एम ठीक है बी डी एस एम कुछ लोग जानते होंगे तो बी से बोडो डी से डोंगरी एस से संथाली और एम से मैथिली बोडो डोगरी संथाली मैथिली तो ये हमने नाइन्टी फर्स्ट अमेंडमेंट से किया ठीक है और नाइन्टी सिक्स अमेनमेंट से हमने ओडिया शब्द चेंज किया था और तो एड वगैरह कुछ नहीं किया था ठीक है अच्छा ये बता दीजिए लगे हाथ कि भारत में क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी हैं अभी थ अब ध्यान से देखिए तो मैंने आपको बोला था आठ लेकिन अभी हैं तो यानी कि जो चार है उनको अमेंडमेंट से ऐड किया गया तो ये जो नौवीं वाली है दसवीं वाली ग्यारह वाली और बारहवीं वाली इनको अमेंडमेंट से ऐड किया गया तो सबसे पहली बात तो ये एल से क्या है ये डील करता है लैंड प्रोविजन से जमींदारी लॉस से डील करता है लैंड सीलिंग को खत्म कर दिया गया था इस पर्टिकुलर शेड्यूल से और इस पर्टिकुलर शेड्यूल में ध्यान रखना ये कब हुआ था किस अमेंडमेंट uh, से ऐड हुआ था तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि उन्नीस सौ इक्यावन नाइनटीन फिफ्टी वन में हुआ था और डी से है आपका डिफेक्शन डी से क्या है डिफेक्शन जिसको दल बदल बोलते हैं यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिमिट कर रहा हूँ जैसे कि इसमें कुछ और भी चीज़ें थी जैसे नाइन्थ शेड्यूल है कि भाई कोई भी इसमें लॉ रखा गया उस पर पार्लियामेंट रिव्यू नहीं कर सकता है देन आईआर आर कोहलो केस हुआ सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं हम कर सकते हैं तो वो अभी के लिए हमारी नीड नहीं है तो उसको यहाँ पर मैं डीप में नहीं ले जा रहा हूँ ठीक है डिफेक्शन अगर बात करें डी से डिफेक्शन ये है हमारा फिफ्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 से इसको ऐड किया गया अब डिफेक्शन के बारे में जब पार्लियामेंट चैप्टर में आएंगे तब पढ़ाएंगे इसको अभी के लिए इतना समझ लो डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल यानी कि अगर कोई मिनिस्टर या फिर कोई भी मेंबर एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में वैसे तो ये डिफेक्शन का मतलब काफ़ी बड़ा है ब्रॉड है तो वहाँ पर देखेंगे लेकिन अभी के लिए समझ लो अगर कोई एक पार्टी छोड़ के दूसरे में जाता तो उसके खिलाफ डिफेक्शन यानी दल बदल वाला लग जाता है और यहाँ पर ग्यारहवां और बारहवां यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आगे जगह नहीं है ना क्योंकि तो इलेवेंथ में दिया हुआ है पंचायत के बारे में ओल्ड पी है ना ओल्ड पी तो पी से पंचायत और एम से हो जाएगा आपका म्यूनिसिपालिटीज यानी कि नगर पालिकाएँ जो कि हमारा इस पर्टिकुलर लेक्चर का सबसे आखिरी टॉपिक है दोनों ठीक है पंचायत और म्युनसिपालिटीज़ ये हमारी अर्बन रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है तो पंचायत की अगर बात करें तो इसको सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट से जोड़ा गया और म्यूनसिपालिटी की बात करें सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट से जोड़ा गया दोनों ही अमेंडमेंट हुए थे नाइनटीन में हुए थे ये ठीक है मतलब हुए तो एक्ट तो 1992 में आए थे लेकिन ये लागू 1993 में हुए थे तो, पंचायत की अगर बात करें इसमें टोटल 29 फंक्शनल आइटम्स हैं और इसमें 18 फंक्शनल आइटम्स हैं ठीक क्वेश्चन का आंसर हो गया अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैं इन दी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है अब ये प्रियम्बल क्या चीज होती है तो अभी मैं आपको बता रहा था कॉन्स्टिट्युए असेंबली के बारे में संविधान सभा के बारे में तो संविधान सभा में हुआ क्या 9 दिसंबर उन्नीस को पहली मीटिंग हुई थी नेहरू जी से रहा नहीं गया और 13 दिसंबर उन्नीस को 1946 को इन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव ले लिया जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसमें इन्होंने ये बोला कि हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सभी लोग क्यों ना ये प्रण करें देखें कि हमारा संविधान इसी लाइन में होना चाहिए इन्हीं लाइन्स में होना चाहिए तो बात बहुत सभी लोगों ने बोला हाँ बात तो सही है तो इसीलिए इसको अडॉप्ट कर लिया गया था 22 जैन 1947 को 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था 22 जैन 1947 फोटी सेवन को हमने ऑब्जेक्टिव अब्जे, रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया जिसको कि मूव किसने किया था हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने यही बाद में रूप लेता है प्रियम्बल का बाद में एक से मेरा मतलब है जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तब प्रियम्बल बनता है ध्यान रखना इस चीज़ को और इसमें हमारा क्या इसी इसको हम समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं इसको आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन का हॉरोस्कोप है ये तो आईडी कार्ड बोला था एन ए पालखी वाला जी ने इन शॉर्ट एन ए पी लिख रहा हूँ मैं एन ए पालखी वाला हॉर उसको बोला था मुंशी जी ने जो अभी हम देख रहे थे बिजनेस कमेटी के चेयरमैन थे ठीक है जो ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर भी थे मुंशी जी हमारे तो अब ये जो प्रियम्बल है ना इसमें तीन चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबसे पहली चीज तो ये है ये बताता है कि सोर्स ऑफ पावर क्या है यानी कि संविधान की शक्ति का सोर्स क्या है तो लोग भारत के लोग ही उसका स्रोत हैं ये जो लिखा हुआ है विद पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलिन रिजोल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन अ के बाद सॉवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑर्डर में याद होना चाहिए आपको ऑर्डर में इसको एकदम ऐसे रट रट्टा मारो इसको बैठ के सोविन सोशली सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एकदम रट्टा होना चाहिए कि ऑर्डर में तो ये बताता है संविधान के नेचर के बारे में कि संविधान का नेचर क्या है अब इसमें एक एक वर्ड का मतलब भी पता होना चाहिए सॉवरन का मतलब होता है कि हम अपने डिसीजंस लेने के लिए इंडिपेंडेंट है बाध्य नहीं है कोई हमें बोलेगा नहीं कि भाई ये करो तो हम ये करेंगे तो हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है सोशलिस्ट का मतलब इसको बोल इसका मतलब होता है समाजवाद तो सोशलिस्ट का मतलब ये होता है समाजवाद का मतलब कि एक्चुअल में हमारे यहाँ पर मिक्सड सोशलिज्म है इंडिया में बात तो अगर बात करें तो मिक्स सोशलिज्म की अगर बात करें इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट भी खेलती प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं सेकुलरिज्म की बात करें तो सेक्युलरिज्म सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है इसका मतलब ये होता है पाकिस्तान की बात करें वो खुद को इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान बोलता है यानी उनका एक धर्म है पाकिस्तान का वो इस्लाम धर्म है हमारे भारत का कोई धर्म नहीं है डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जो अब्राहम लिंकन जी ने डिफाइन किया था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल लोगों के लिए लोगों की लोगों के द्वारा सरकार जो होती है उसको हम एक लोकतांत्रिक सरकार बोलता हूँ रिपब्लिक ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिपब्लिक का मतलब ये होता है इलेक्टेड हेड होना ठीक है रिपब्लिक का मतलब होता है इलेक्टेड हेड होना इंडिया में हेड कौन है प्रेसिडेंट क्या वो इलेक्टेड है जी हाँ इलेक्टेड है मैटर नहीं करता कि वो डायरेक्टली है इनडायरेक्टली है वो इलेक्टेड है ना बस बात ख़त्म यू के वहाँ पर किंग चार्ल्स थर्ड है वहाँ के हेड जो हेरिडिटरी हेड है ना कि इलेक्टेड तो वो एक रिपब्लिक नहीं है यू के ठीक अब इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी तो अभी हमने देखा लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी के हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिए फ्रांस से लिए और जो जस्टिस के हमने जो प्रिंसिपल्स हैं जो जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं वो हमने कहाँ से लिए अर्स्ट वाइल्ड यू जो पहले मतलब जो अभी रशिया है ठीक है तो यहाँ से हमने लिए लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप पांच तरह की लिबर्टी दी हुई है दो तरह की स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की क्वालिटी दी हुई है और एक तरह की फ्रेटर्निटीट और तीन तरह की जस्टिस दी हुई है सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ये रटा हुआ होना चाहिए जब मैं बोलूँ जस्टिस तो तुम बोलो सोशल इकोनॉमिक पोलिटिकल ठीक है जैसे वो होता है ना जैसे मैं बोलो ए राजा 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 तो तुम बोलो करे में तुम तू समझा ठीक है तो ये तुरंत निकल आता है ऐसे बोलो ए राजा राजा राज तुम बोलोगे करे में तू समा अपने आप बोल दो तुम तुम नींद में भी तो वैसे ही जैसे बोलो जस्टिस तो बोलो सोशल इकोनॉमिक पोलिटिकल

हाँ अश्योरिंग ह्यूमन डिग्निटी ठीक है जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप ओके लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन तो ऑप्शन नंबर फिर डी आंसर होगा ठीक है ऑप्शन नंबर डी हुई मेंशन फॉलिंग प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फैटनिटी लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप हाँ तो सही है फिर अब फेटर्निटीट में उस तरह से मैंशन है नश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है तो ह्यूमन डिग्निटी नहीं ओके ठीक है तो ह्यूमन डिग्निटी नहीं डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल लिखा हुआ है ठीक है अगर मान लो डी ऑप्शन ना होता है यहाँ पर कुछ और लिखा होता फेथ एंड वर्शिप की जगह कुछ और लिखा होता तो हम बी को प्रेफर कर सकते थे बिकॉज बी भी पूरी तरह से तो अगर देखें गलत नहीं है क्योंकि फर्टनिटी एक ही तरह की दी हुई और यहाँ पर भी एक ही तरह का लिखा हुआ लेकिन क्योंकि वहाँ पर इंडिविजुअल डिग्निटी लिखा हुआ तो उस हिसाब से इसको हटा सकते हैं और डी ऑप्शन को सही मानेंगे ठीक क्लियर अभी क्लियर नहीं अब आगे बढ़ने से पहले प्रीएम्बल में एक चीज़ छूट गई है दैट इज कि प्रियम्बल में एक अमेंडमेंट हुआ था और वो था फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट्स जरा कमेंट में बताएंगे कि इसमें से कितने वर्ड्स जोड़े गए थे और किसी कोई डाउट आउट होगा पूछ लेगा और कितना क्या कि आपने इस सेक्शन में स्कोर किया बताइए जल्दी से तो फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट तो सबसे पहली बात तो ये एक बात उठी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है हिस्सा है या नहीं है तो बेरोबारी यूनियन केस हुआ आपका बेरोबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया कि प्रियम्बल यानी प्रस्तावना भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है और इसीलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता लेकिन के केस में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने जजमेंट को बदल सकती है तो के बी सी केशन ऑन द भारतीय केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है 1973 में हुआ इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला जी हाँ प्रियम्बल इज अ पार्ट एंड इट कैन बी अमेंड एड इसमें संशोधन किया जा सकता है इसीलिए फिर उसमें संशोधन किया गया बयालीसवा नंबर संविधान का संशोधन जिसमें कि तीन वर्ड को जोड़ा गया स, आ, स, आ, सोशलिस्ट सोशलिस्ट सेक्युलर या फिर सोशलिस्ट इंटेग्रिटी मतलब ट्रिक के लिए मैं बता रहा हूं ठीक है इंटेग्रिटी और सेक्युलर तो सिस करके याद कर सकते हो ठीक है सेक्युलर या फिर आई एस एस करके याद कर सकते हो जैसे याद करना है सोशलिस्ट यानी समाजवाद अखंडता और जो आपका सेकुलर uh, यानी कि जो पंथ निरपेक्ष निरपेक्षता है फिर निरपेक्षता है सोशलिस्ट सेकुलर इंटेग्रिटी तीन वोट को जोड़ा गया फोर्टी सेकंड अमेंडमेंट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी सिक्स है एंड ऑलवेज रिमेंबर प्रियम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ लिमिटेशन ऑफ पावर टू पार्लियामेंट और टू द स्टेट लेजिस्चर नहीं गवर्नमेंट को ना तो पावर देती है ना तो गवर्नमेंट उससे पावर लेती है ये हाँ जी किसी कोई डाउट तो नहीं है हाँ जी तेरह जजेस बेंच बैठी थी शिवांगी गुप्ता ने सही ऐड किया है केशवानंदा भारती केस में अभी आगे भी आएगा के बी सी केस केशवानंदा भारती ये मेरे आगे भी आएंगे अभी के एफ़ सी जैन ने बुद्ध हाँ ये बताओ के एफ सी राइट नॉलेज राइट फेथ राइट कंडक्ट ही आपका जैनिज्म है ना वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे चार वर्ड नहीं सिर्फ तीन वर्ड ही जोड़े थे चलिए तो अभी आते हैं पार्ट वन एंड टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे तो अब यहाँ से हमारे पार्ट यानी संविधान के भाग शुरू हो रहे हैं तो सबसे पहले पार्ट वन की अगर हम चर्चा करें तो पार्ट वन में क्या दिया हुआ है तो पार्ट वन बात करता है यूनियन एंड टेरिटरी यानी कि संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है और इसमें आर्टिकल नंबर है हमारे अनुच्छेद नंबर एक से ले कर चार तक आर्टिकल वन टू थ्री फोर और पार्ट टू जो हमारी बात करता है नागरिकता की दैट इज़ सिटीजनशिप की नागरिकता के बारे में बात करता है यह डील करता है आर्टिकल नंबर फाइव से लेकर इलेवन तक अनुच्छेद पाँच से लेकर ग्यारह तक स्टार्ट करते हैं पार्ट से. वन से आर्टिकल वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स मैं द फॉलोइंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट क्रिएट अ न्यू स्टेट बाई सेपरेटिंग टेरिटरीज फ्रॉम एक्जिस्टिंग स्टेट एट डेफिनेशन ऑफ द स्टेट तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट जब हम पढ़ेंगे तो आर्टिकल ट्वेल्व और थर्टी सिक्स में इसको पढ़ेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लिखा हुआ जहाँ पे सेंटर और स्टेट्स आपस में कोऑपरेट करते हैं उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और इंडिया का फेडरलिज्म क्वजाई फेडरल के सी वेरा ने बोला था और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला था ग्रैनविल ऑस्टिन ने हमने अभी पीछे देखा था अगला क्वेश्चन है फिफ्टींथ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नए राज्य के गठन से संबंधित है चार पाँच दो या तीन तो अनुच्छेद एक से लेकर चार तक के बारे में दिया हुआ है राज तो पाँच तो होगा नहीं पाँच नागरिकता से डील करेगा सेकेंड या थर्ड तो सेकेंड जो है वो इस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट के बारे में डील करता है आई से इस्टैब्लिशमेंट और ये पूछ रहा है फॉर्मेशन बोथ आर सेपरेट टर्म्स वी आर नॉट द सेम ब्रो दोनों बोलते हैं आर्टिकल टू एंड थ्री आर्टिकल थ्री इसका सही आंसर होगा जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट से डील करता है एक्चुअल में आर्टिकल टू थ्री में ये अंतर है कि आर्टिकल टू में जब हम किसी भी टेरिटरी को किसी फॉरेन टेरिटरी को भारत में लेते हैं अंदर लेते हैं जो अभी तक इंडिया का पार्ट नहीं थी आर्टिकल टू का यूज करते हैं आर्टिकल थ्री में क्या करते हैं आर्टिकल थ्री में हम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं लेकिन जो भी करते हैं एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ करते हैं उसको तोड़ देना यानी बाइफरकेट कर देना उसका एरिया को चेंज करना एरिया को तो इंक्रीज करना हो सकता है या फिर डिमिनिश करना हो सकता है बढ़ाना है घटाना या फिर उसका नाम चेंज करना हो सकता है नामकरण का चेंज करना नेम चेंज करना वो इसमें आएगा तो बाइफरकेट करना एरिया चेंज करना और नेम चेंज करना ये आपके आएंगे आर्टिकल थ्री जैसे कि यूनाइटेड प्रोविंस था उत्तर प्रदेश पहले तो नाम किससे चेंज हुआ उत्तर प्रदेश आर्टिकल थ्री का यूज़ करके उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बांटा गया आर्टिकल थ्री ठीक है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों एक हुआ करते थे लेकिन अलग किससे हुआ आर्टिकल थ्री का यूज़ करके ठीक है आर्टिकल टू का यूज़ करके हम फॉरन टेरिटरी को इंडिया का हिस्सा जैसे पी को इंडिया का हिस्सा बनाएंगे तो आर्टिकल टू का यूज़ करेंगे एंड आर्टिकल नंबर फोर क्या बोलता है अनुच्छेद नंबर चार ये बोलता है कि जो भी आप चेंजेस करेंगे आर्टिकल टू एंड थ्री के तहत उनको शेल नॉट बी आर्टिकल टू मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ इतना तो समझ article and के आर्टिकल टू एंड थ्री के तहत जो भी चेंजेस होंगे शेल नॉट बी डेल्ट एज अमेंडमेंट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन यानी उनको संविधान में संशोधन और शेल नॉट बी डेल्ट एज एन एज अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट यानी अनुच्छेद तीन सौ अड़सठ के तहत इनको संशोधन नहीं माना जाएगा ठीक द लिंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिया गॉट स्टैब्लिश इन यानी भारत का पहला भाषाई राज्य आपको बताना है कब स्थापित हुआ था उन्नीस सौ सत्तावन या फिर उन्नीस और उस भाषाई राज्य का नाम भी आपको लगे हाथ बताना है कि वो कौन सा था तो एक्चुअली हुआ क्या हम जब आज़ाद हुए तो बहुत राज्यों ने खासकर साउथ इंडिया के जो राज्य उन्होंने बोला या फिर भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठाई बहुत जोरों शोरों से इसको लेके काफ़ी हमारे कमीशन्स भी बने कौन कौन से कमीशन सबसे पहले तो एक धार कमीशन बना देन इसके बाद एक जेवीपी कमेटी बनी जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और पट्टा बी सीतारो अड़तालीस दोनों ने ही 1940, 1948, 1948 बनी। दोनों नहीं बोला कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे भाषा के आधार पे राज्य नहीं बनना चाहिए लेकिन मांग इतनी तेज हो गई कि 1953 आते आते तक अक्टूबर 1953 को हमने क्रिएट करना पड़ा भारत का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को जहां पर पॉट टू पॉट टू श्री रामलू जी जो अंसन पे बैठे हुए थे और उनकी डेथ हो गई तो और भयंकर प्रदर्शन हो गए थे वो तो, तो इसीलिए जब ये क्रिएट हो गया तो ऑब्वियस बात है बाकी स्टेट भी बोलेंगे कि यार हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो इसलिए फजल अली कमीशन बनाया गया नवंबर उन्नीस में फजल अली कमीशन जिसमें तीन के एम पंडिकर हृदयनाथ कुंजरू ंदरू कुंदु, नहीं कुंजरू हैं और फजल अली जो इसके चेयरमैन थे इन्होंने बोला कि येस लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बना सकते हैं बट वन नेश वन स्टेट वन आ, वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया लेकिन हाँ लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना सकते हैं ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था ठीक तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा विच पार्ट ऑफ द दी कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप नागरिकता से कौन सा भाग डील करता है पार्ट सिक्स पार्ट थ्री पार्ट फाइव या फिर पार्ट टू और एक चीज ध्यान रखना कि जब आर्टिकल वन हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इंडिया ने यूनियन ऑफ स्टेट को रखा है अगर कभी पूछ ले कि भारत ने फेडरेशन ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान सभा में भी मांग उठी थी कि क्यों हम फेडरेशन ऑफ स्टेट को नहीं एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि अम्बेडकर जी ने इसका जवाब दिया कि भारत का जो यूनियन है वो जितने भी उसके फेडरेटिंग यूनिट्स हैं जो स्टेट हैं इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है नो एग्रीमेंट बिटवीन दी फेडरेटिंग यूनिट्स यानी कि अगर कोई भी राज्य चाहे तो वो भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकता है जैसे तमिलनाडु है तमिलनाडु को ज़्यादा चुल्ह उठी रहती है तमिलनाडु को कभी इन्होंने अपना एक रॉकेट बनाया तो उसमें चाइना का झंडा लगाए थे ये भाई साहब ठीक है तो इनको वो रहता है कि हमें हम अलग होना चाहते हैं तो ये होना होना तो चाहते हैं है ना ठीक है लेकिन हो नहीं सकते हैं क्योंकि अम्बेडकर जी पहले ही बोल गए थे कि आर्टिकल वन में हमने यूनियन ऑफ स्टेट तभी रखा है क्योंकि और जितने भी अमेंडमेंट प्रपोज किए गए थे ना जैसे कि अगर मैं बात करूं जैसे जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी उसका जो पहला ड्राफ्ट उसने जो दिया था जो फर्स्ट ड्राफ्ट दिया था वो फेब्रवरी 1988 में दिया था और ऐसे उन्होंने फिर आखिर में बहुत अमेंडमेंट प्रपोज हुए सिर्फ अम्बेडकर जी के जो ड्राफ्टिंग कमेटी जी उन्होंने तो अमेंडमेंट दिए थे वही माने गए वही माने गए थे तो वही उन्होंने बोला था कि इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है जैसे कि यू में चाहे स्टेट तो अलग हो सकते हैं इतना आसान तो नहीं है लेकिन हाँ वहाँ पर इस तरह का फेडरेशन है बट हमारे यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं इनके बीच में ठीक है तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिटीज़नशिप है आपका पार्ट नंबर टू में जो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर पाँच से लेकर ग्यारह तक के बीच में आर्टिकल नंबर फाइव से इलेवन तक के जो है हमारे सिटीजनशिप के बारे में डील करते हैं और इंडिया में किस तरह की सिटीजनशिप है तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता जो हमने अभी देखा था यू के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए वहीं पर यू में किस तरह की सिटीजनशिप है तो यहाँ पर डुअल चलती है ठीक पार्ट सिक्स में हम देखेंगे अभी स्टेट्स के बारे में दिया हुआ है पार्ट थ्री में फंडामेंटल अभी देखेंगे क्या करके तो पार्ट टू पे भी फोकस करते हैं ये आपके आर्टिकल्स हैं जो आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इस चैप्ट पार्ट के आपके अगर बात करूँ तो बस थोड़ा सा आर्टिकल नंबर नाइन और टेन को थोड़ा सा बस देख लेना कि आर्टिकल नंबर नाइन डील्स विद दस पर्सनस वॉलेंटरली अक्वायरिंग द सिटीज़नशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन अगर किसी ने दूसरे देश की नागरिकता अपने आप ले ली तो उसके भारत की अपने आप चली जाएगी और कॉन्टेनवेंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप में नागरिकता के प्रावधान जो उनका जो संचालन है कॉन्टेनवेशन है वो आर्टिकल टेन डील करता है बाकी ये देखना है तो थोड़ा देख सकते हो इंपॉर्टेंट उतने नहीं है क्योंकि अब इनका कोई काम बचा नहीं है वो तो जब इधर इधर उधर माइग्रेशन हो रहा था आज़ादी के टाइम पर पाकिस्तान से इसलिए वो था ठीक तो और को बस दिमाग में रखना ये है यहाँ think, oh, है एंड पे आई थिंक नहीं क्या चलो कौन सा आर्टिकल डील्स विद सिक्किम की तो पहली तो भारत का, भारत का राज्य बनाया गया था किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट से किस संशोधन से बनाया गया था भारत को सिक्किम को भारत का राज्य अब हमारा जो आर्टिकल 3671 है वैसे तो कायदे से ये हम अभी आर्टिकल फाइव पढ़ रहे हैं लेकिन आर्टिकल थ्री बीच में कहाँ से कूद पड़ा क्योंकि यहाँ पे स्पेशल स्टेटस मिले हुए हैं तो इसलिए हम इसको यहीं पे कर लेते हैं अब स्पेशल स्टेटस ए बी में क्या है ई में क्या है एफ के में क्या एच में क्या है तो इसके लिए मैं आपको सीधे ट्रिक बताता हूँ एक बस उसी को याद करना है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना वो क्या है बहुत लोगों को पता होगी जो लोग बैच में हैं कि भाई नाम आसमा एक लड़की है ठीक है उससे तुमने पूछा तुम्हारा नाम क्या है तो उसने बोला मैं आ, मेरा नाम आसमा है और मैं परमार सर से जी के पढ़ती ठीक है तो नाम आसमा ठीक है नाम आसमा जी के तो एन से नागालैंड ए से असम एम से मणिपुर ए से आंध्र प्रदेश ए से आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी एस से सिक्किम एम से मिजोरम ए से अरुणाचल प्रदेश जी से गोवा और के से कर्नाटक अब इस ए और इस में तुम्हें कैसे कन्फ्यूजन नहीं होना है ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होना तो मैं ध्यान रखना भैया कि जो आंध्रा है और आंध्रा की यूनिवर्सिटी है दोनों साथ में है तो आ आ है ना बड़ा आ नहीं, डबल है तो वो आंध्र प्रदेश वाला होगा और ये जो अकेले वो अरुणाचल होगा ठीक है और सबसे ऊपर हमारा असम होगा ध्यान रखना वैसे भी अगर हम लैटिट्यूडनल वाइज देखें तो वैसे तो अरुणाचल आता है ऊपर लेकिन कोई नहीं ठीक है तो आ, असम है आपका वो ठीक है ऊपर सबसे देन आंध्रा एंड देन अरुणाचल याद हो गया सिंपल नाम आसमा जी के और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं तो माता जी के चरण छू के हम हमेशा स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहला आर्टिकल थ्री सेवनटी वन जिसमें कोई अल्फाबेट नहीं है तो महाराष्ट्र और गुजरात को स्पेशल प्रोविजन देता है तो यहाँ पे पूछा किसका था पूछा था सिक्किम का तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन एफ ठीक नाम आसमान जी कै इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द सिटीजनशिप एक्ट पास फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया भारत में सबसे पहले किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था नागरिकता पर जो अधिनियम है ये 1955 में पारित किया गया था जिसको लेके अभी भी न्यूज़ में चल रहा है आपको पता है क्यों ये हमें दो चीज़ों के बारे में बताता कि कोई कैसे भारत की नागरिकता एक्वायर कर सकता है भारत की सिटीजनशिप कैसे कोई ले सकता है और कैसे लूज कर सकता है यानी कि यानी कि भारत की नागरिकता कैसे कोई खो सकता है तो एक्वायर किस किस तरह से करता है कर सकता है कोई नागरिकता या तो भारत में उसका जन्म हो जाए बाई बर्थ या फिर मान लेते हैं बाई डिसेंसी यानी कि उसके मम्मी पापा भारत के ओरिजन के हैं और उनका मतलब उसका जन्म जो है भारत के बाहर हुआ लेकिन उसके मम्मी पापा भारत के ही है तो भी भारत का नागरिक होगा तीसरा होता है हमारा बाई रजिस्ट्रेशन बाई रजिस्ट्रेशन तब होता है जब आपके मम्मी पापा इंडियन ओरिजन के हैं लेकिन नागरिकता भी कहीं और के ले रखी है तो उस केस में आपको भारत में सात साल रहना होगा और ये सात साल सिक्स प्लस वन की तरह होता है यानी कि छः साल और जो पिछला वाला एक साल था लगातार और ये है एक होता है बाई सिटीज़नशिप बाई नेचुरलाइजेशन जिसमें कि ये है कि आपको 12 साल भारत में रहना होगा 11 प्लस वन की तरह का होता है कि भाई जो पिछला वाला साल है पूरे साल तक भारत में ही तुम रहो एक टाइम भी बाहर भारत से बाहर ना निकले हो और वैसे 11 साल तो अभी जो हमारा सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है ना दो हज़ार जो उन्नीस में हुआ था जिसके प्रोविजंस को अभी लागू किया गया है कि भाई जो छः कम्यूनिटीज से आने वाले लोग हैं जिसमें मुस्लिम्स नहीं हैं तीन देशों से बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो उनको क्या है उनके लिए ग्यारह साल घटा के पांच साल कर दिया गया है जो लोग इकतीस दिसंबर दो हजार चौदह से भारत में पहले घुसे हैं ठीक है और एक होता है बाई एक्वायरिंग दी फॉरेन टेरिटरी यानी अगर हमने कोई जैसे मान लो पीओके है पीओके कल भारत को हिस्सा बन जाएगा तो सारे लोग अपने आप भारत के नागरिक हो जाएंगे उसको उनको अलग से लेने की जरूरत नहीं है ठीक है कि भाई इतने साल रहो उतने साल रहो अगर हमने एक्वायर कर ली तो अपने आप हो जाएंगे अगर लूज़ करता है सिटीज़नशिप तो कोई कैसे कर सकता है लूज़ करने के ये है कि भाई अगर वो रिनन्सीट कर दे त्याग दे कि हमें नहीं आ, मतलब मतलब इस्तीफा दे दे सिं, सिंपल ऐसे समझ लो रिनन्सीट कर दे डिप्राइव किसी ने अगर गलत तरीके से नागरिकता ली तो उसको उसके सिटीजनशिप से डिप्राइव किया जा सकता है वंचित किया जा सकता है और टर्मिनेट किया जा सकता है किसी के सिटीज़नशिप को अगर उसने किसी भी एनिमी एलियन के साथ अगर कोई चम्मन बनाने की कोशिश की मतलब कि अब दुश्मन देश के साथ दुश्मन देश का मतलब होता है जब हम वॉर लड़ रहे होते हैं तो जो दूसरा देश होता देश है उसको दुश्मन देश बोलते हैं तो उसको टर्मिनेट बोलते हैं ठीक है ठीके? और इसमें ध्यान रखना जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसमें कई बार अमेंडमेंट हो चुके हैं टोटल छः बारह बीस में अमेंडमेंट हुए हैं ठीक अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है एक बार कन्फर्म कर दो और ये स्कोर वगैरह कैलकुलेट कर रहे हो कि नहीं पीओके तो ले रहेंगे हाँ चलिए तो स्टार्ट करते हैं अभी फंडामेंटल राइट्स थोड़ा सा इसके पहले बेसिक समझते हैं सभी लोग भाई डीप ब्रीथ ले लेंगे और एकदम स्ट्रेट बैठ जाएंगे ना ऐसा ना हो कि क्लास के बाद उठो तो एकदम पीठ दर्द कर रही है फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार सबसे पहले ये पार्ट नंबर थ्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए भाग नंबर तीन में सबसे पहले जो इनका जन्म हुआ था वो यूके में हुआ था ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा के रूप में तभी इनको हम मैगना कार्टा के नाम से भी जानते हैं लेकिन जो हमने फंडामेंटल राइट्स लिए वो यू के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए ठीक है यानी कि जो अमेरिका का संविधान है वहाँ से हमने जो है पर्टिकुलर इनको लिया जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको यू के कॉन्स्टिट्यूशन से और ये पार्ट थ्री में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हैं तो आर्टिकल नंबर ट्वेल्व से लेके थर्टी फाइव तक के बीच में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के बीच बारे में दिया हुआ है अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं ये बेसिक्स आपने समझ लिए कि भाई कहाँ से रिजन हुआ था मैग्ना कार्टा से रिजन हुआ था यूके से हमने लिए हैं यू से ठीक है और इनको भारत अगर कभी पूछ ले कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस कॉलेज मैग्ना कार्टा, तो पार्ट थ्री आर्टिकल ट्वेल्व से लेकर थर्टी अब करते हैं एक एक करके विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर दट लॉज कंसिस्टेंट विद पार्ट थ्री बिफोर दिक कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाइनटीन फिफ्टी आर वॉइड तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है ये भारत के संविधान उन्नीस सौ पचास के प्रारंभ से पहले भाग तीन के साथ असंगत कानून शून्य है आर्टिकल टेन आर्टिकल नंबर सेवनटीन आर्टिकल थर्टीन या फिर आर्टिकल नंबर नाइनटीन तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो ये होगा आर्टिकल नंबर थर्टीन अभी मैंने आपको बोला कि आर्टिकल ट्वेल्व से लेकर थर्टी फाइव के बीच में दिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो इसमें जो आर्टिकल नंबर ट्वेल्व है अनुच्छेद नंबर बारह है इसमें स्टेट वर्ड को डिफाइन किया गया है यहाँ पे स्टेट वर्ड को डिफ़ाइन किया गया है बस स्टेट का मतलब क्या है क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स पूरे पार्ट में स्टेट वर्ड का यूज़ किया गया है तो अगर तुमसे कभी पूछ ले कि इनमें से चार ऑप्शन दे दे पूछ ले कि इनमें से स्टेट क्या क्या है तो आंसर ऑल ऑफ़ दीज होगा अगर ऑल ऑफ़ दीज ऑप्शन में तो ऑल ऑफ दीज यानी इसमें आपका पार्लियामेंट आता है स्टेट लेजिस्लेचर आता है यूनियन गवर्नमेंट आती है स्टेट गवर्नमेंट आती है लोकल गवर्नमेंट आती है ओ एन जैसी संस्थाएं भी आती हैं इसमें तो यानी सब कुछ आता है अंडर दिसन आप ऐसे समझ लो ठीक और थर्टीन ये बोलता है कि अगर कोई भी कानून बना कोई भी कानून बनाया फिर कोई भी कानून इस तरह से पहले एग्जिस्ट करता था और वो भाग नंबर जो हमारा पार्ट नंबर जो तीन है जो मौलिक अधिकार है उसके अगेंस्ट है उसके विरुद्ध है तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा यानी कि खत्म हो जाएगा वो जारी नहीं रहेगा ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर प्रोवाइडेड ओरिजिनली बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950 1950 में भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे तो टोटल मूल रूप से का मतलब क्या होता है ओरिजिनली का मतलब ये होता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था दैट इज ट्वेंटी सिक्स नवम्बर नाइनटीन नवंबर उन्नीस को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था अडॉप्ट किया था लागू हमने 26 जनवरी को किया था तो ओरिजिनली का मतलब यही होता है तो तब सेवन फंडामेंटल राइट्स थे हमारे पास बट अभी सिक्स हैं तो फिर गया कौन सा गया हमारा यहां से डिलीट हुआ राइट टू प्रॉपर्टी जिसको कि हम संपत्ति का अधिकार बोलते हैं जो कि दो जगह था संविधान में एक तो अनुच्छेद इकतीस में पड़ा हुआ था यह और दूसरा था यह आर्टिकल नंबर नाइनटीन वन में दिया हुआ था यह ठीक है आर्टिकल नंबर नाइनटीन वन सब क्लॉज एफ में दिया हुआ था जिसको कि अब हटा दिया गया है इसको किस अमेंडमेंट से डिलीट किया गया डिलीट नहीं किया गया इसको मतलब कि ट्रांसफर कर दिया गया इधर से उधर कर दिया गया तो फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट इस समय भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन था जरा बताइए जब यह अमेंडमेंट हुआ तो ये जब अमेंडमेंट हुआ तो इसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल नंबर 300 ए में शिफ्ट कर दिया गया और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया अब लीगल राइट जब ये बन गया तो अब ये नॉन जस्टिसेबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया अब नॉन जस्टिसियएबल क्या होता है हम आगे देखेंगे कि क्या क्या जस्टिसियएबल होता है क्या क्या नॉन जस्टिसियएबल होता है तो चवालीसवा संविधान जब संशोधन हुआ तो मोरारजी देसाई जी जो, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इस समय थे ठीक तो छः फंडामेंटल राइट्स अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सबसे पहला जो हमारा राइट right होता है वो राइट टू इक्वालिटी ही होता है तो ज़रा बताइए राइट टू इक्वालिटी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है फोर्टीन टू एटीन ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी एट नाइनटीन टू ट्वेंटी टू फिर ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी फोर तो राइट टू इक्वलिटी क्योंकि सबसे पहला है तो बारह तो बोलता है स्टेट वर्ड को डिफाइन करता है तेरा बोलता है कि कोई भी जो कानून बनेगा वो नल एंड वाइट हो जाएगा अगर वो मौलिक अधिकार के विरुद्ध चलेगा तो और आर्टिकल फोर्टीन से लेके एटीन तक बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की अब फोर्टीन टू एटीन की जरा डिस्कस कर लेते हैं लेकिन उससे पहले यह बात करता है राइट टू इक्वालिटी की ये बात करते हैं जो हमारा दूसरा राइट है इसको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम आजादी का अधिकार इसमें अलग अलग तरह की फ्रीडम्स दी हुई है ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी फोर बोलता है राइट right, ये क्या है राइट अगेंस्ट यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार एंड ट्वेंटी एट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता एंड ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी दोनों क्या है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड थर्टी वन तो डिलीट हो गया राइट टू प्रॉपर्टी एंड थर्टी टू से लेके थर्टी फाइव तक डील करते हैं ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज यानी कि संवैधानिक उपचार के अधिकार अब फोर्टीन को एटीन से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि फोर्टीन की अगर बात करें तो आर्टिकल फोर्टीन को इसे डिस्कस कर लेते हैं पहले अनुच्छेद जो चौदह है ये दो तरह के राइट्स राइट टू राइट क्वालिटी के बारे में बताता है जिसमें राइट टू क्वालिटी है दो चीज़ें इसमें एक तो है इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है इसमें अब ये इक्वालिटी बिफोर लॉ एक बार एसएससी ने पूछा है दैट इज़ कि ये कहाँ से लिए हैं हम इसको तो इसको ब्रिटेन से लिए हैं इसको, तो इसको, इसको यूएसए से लिए हैं ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है ठीक तो ये ध्यान रखना नेगेटिव पॉजिटिव भले मत याद रखो लेकिन कहाँ से क्या लिए इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण ये दो चीज़ें होती हैं तो कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से ठीक है और कानूनों का समान संरक्षण ये यू से लिए हैं अब आते हैं अगले पेन दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्टेट्स दैट अ स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एनी ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ एनी ऑफ दम कौन सा आर्टिकल है तो ये हमारा आर्टिकल फिफ्टीन फोर्टीन देख लिए राइट टू इक्वालिटी में चौदह से लेकर तक अठारह के बीच में है चौदह देख लिया पंद्रह को देख रहे हैं तो पंद्रह में भी डिफरेंट क्लाज़ हैं पहला ये बोलता है कि स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है इन, इन ग्राउंडस पे फिर जो आर्टिकल फिफ्टीन का जो क्लाज टू है आर्टिकल फिफ्टीन क्लाज टू के बारे में बात करूँ ये क्लाज वन ये हो गया तो क्लाज टू ये बोलता है कि किसी को भी डिप्राइव नहीं किया जा सकता है किसी को डिप्राइव यानी वंचित नहीं किया जा सकता किससे पब्लिक जैसे जो पब्लिक प्लेसेज हैं पब्लिक जो प्लेसेज हैं उनसे वंचित यानी कि डिप्राइव नहीं किया जा सकता है अब हमारी पब्लिक प्लेसेस क्या क्या होती हैं जैसे कि मान लेते हैं जो सिनेमा हॉल हो गया पब्लिक प्लेस है बाथिंग घाट हो गए वेल्स हो गए रेस्ट्राँ हो गए तो ये सारे पब्लिक प्लेसेस हैं तो किसी को डिप्राइव नहीं किया जा सकता भेदभाव नहीं किया जा सकता है ठीक है फिफ्टीन क्लास थ्री बोलता है

प्रिवेंट दिन एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेज फॉर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज यानी कि ये दोनों एक चीज़ के बारे में बोल रहे हैं कि हमने अभी आपसे ये बोला फिफ्टीन वन और टू में कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता समानता मेंटेन करके रखेगा लेकिन अगर वेमेन चिल्ड्रेन बैकवर्ड क्लासेस को ऊपर उठाने के लिए कुछ स्पेशल प्रिवलेज देना पड़े तो वो दिया जा सकता है उसको डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं ट्रीट कर सकते हैं वो आर्टिकल फिफ्टीन और 3 और फोर बोलता है तो ये स्पेशल और चिल्ड्रेन के लिए ठीक है है और ये special provision देता चाहे वो सोशली हो चाहे एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हो ठीक अब आ जाते हैं अगले वाले पे विच ऑफ दाइट इज गारंटेड बाय आर्टिकल 25 इससे पहले हम आर्टिकल 16, 17, 18 भी देख लेते हैं 16 बोलता है क्या इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी लोक नियोजन के आ, लोक नियोजन में अवसर की समानता इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लोक नियोजन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट नहीं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सरकार अगर आ, रोजगार दे रही है तो उसमें भेदभाव नहीं कर सकती है ठीक है यह बोलता है आर्टिकल नंबर सिक्सटीन और फिर सिक्सटीन क्लाज वन बोलता है कि किस किस ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया सकता तो वही रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ और यहाँ पे डिसेंसी भी अलग ऐड हुई है और यहाँ पे ध्यान रखना ओनली लिखा हुआ है यहाँ पे नहीं लिखा है तो गलत लिखा है मतलब यहाँ पे जो अगर आप एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो वहाँ लिखा हुआ है ओन लिखा हुआ तो है ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ तो ओनली का मतलब ये अल, किसी दूसरे किसी अन्य ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है ठीक है सिक्सटीन क्लॉज टू बोलता है अगेन वही अब सेम चीज़ सेम वही राग अपना शुरू होगा इसका नथिंग इज आर्टिकल कल अब सिक्सटीन जो क्लास टू है इसमें ये बोलता है कि सॉरी क्लास टू तो हो गया ना क्लास वन तो ये था आपका क्लास टू ये होगा ये होगा आपका क्लास थ्री तो क्लास थ्री आपका बोलता है रेजिडेंस को एक क्वालिफिकेशन बनाया जा सकता है कि सिर्फ इसी आंध्र प्रदेश में रहने वाले लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूपी में रहने वाले लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं रेजिडेंस को बेसिस बनाया जा सकता है ये लिखा हुआ है इसमें ठीक है उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं ट्रीट किया जाएगा फोर्थ की अगर बात करें तो वही सेम चीज़ नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट दी स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो कि आपको पता है दिया भी जाता है फिफ्थ क्लॉज ये बोलता है कि ये बैकवर्ड क्लासेस को प्रमोशन में भी प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है और इसको एक इनक्वालिटी ट्रीट नहीं किया जाएगा इसमें विमेन और चिल्ड्रेन कहीं नहीं है यहाँ बैकवर्ड क्लासेज इन अपॉइंटमेंट और यहाँ बैकवर्ड क्लासेज इन प्रमोशन बस बात ख़त्म ठीक है सेवनटीन की जब बात करते हैं तो ये अबॉलिशन ऑफ अनटचचबिलिटी यानी अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है और एटीन की बात करें एबॉल्यूशन ऑफ़ टाइटल्स की बात करता है ठीक है कभी अगर आपसे इस तरह से पूछ ले वैसे तो आज तक पूछा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव तो पॉजिटिव वो वाला होता है जहाँ पे स्टेट को कुछ करने के लिए बोला जा रहा है और स्टेट को कहीं रोका जा रहा है जैसे आर्टिकल 15 स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट जहाँ नॉट वर्ड लिखा हुआ है तो वो एक नेगेटिव राइट कहलाता है विच ओर दॉलोइंग राइट इज गारंटेड बाई आर्टिकल ट्वेंटी फाइव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यून अनुच्छेद पच्चीस पच्चीस में क्या दिया हुआ है राइट टू इक्विटी नहीं क्यों क्योंकि इसमें अभी हमने देखा कि इसमें आर्टिकल नंबर फोर्टीन बात करता है राइट टू इक्वलिटी की राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल्कुल बात सही है तो यहाँ पर अगर हम बात करें थोर तुम डांस की वीडियो भेज रहे थे ना कल अच्छा तो यहाँ पर अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो धार्मिक स्वतंत्रता किस किस आर्टिकल में दी हुई है तो ट्वेंटी फाइव से लेके ट्वेंटी एट तक ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी एट पच्चीस धार्मिक स्वतंत्रता देता है किसी इंडिविजुअल को इंडिविजुअल को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया हुआ है ट्वेंटी सिक्स में अगर बात करें तो रिलीजियस जो डिनोमिनेशनस हैं वेनाइए डिनोमिनेशन इसका मतलब होता है ग्रुप यानी कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशन ग्रुप हैं वो किसी भी तरह के अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं ट्वेंटी सेवन बोलता है कि धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता ट्वेंटी एट बोल बोलता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन यानी कि धार्मिक उपदेश नहीं दिए जा सकते हैं गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में ठीक कल्चरल एजुकेशनल राइट की बात करें तो आर्टिकल नंबर ट्वेंटी नाइन और थर्टी में दिया हुआ और ये आपका थर्टी टू से लेके थर्टी फाइव कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को समझ लेते हैं ट्वेंटी नाइन और थर्टी जिनको कि हम माइनॉरिटी के राइट्स बोलते हैं इनको हम किसके राइट बोलते हैं अल्पसंख्यकों के अधिकार बोलते हैं माइनॉरिटी के राइट लेकिन नो वेर इन द कॉन्स्टिट्यूशन दिस माइनॉरिटी वर्ड हैज़ बिन डिफाइंड ट्वेंटी नाइन ये बोलता है ये किसी एनी सेक्शन ऑफ सिटीज़न भले हम ये माइनॉरिटी के राइट बोलते हैं लेकिन आर्टिकल ट्वेंटी नाइन को ये एनी सेक्शन ऑफ़ सिटीजन सबको मिला हुआ है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीज़न जिसका खुद का डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट मतलब बड़ा यूनिक टाइप का कोई कल्चर है लैंग्वेज है कुछ भी है डिस्टिंक्ट लैंग्वेज कल्चर उसके पास इट ही हैज़ द राइट टू कंजर्व दी सेम वो उसको कंजर्व कर सकता है उसका संरक्षण कर सकता है ये आर्टिकल उसको ही राइट देता है आर्टिकल थर्टी बोलता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं ये ये सिर्फ माइनॉरिटी को मिला हुआ है ये सबको मिला हुआ है ये सिर्फ माइनॉरिटी को मिला हुआ है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से डेवलप कर सकते हैं और खुद के लिए अलग से रूल्स बना सकते हैं जो भी उनको रूल्स बनाने हैं आर्टिकल नंबर थर्टी ये बोलता है ठीक संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार ट्वेंटी फोर्थ ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेक्शन फॉर ऑफेंसेस इक्कीस उन्नीस बीस या फिर अठारह बताइए अठारह अभी देखा अठारह में क्या दिया हुआ है अठारह में आपका टाइटल क्या पॉल्यूशन दिया हुआ है ट्वेंटी बात करता है ट्वेंटी वन बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की जिससे मेनका गांधी केस एसोसिएटेड है जिसमें ही आपका वो प्रोसीजर स्टैब्लिश लॉ दिया हुआ है आर्टिकल नाइनटीन को भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे आर्टिकल नंबर नाइनटीन बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद उन्नीस इसमें टोटल छः राइट्स दिए हुए हैं वो कौन कौन से छ राइट हैं अच्छा ये बताओ जरा कमेंट में राइट टू इक्वालिटी में टोटल कितने राइट्स हैं बताइए तो ये छः राइट को हम याद करते हैं कैसे इन छः राइट्स को हम याद करते हैं सामरो से ठीक है सामरो से हम याद करते हैं इसको एस से एस से क्या है ये क्या है आर्टिकल नंबर नाइनटीन क्लॉज वन आर्टिकल नाइनटीन क्लॉज ये सॉरी ये क्लॉज वन की हम डिस्कस कर रहे हैं नाइनटीन क्लॉज वन सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी सब क्लॉज सी सब क्लॉज डी सब क्लॉज ई सब क्लॉज जी एफ नहीं एफ में तो राइट टू प्रॉपर्टी तो डिलीट हो चुका है हाँ एस से है यहां पे स्पीच एंड एक्सप्रेशन स्पीच एंड एक्सप्रेशन ए से है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स राइट टू फॉर्म एसोसिएशन राइट टू नॉट टू फॉर्म एसोसिएशन भी इसमें दिया हुआ है राइट टू मूवमेंट कहीं पे भी आप घूम फिर सकते हैं लेकिन विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया बाहर जाना है ना आपको फॉरेन टेरिटरी में तो आर्टिकल 21 का यूज करना पड़ेगा बाहर जाना है विदेश और विदेश से भारत आना ये आर्टिकल 21 कवर करता है आर है आपका राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड ओ है आपका कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशन कर सकते हैं दैट इज आर्टिकल नंबर नाइनटीन क्लॉज़ वन सब क्लॉज जी बट ऑल दीज राइट आर प्रोवाइडेड विद सर्टन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी कि इन सब में उचित प्रतिबंध लगे हुए हैं जैसे कि मैं अगर आपको उचित प्रतिबंध बताऊं, तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ये है कि आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं बोलने के नाम पे। आप असेंबल तो हो सकते हैं लेकिन पब्लिक ऑर्डर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं एक यूट्यूबर है ना क्या नाम उनका गौरव तनेजा क्या नाम है उनका चैनल का तो वो गौरव तनेजा एक बार अपने बर्थडे में क्या किए थे एक उन्होंने क्या किया कि एक वो क्या बोलते हैं उसको मीटअप तो मीटअप किए मेट्रो के पास में और हुआ ये कि उससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ गया तो उनको तुरंत धर लिया गया पुलिस के द्वारा वो ये नहीं बोल सकते हैं आई हैव राइट टू फ्रीडम टू असेंबल में कहीं भी इकट्ठा हो जाऊँ पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी डिसेंसिस का इसका भी ध्यान रखना है कोई भी एसोसिएशन नहीं बना सकते हो कहीं भी मूव नहीं कर सकते जैसे भारत में कुछ इलाके हैं जहाँ पे आपको जैसे नॉर्थ ईस्ट में जाओगे इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है कुछ इलाके पीओके वाले ऐसा नहीं वो पी तो भारत का हिस्सा में वहाँ भी जाना है ठीक है रिसाइड कहीं भी कर सकते हैं लेकिन जो हमारे प्रॉस्टिट्यूट्स वगैरह होते हैं तो उनको थोड़ा सा इसमें लिमिटेशन है कि वो पब्लिक वाली जगह में इस तरह से कहीं रिसाइड नहीं कर सकते हैं ठीक है तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं धंधा कर सकते हैं दैट डजन मीन कि पता चला तुम गोरख धंधा कर रहे हो या फिर कोई है मतलब ह्यूमन ट्राफिकिंग पता चला कर रहे हो तो वो सब नहीं है तो यहाँ पर यह भी ख़त्म हो गया बचा कौन सा आर्टिकल ट्वेंटी आर्टिकल ट्वेंटी बोलता है कि आर्टिकल ट्वेंटी में तीन चीज़ें हुई हैं आर्टिकल ट्वेंटी का क्लॉज वन आर्टिकल ट्वेंटी का क्लॉज टू और आर्टिकल ट्वेंटी का क्लॉज थ्री आर्टिकल ट्वेंटी का क्लॉज वन बोलता है नो एक्सपोज फैक्टो लॉ इसका मतलब यह होता है कि आपको नो एक्सपोज फैक्टो लॉ कि आपको जिस समय आपने जब क्राइम किया था तो उस क्राइम के लिए जितनी सजा थी उतनी ही मिलेगी ना ज़्यादा ना कम दो की अगर बात करेंगे तो ये नो डबल जियो पार्टी यानी कि आपको एक क्राइम के लिए दो दो बार सजा नहीं मिल सकती है एक बार अगर आप सजा काट आए तो बस दोबारा फिर क्राइम करो अगर जेल जाना है तो तीसरा क्या बोलता है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन यानी आपको आपके खिलाफ ही गवाह नहीं बनाया जा सकता है ये ट्वेंटी क्लास थ्री बोलता है विच आर्टिकल्स दर्टिकलिशेज द प्रोविजन ऑफ राइट टू एजुकेशन राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार और किस तरह का प्राइमरी राइट टू प्राइमरी एजुकेशन है इंडिया में इस तरह का नहीं कि भाई हमें इस, आ, आ, मतलब उच्च शिक्षा लेनी है उसका भी आपके पास अधिकार है नहीं ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन है ट्वेंटी क्लास वन या फिर ट्वेंटी थ्री तो सही आंसर क्या होगा राइट टू एजुकेशन ट्वेंटी टू में क्या दिया हुआ है तो आर्टिकल ट्वेंटी टू जो है ये बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन यानी कि गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा है इसमें ठीक है तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा इसमें क्या है आपका जैसे ट्वेंटी में क्या था आप क्राइम ऑलमोस्ट कर चुके हैं यहाँ पे आपको या तो मतलब संध्या में भी पूरी तरह से क्राइम प्रूव नहीं हुआ है तो दो चीज़ें होती हैं इसमें होता है दो तरह के डिटेंशन होते हैं एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन और एक होता है प्रिवेंटिव प्यूनिटिव वो होता है जब आप क्राइम कमिट कर चुके हैं ठीक है यह है आप क्राइम कमिट कर सकते हैं उस संदेह में उस संशय में आपको गिरफ्तारी आपकी करी गई है तो इस केस में कुछ चीज़ें होती हैं कि आपके पास अधिकार है कि आपको यह बताया जाएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया आपको 24 घंटे के अंदर आपको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा नहीं तो 24 घंटे के अंदर रिलीज किया जाएगा आपको और आपको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वकील वगैरह भी मिलेगा प्रिवेंशन की अगर बात करें प्रिवेंशन में क्या आपको राइट right मिले हुए हैं कि जब आपकी गिरफ्तारी संदेह पे हुई है कि आप कर सकते थे क्राइम अगेन ये है कि आपको एक तो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ठीक है रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा आपको रीज़न बताया जाएगा अगर बहुत इस तरह का गुप्त रीज़न नहीं है तो आपको रीज़न ही बताया जाएगा एंड तीसरा है कि आपको तीन महीने से ज़्यादा तक आपको हिरासत में नहीं रखा जा सकता है अनलेस एंड एंडिल की अगर कोई एक एडवाइजरी बोर्ड बैठेगा हाई कोर्ट का ठीक है वो अगर बोलेगा नहीं तीन महीने से ज्यादा भी एक्सटेंड करो तो ही होगा नहीं तो तीन महीने के अंदर आपको रिलीज कर दिया जाएगा तो राइट टू एजुकेशन की बात करें ट्वेंटी वन ए बात करता है अच्छे दिखेस का जिसको कि हम एटी सिक्स अमेंडमेंट ऑफ टू थाउजेंड टू से जोड़े थे ट्वेंटी वन देख लिए नो एक्सपोज फैक्टर लॉ और ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में क्या दिया हुआ है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिया हुआ है तो अनुच्छेद तेईस और चौबीस को भी डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज सबको तो डिस्कस कर चुके हैं ये पता है एक बार क्वेश्चन पूछा भी एस एस में जब पी वाई सीरीज़ में करवा रहा था कि कौन सा इनमें राइट नहीं है तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन था और बहुत लोग मार दिए थे कि हाँ ये भी राइट है राइट टू एक्सप्लॉर्टेशन राइट टू एक्सप्लॉयटेशन नहीं है शोषण करने का अधिकार नहीं है आपको कि भैया इसमें तो एक सेकेंड शोषण करने का अधिकार दिया तो किसी का आप शोषण कर रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार अगर आपका कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ अधिकार है तो ये जो है बेगारी जो व्यवस्था जिसको हम बोलते हैं क्या बलात श्रम जहाँ पे जबरन मजदूरी आपसे करवाई जा रही है या फिर आपको आपकी मजदूरी के उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं जितने मिलने चाहिए ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ये प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर को लेकिन कहाँ पे जो हज़ारडस वर्क्स हैं हज़ारडस फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ख़तरनाक काम है वहाँ पे आपके एम्प्लॉयमेंट को ये रोकता है बच्चों के तो छः से चौदह साल तक के उम्र के बीच के हैं ये एज ब्रैकेट बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना छः से चौदह यहाँ पर जो एजुकेशन है ना प्राइमरी एजुकेशन वो छः से चौदह साल तक के बच्चों के लिए ही है अगेन सी तो ये भी क्वेश्चन आपका सी में पूछा गया था राइट टू एजुकेशन वाला ये भी सी में विच आर्टिकल डील्स विद द अमेंडमेंट अमेंडमेंट से कौन सा आर्टिकल डील करता है थ्री एट्टी सिक्स टू सेवेंटी वन थ्री सिक्सटी एट या फिर टू थर्टी वन तो कौन सा आंसर होगा तो थ्री एट्टी सिक्स नहीं थ्री सिक्सटी एट डील करता है अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को ध्यान से समझ लेते हैं तो ये अमेंडमेंट लिए कहाँ से हम लोग साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं ये कर कौन सकता है ये सिर्फ करने का पावर होता है देश की संसद के पास यानी कि सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है स्टेट का लेजिस्लेचर राज्य का विधानमंडल कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट यानी कि संशोधन नहीं कर सकता है और ये करने का जो पावर है इसको आर्टिकल 368 ने दिया है ठीक है अनुच्छेद तीन और जब इस तरह का बिल आता है कौंस यहाँ पे पार्लियामेंट में तो ये लोकसभा में भी आ सकता है राज्यसभा में भी आ सकता है बट स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं आ सकता है ठीक इसमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेना ज़रूरी नहीं है ठीक है और जब ये बिल आता है मान लो उनके बीच में डेड हो गया तो इसमें कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है नो अभी हम पढ़ेंगे जॉइंट सिटिंग के बारे में तो कोई इसमें संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है और इस केस में राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य होता है यानी प्रेसिडेंट शुड गिव हिज एसेंट विद रेस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ये किस अमेंडमेंट ने इस प्रोविजन को ऐड किया गया था यानी प्रेसिडेंट वीटो पावर अपना नेगेटिव पावर इसमें यूज नहीं कर सकता है तो आर्टिकल एक्चुअल में अगर मैं अमेंडमेंट की बात करूँ पहले तो अमेंडमेंट हमारे तीन तरह के हो सकते हैं एक तो अमेंडमेंट बाई सिंपल मेजोरिटी दैट इज साधारण बहुमत से जो संशोधन होता है उसको सिंपल मेजॉरिटी बोलते हैं एक होता है हमारा स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि जिसको विशेष बहुमत बोलते हैं और तीसरा होता है उसको हम बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी ठीक है विशेष बहुमत प्लस एट रेटिफिकेशन फ्रॉम स्टेट रेटिफिकेशन फ्रॉम स्टेट्स यानी कि राज्यों से सहमति लेना लेना है इसमें ठीक है सिंपल मेजॉरिटी साधारण बहुमत ठीक है यानी कि जितने भी टू बाई थर्ड और मतलब मैं मेजोरिटी में जा नहीं रहा बिकॉज पूछता नहीं इसका मतलब होता है टू बाई थर्ड मेम्बर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इसका मतलब यह होता है कि टोटल uh, मेंबरशिप का आपको लेना है टू थर्ड ठीक है एंड स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ दी स्टेट्स का मतलब ये होता है कि स्पेशल मेजोरिटी तो पार्लियामेंट में लेनी है प्लस एटलीस्ट आधे राज्यों में आपको सिंपल मेजोरिटी यानी साधारण बहुमत से उनसे भी आपको सहमति लेनी है ठीक तो ये जो सिंपल वाला है इसको तीन के तहत अमेंडमेंट डील नहीं करते हैं इन्हीं दोनों को ही हम आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट डील करते हैं क्वेश्चन पूछ लिया था अभी कि कितने अमेंडमेंट आते हैं कितने तरह के आर्टिकल 368 के तहत तो दो तरह के आते हैं तो सिंपल मेजोरिटी से हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं जिसको कि हम फ्लेक्सीबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं जिसको कि हम यूनिटरी फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं तो हम सिंपल मेजोरिटी से क्या क्या कर सकते हैं तो हम सिम्पल मेजोरिटी सेकेंड शेड्यूल पढ़े थे थर्ड शेड्यूल पढ़े थे उसको चेंज कर सकते हैं राज्य के विधान परिषद को बनाना है बिगाड़ना है वो कर सकते हैं कोरम गणपूर्ति के बारे में आप पढ़ेंगे वो करना है चेंज तो वो हम कर सकते हैं आर्टिकल टू एंड थ्री में जो चेंजेस होते हैं पढ़े थे उनको आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट के तहत अमेंडमेंट डील नहीं नहीं किया सकता क्यों क्योंकि उनको सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किया जाता है स्पेशल में क्या आता है हमारा मौलिक अधिकार चेंज करना है डी पी एस पी फंडामेंटल ड्यूटी तो वो स्पेशल में आएगा जहाँ पर राज्यों की भी सहमति लेनी है मतलब कि वो फेडरल नेचर से डील कर रहा होगा जैसे कि अगर आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मैनर चेंज करना है क्योंकि उसमें हमारे राज्य के लोग भी हिस्सा लेते हैं इसलिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया सातवीं अनुसूची हो गई सेवन शेड्यूल हो गया उसको अगर आपको चेंज करना है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, को लेके कुछ चेंज करना है तो वो आप रेटिफिकेशन फ्रॉम हाफ ऑफ दिस जैसे जीएसटी था जीएसटी जी बिल को पास करने के लिए राज्यों से भी सहमति लेनी पड़ी क्योंकि आपने बोला है कि एक देश एक कर यानी कि राज्य भी कर नहीं लगा सकते हैं टैक्स तो उनकी भी तो आपको लेनी पड़ेगी ठीक है तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई सारी चीज़ें कहाँ से लिए कौन कर सकता है कब क्या ठीक है और ये प्रेसिडेंट को इसमें असेंट देनी पड़ेगी कोई वीटो पावर नहीं चलेगा ट्वेंटी अमेंडमेंट ने बोला था ख़त्म बात ठीक विच स्पेशल ऑर्डर ऑफ़ द courts मीन्स अरेस्टेड पर्सन शुड बी presented बिफोर द कोर्ट अब हम आ चुके हैं अपने आई थिंक आखिरी वाले आखिरी क्वेश्चन होना चाहिए तो क्योंकि अब हम आ चुके हैं रिट्स की तरफ हमने सारे राइट देख लिए हमने पाँचों देख लिए राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देख लिया देन राइट अगेंस्ट एक्सपोर्टेशन देख लिया हमने देन कल्चरल और एजुकेशनल राइट भी देख लिया अब आते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज बत्तीस से लेकर पैंतीस तक में तो जो आर्टिकल थर्टी टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था किसने जरा बताइए किसने संविधान की हृदय व आत्मा इसको कहा था इसमें इसके तहत आपको रिट्स मिली हुई है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ फंडामेंटल राइट्स मेरे वॉयलेट हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पाँच तरह की रिट्स इशू कर सकता है वो पाँच तरह के रिट्स हैं हेबी कॉर्पस मैंडमस एक और है यहाँ पे प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन श्योर और क्योर वर्नटो हैबी स्कॉर्प इन सब का लिटरल मीनिंग पता होना चाहिए तो हेबी कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव बॉडी ऑफ टू हैव बॉडी ऑफ जब किसी की डिटेंशन जो है वो अनलॉफुल तरीके से किसी को धरा गया जैसे मैं आपको किडनैप कर लूँ आपको अभी तो हेबी कॉर्पस तुरंत एक्टिवेट हो सकती है तो अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रजेंटेड बिफोर द कोर्ट मैंडमस जहाँ पे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल मैंडेटरी काम नहीं कर रहा है तो मान लो कि लेखपाल से बनाने गए अपना मान लेते हैं EWS, वो बना नहीं रहा है उसका काम है वो मैंडेटरी काम लेकिन वो बना नहीं रहा है ठीक है तो इसका मतलब होता है वी कमांड तो यहां कोर्ट बोलेगा हम कमांड कर रहे हैं करो और तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जब कोर्ट ने अगर कोई चीज़ बोल दी ना तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसको चैलेंज कर दे किसी की हिम्मत बड़े बड़े आई एस आई आई ऑफिसर एस को हो सकता है तुमने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हो किस तरह से जो रॉयल एंट्री के वीडियोस आपने देखे हो जिनके और वही रॉयल एंट्री जो है कोर्ट के सामने जो है भीगी बिल्ली बन जाते हैं क्योंकि कोर्ट के सामने जज के सामने हिम्मत नहीं होती किसी की ठीक है प्रोहिबिशन की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है वी फॉरबिड वी फॉरबिड यहाँ पर हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को मना करता है आराम से बेटा आराम से बोलता है ज़्यादा उछलो नहीं ठीक है यानी कि उसको मना करता है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को सर्शोरी अगेन हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ही करता है और इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड ऑफ टू बी सर्टिफाइड ऑफ और ये तब इशू करता है जब उसने रोका तो लेकिन वो रुका नहीं मतलब एक तरह से वो उस वो अपनी बाउंड्री से बाहर चला गया और कोई फैसला सुना दिया तो उसको फैसले को नल एंड वाइट डिक्लेयर कर देगा हायर कोर्ट और बोलेगा लाओ हमारे पास लाओ हायर कोर्ट का मतलब है कोई हमारे अभी कोर्ट होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट आपका हाई कोर्ट उसके नीचे फिर हमारे डिस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं तो हायर कोर्ट जो ऊपर वाला नीचे वाले को कि का मतलब होता है बाई वॉट अथॉरिटी ऑफ इन सब के लिटरल मीनिंग याद रखना ठीक है बाई वाट अथॉरिटी ऑफ यानी किस अथॉरिटी से तुम यहाँ पे बैठे हो यानी कि ये रिट को तब इशू किया जाता है जब कोई एक पब्लिक ऑफिशियल एक पब्लिक एक कोई एक बंदा एक पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है फर्जी तरीके से बैठा है वहां पे तो बाई वॉट अथॉरिटी ऑफ किस अथॉरिटी से बैठे हो क्यों बैठे हो वहाँ पे तुम ठीक तो ये चीज़ क्लियर हो गई आर्टिकल थर्टी टू और इसको हार्ट एंड सोल बोला था हमारे डॉक्टर भीमराव राव अम्बेडकर जी ने ध्यान ये रखना है कि आर्टिकल 226 का यूज करके हाई कोर्ट भी इन्हीं सेम रिट्स को इशू कर सकता है बट ये फंडामेंटल राइट right नहीं है आपका यानी हाई कोर्ट मना कर सकता है रेट इशू करने से और हाई कोर्ट का जो रिट जोरिस्डिक्शन है वो वाइडर है वाइडर इस सेंस में है कि ना सिर्फ ये फंडामेंटल राइट्स के रिस्पेक्ट में रिट्स को इशू कर सकता है बल्कि ये लीगल राइट्स के रिस्पेक्ट्स में भी रिट को इशू कर सकता है ठीक है यानी कि अगर आपका राइट टू प्रॉपर्टी का हनन हुआ तो आप आर्टिकल 32 को एक्टिवेट नहीं करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जाके लेकिन आप आर्टिकल टू 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 सिक्स का यूज़ करके हाई कोर्ट जा सकते हैं क्योंकि हाई कोर्ट को पावर मिली है लीगल राइट्स को लेके भी वो रिट को इशू कर सकता है इसीलिए वाइडर है वो ठीक है और पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि किसी अन्य कोर्ट को रिट इशू करने की शक्ति दे सकता है अगला क्वेश्चन करिए जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टॉपिक का ट्वेंटी एट और ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और एगेट दी एफ आर ऑफ द दर्म फोर्स पैरामिलिट्री फोर्स पुलिस फोर्स इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड अन और किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा लीगल राइट ऑल्सो बिल्कुल राइट टू वोट नहीं वोटिंग का राइट अमिया सेठी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ध्यान रखना राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स तो पैरामिलिट्री फोर्सेज तो थर्टी टू तक देख लिए थे थर्टी थ्री बोलता है कि जो पार्लियामेंट है ओनली पार्लियामेंट नॉन द स्टेट लजिसलेचर वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है इन आर्म फोर्सेज के लोगों को फंडामेंट राइट right. जैसे जो हमारे सी ए पी एफ या फिर जो भी आपके सी ए पी एफ हो गई सी एस एफ सी आर पी एफ आई टी पी या फिर कोई डिफेंस फोर्स तो उन लोगों को लिमिटेड राइट्स होते हैं वहाँ पर उनको कुछ काम करवाया जा सकता तो ये नहीं बोलेंगे कि हमारी मर्जी हमारी मर्जी वो नहीं ठीक है तो उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड राइट्स होते हैं जो लोग के आ, घर में कोई होगा सी ए पी एफ एफ डिफेंस में तो लोग जानते होंगे इसको अच्छी तरीके से खासकर अगर लोअर रैंक्स पे होंगे तो जानते होंगे है ना क्योंकि मेरे फादर रहे हैं तो मैं जानता हूँ अच्छे से किस तरह रिस्ट्रिक्टेड होते हैं राइट्स अब अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले थर्टी थ्री हमने देख लिया थर्टी फोर और थर्टी फाइव दो आखिरी आर्टिकल और देख लेते हैं तो ये जब मार्शल लॉ लगा होता है जब मार्शल लॉ लगा होता है तो उस समय फंडामेंटल राइट्स को ये लिमिट कर देता है रोक देता है ये है कहीं पे भी मार्शल लॉ लगाओ कहीं किसी भी जगह में जैसे मणिपुर में अभी कुछ टाइम पहले मार्शल लॉ लगा था आर्मी का रूल और 35 बोलता है कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई चेंज करना है कुछ भी एनफोर्स करना है कोई भी चीज़ करनी है तो पार्लियामेंट के पास पावर है उसमें कुछ भी उसको एनफोर्स या फिर उसमें चेंज करने की स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं अब आते हैं येट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट टॉपिक है छोटा है मतलब छोटा है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट हर एक शिफ्ट में इसमें कुछ से क्वेश्चन देखने को मिलता है हर एक शिफ्ट में सर इस क्लास के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे क्या सर एक्चुअल में जगदीश बात ये है ना कि रिटन नोट्स मुश्किल बहुत मुश्किल है क्योंकि जो बनाते हैं, हैं नोट्स उनके फादर के साथ बहुत ज्यादा भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं ठीक तो है तो हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं तो इसीलिए वो अभी वही बनाते हैं वो जो आप आईपैड वाले नोट्स देखते हो तो वो अभी है नहीं तो इसीलिए जो है हो सकता है अभी आपको नोट्स वो ना मिल पाए बाकी मैं पी तो अपलोड कर दूंगा पर एस एस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी ठीक है स्टार्ट करते हैं बट बिफोर दैट इसके थोड़े बेसिक समझ लेते हैं कि, कि किस पार्ट में है तो पार्ट नंबर फोर ए में ही है ठीक है फंडामेंटल ड्यूटीज हमने अभी पार्ट थ्री पढ़ा था पार्ट फोर बीच में गायब हो चुका है पार्ट फोर ए पढ़ रहे हैं इसके बाद पार्ट फोर पढ़ेंगे तो वैसे तो पार्ट फोर पहले आना चाहिए था लेकिन कोई नहीं अब पार्ट फंडामेंटल ड्यूटी क्वेश्चन है तो हम पार्ट फोर ए ही कर लेते हैं और आर्टिकल कौन सा है आर्टिकल इसमें टोटल आपके हैं अनुच्छेद इक्यावन ए यानी सिर्फ एक अनुच्छेद है इसमें सिर्फ एक आर्टिकल इसमें डिफरेंट क्लॉजेज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और ये कहाँ से लिए हैं ये हम लिए हैं यू के कॉन्स्टिट्यूशन से ठीक यानी रशिया से अब आते हैं कहकर करके पढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर कंटेंड विद इन विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन सिम्पल फिफ्टी वन ए ठीक ध्यान रखिए अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ मुझे डी पहले रखना चाहिए था जो मैंने नहीं रखा है उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ डी पी देखेंगे अभी उसको भी देखेंगे लेकिन मुझे पार्ट डी पहले रखना चाहिए था ठीक है अब छोटे की वजह से मैंने इसको पहले रख दिया कि छोटा है तो खत्म कर देते हैं इसको पहले अकॉर्डिंग टू आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म ध्यान से समझना ये जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वर नॉट ओरिजिनली दी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये आपको यहाँ से देख के समझ में आ रहा होगा ये ए बी जहाँ पे लगा होता है इसका मतलब होता है कि भाई अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं मूलता संविधान का हिस्सा नहीं थे तो फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने के लिए एक कमिटी का गठन होता है और उस कमिटी का नाम था सरदार स्वरण सिंह कमिटी इस कमिटी के रिकमेंडेशंस पे फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में इंदिरा गांधी समय प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने इस फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया दस ड्यूटीज ऐड करी तो मैं तो लगेगा कि सर एक ही आर्टिकल है जी हाँ एक आर्टिकल है एक पार्ट ऐड किया एक ही पार्ट है आपका पार्ट नंबर फोर ए पार्ट तो खैर एक ही होगा आर्टिकल भी एक ही है फिफ्टी वन ए लेकिन इसमें डिफरेंट क्लाजेज हैं सब क्लॉज ए बी सी डी इस तरह से वो है लेकिन आर्टिकल नहीं है वो आर्टिकल एक ही है फिफ्टी वन ए दस है लेकिन मौजूदा समय में ग्यारह फंडामेंटल ड्यूटीज हैं बिकॉज जो एक, एक एक्स्ट्रा ऐड हुई इसको एटी सिक्स अमेंडमेंट ऑफ 2002 से ऐड किया गया सर ये तो सुनेला लग रहा है हाँ देखेला अभी लग रहा होगा तो ये जो 86 सिक्स अमेंडमेंट अभी उन्हें पीछे पढ़ा था आर्टिकल 21 ए भी ऐड किया था राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इसने अभी एक और चेंज किया था डी पी एस पी में उसको भी पढ़ेंगे आगे ठीक है तो कितनी ड्यूटीज़ हैं ग्यारह ड्यूटीज़ हैं और ये सारी की सारी एवरी बडी है चलो वो अभी नहीं देखते हैं अभी आगे देखेंगे ठीक है पहले आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीज़ें समझते हैं तो ये आपकी ग्यारह फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इसमें दस लिखी हुई हैं वो आखिरी वाली नहीं लिखी हुई है वो भी अभी बता देंगे तो ये आपको पता होनी चाहिए एक एक की जैसे फिफ्टी वन ए है ना तो फिफ्टी वन ए सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी सब क्लॉज सी में क्या है सब क्लॉज डी में क्या है सब क्लॉज ई में क्या है सब क्लॉज एफ़ में क्या है जी में क्या है इस तरह से याद होना चाहिए आपको तो ए में ये लिखा हुआ है आप आराम से पढ़ लो ये इंग्लिश में और ये हिंदी में टू अबाइड बाई दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशल एंथम तो ए से तुम या तो अबाइड याद कर लो या फिर नेशनल एंथम याद कर लो कुछ भी ठीक है तो ए से एंथम याद कर लो याद हो गया बी से क्या याद करोगे दूसरा वाला बी है ना फिफ्टी वन ए सब क्लॉस बी तो बी से याद कर लो भगत सिंह या फिर बापू जी तो भगत सिंह या बापू जी के जो आइडियल्स हैं उन पर हमें चलना है उनके पद चिन्हों पर चलना है टू चेरिश एंड फॉलो दी नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम हमारे कौन थे फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह बापू जी गांधी जी तो बी से बापू जी भगत सिंह आप याद कर लो ठीक है तो बी से याद हो गया सी सी कौन सा अल्फ़ाबेट होता है थर्ड नंबर का होता है रीजनिंग में तुम पढ़ते हो सी थ्री होता है तो इसमें तीन चीज़ें दी हुई हैं टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दी सॉवर्निटी यूनिटी और इंटेग्रिटी तीन चीज़ें दी हुई हैं ये हमारा डी डी से क्या हो जाएगा डी से हो जाएगा ये डिफेंड टू डिफेंड the कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस वेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो ठीक है देन क्या है हमारा देन ई एफ जी है देन अगला वाला हमारा पाँचवा नंबर का जो ड्यूटी है ई e. ई से है टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस रिलीजियस एंड सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ हिंदी में पढ़ सकते हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं एंड टू अनाउंस प्रैक्टिसज जरोगेट्री टू द डिग्निटी ऑफ वेमन इसमें दो राइट दिए हुए इसके अंदर भी दो गुस्से हुए एक तो हमें ब्रदरहुड कॉमन ब्रदरहुड प्रमोट करना है भाईचारा प्रमोट करना ऐसा नहीं कि जहाँ हम मनाया है वहाँ लड़े जा रहे हैं पागलों की तरह हैं थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया लड़ लड़ गए वहाँ पर तो ब्रदरहुड होना चाहिए और वो हमें प्रैक्टिस छोड़नी हैं जो विमेन के डिग्निटी को हार्म करते हैं तो जब हम विमेन बोलते हैं तो इक्वलिटी अपने आप आ जाती है तो ई e से इक्वालिटी याद कर लो यानी कि इसमें विमेन के बारे में दिया हुआ और ई e से याद कर लो इक्वालिटी इक्वलिटी हम हम आपस में भी हो, होनी चाहिए इक्वलिटी यानी ब्रदरहुड होनी चाहिए हमें आपस में याद हो गया हमारा अगला वाला एफ़ वाला एफ़ में क्या दिया हुआ है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर इससे आप फोर्ट को याद कर सकते हो अब फोर्ट से ये मत कंफ्यूज कर लेना कि इसमें मॉन्यूमेंट के प्रोटेक्शन के मॉन्यूमेंट को कंजर्व करने की ड्यूटी दी है ना एक बार पूछ लिया था अभी एस में कि इनमें से कौन सी ड्यूटी नहीं है और उसमें यह था कि टू कंजर्व दी टू टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट तो ये कोई ड्यूटी नहीं है मॉन्यूमेंट ठीक है वो बस याद करने के लिए बता रहा हूँ एफ से फोर्ट और फोर्ट हमारा एक तरह का कल्चर को ही तो दिखाता है जो किले होते हैं ग्वालियर का किला है ना कांगड़ा का किला तो ये सब क्या है ये हमारे कल्चर को दिखा रहे हैं रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर जी से है आपका जी से है ग्रीनरी के बारे में दिया हुआ है जी से किसके बारे में दिया हुआ है ग्रीनरी ग्रीनरी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब नेचुरल एन्वायरमेंट फॉरेस्ट लेक्स रिवर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है एच से एच से है आपका ह्यूमनिज़म यानी हमें साइंटिफिक टेम्पर रखना है पागलों जैसी बातें नहीं करनी है, हैं कि कौन जीतेगा इस बार भैया लग तो रहा है बीजेपी जीतेगी कांग्रेस जीतेगी बताओ भैया है पागलों की तरह कुछ भी बात करें पागलों वाली चीज़ों पर हाँ सरें ठीक है तो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रिफॉर्म डेवलप करना है हर चीज़ को क्वेश्चन करना है आई ठीक है आई से है आपका क्या आई से मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि एन आई फॉर एन आई मेक विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड ये गांधी जी ने बोला था किसने बोला था गांधी जी ने बोला था कि अगर अगर कोई आपको आंख दिखाता है आप भी उसको आंख दिखाते हो तो ऐसे तो पूरा जग अंधा हो जाएगा तो आई ठीक है वो आई ये वाला आई ठीक है तो आई और अंधा हो जाएगा यानी कि, कि किसने बोला था गांधी जी ने और गांधी जी किसके लिए जाने जाते हैं नॉन वायलेंस के लिए तो इसमें ये लिखा हुआ है कि मैं वॉयलेंस को त्यागना है और जे है जे जे नंबर की तो जे बोलता है टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्वीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट यानी इसको आप याद कर सकते हैं जडेजा या फिर जड्डू है ना जडेजा याद कर सकते हैं जडेजा हर फील्ड में एक्सीलेंट है फील्डिंग बॉलिंग बैटिंग तो वही है इसमें कि हमें हर फील्ड में एक्सीलेंट बनना है इन ऑल स्वीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी अब एक बच गया है एंड दैट इज फिफ्टी वन ए सब क्लॉस के जो गार्जियंस को ड्यूटी देता है कि अपने छः से चौदह साल तक के बच्चों को क्या करना है एजुकेशन प्रोवाइड करना ऐसा है ऐसा नहीं कि बस खिला रहे हैं आराम से जो कर रहा है करने दे रहे हैं स्कूल भेजो हैं फालतू में हुआ घर में <laughs> तो साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज़म तो एच से ह्यूमनिज़म एच से अरे देख रहो कितना आसान है यहाँ पे सब क्लॉज में गया ही नहीं सब क्लॉज में गया ही नहीं लेकिन जाएगा नहीं ये जरूरी नहीं है गया है सी एग्ज़ाम्स में कई बार या फिर कोई भी एग्जाम हो और ये मत समझना कि सी पी के लिए अभी यहाँ पर ना सी 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 क्वेश्चन ले रखे ना सी एच एस ए ले रखे ना एम के कोई अंतर नहीं होता है ठीक है कोई भी ज़रा सा भी अंतर नहीं होता है अब अगर तुमको क्या लगता है अगर यही यहाँ पे सी पी ओ की जगह मुझे सी एच एस एल के लिए पढ़ाना होता है सी के लिए तो क्या मैं अलग तरीके से फिर कुछ अलग पढ़ाता क्या कुछ अलग ना होता फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन इनमें से कौन सा नहीं है विजोल तो फॉलो डज नॉट अच्छा इनमें से कौन सी नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी आप होल्ड एंड प्रोटेक्ट की सॉवरिटी यूनिटी इंटेग्रिटी आप इसका सर क्लॉज बताएंगे मुझे फिफ्टी ए किस क्लॉज में है टू चेरी ये है आपकी ड्यूटी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल दैट इंसपायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम कौन से अभी बताया है टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जर्व अवलेंस बताइए कौन से है अडल्ट फ्रेंचाइज यानी वोट देना ये कोई हमारी ड्यूटी नहीं है टैक्स भरना कोई ड्यूटी नहीं है ये बोला था सरदार सरन सिंह कमेटी ने कि टैक्स भरना ड्यूटी होनी चाहिए और जो ड्यूटी नहीं निभाता है उसको पनिश भी किया जाना चाहिए ये ड्यूटीज को इंदिरा गांधी ने नहीं माना तो ये है हमारा तीन चीज़ें हैं सोनिटी इंटेग्रिटी सब लॉस सी ठीक है नोबल आइडियल दैट देर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम बापू एंड भगत सिंह बी पब्लिक प्रॉपर्टी ऑफ जर वॉयेंस आई फॉर आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज आर डैश एंड नॉट एनफोर्सिबल बाई लॉ बट आर टेकन इन टू अकाउंट बाई द कोर्ट्स वाइल एडजुडिकेटिंग एंड एनी मैटर तो ये हमारी होती हैं कैसी नॉन एनफोर्सिएबल नॉन जस्टिसिएबल। इसका मतलब क्या होता है वो समझ लो ये नहीं तुमते मतलब नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है नॉन जस्टिसिएबल का मतलब होता है वाद योग्य नहीं है अब वाद योग्य नहीं है का इसका मतलब ये होता है कि इनके खिलाफ़ आपको सजा नहीं मिलेगी प्रियम बल हो गया फंडामेंटल ड्यूटी हो गए और जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं डी पी एस पी ये सब नॉन जस्टिसेबल है कोर्ट में इनके विरुद्ध आपको अधिकार नहीं मिलता है ओनली फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसबल अगर हनन हुआ तो कोर्ट जा सकते हैं इनका हनन हुआ तो कोर्ट नहीं जा सकते हैं ये अपने आप में एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं लागू नहीं होते हैं लेकिन अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट बना दे तो एनफोर्सिएबल हो जाएंगे जैसे कि पहली ड्यूटी है कि हमें अपने नेशनल फ्लैग और एंथम को रिस्पेक्ट करना है भारत सरकार ने फ्लैग कोड एक्ट लाया है फ्लैग कोड एक लाया 1971 में 1971 में जिसके तहत अगर कोई किसी ने भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया तो उसका अपमान कायदे से किया जाएगा फिर तो फ्लैग कोड 1971 के तहत अब अगर आपने इस ड्यूटी को नहीं निभाया कुछ वो किया तो आप फिर जो है धरे जाएंगे कायदे से तो ये चीज़ है इसमें ठीक है तो ये हमारे एक तरह के स्टैट्यूटरी है स्टैट्यूटरी है नॉन एनफोर्सिएबल है क्लियर इतनी चीज़ कि चीजिसियबल से फंडामेंटल राइट है प्रीएम्बल फंडामेंटल ड्यूटी डीपीएसपी नॉन जस्टिसबल है अब आते हैं डीपीएसपी में किसी कोई डाउट तो नहीं है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है ये इंपॉर्टेंट अब इसके बाद जो है एक ही चैप्टर हमारा बड़ा वाला बचेगा दैट इज पार्लियामेंट वो प्यासी हूं तो भाई पानी पियो भाई मना किसने किया भी पी रहे हैं बाकी भाई बाकी तरह की प्यास कम बात नहीं कर रहे हैं। पानी की बात कर रहे हैं ठीक है और स्कोर वगैरह कैलकुलेट कर रहे हो भी नहीं ऐसा ही चल रहा है सब लगता है शाम तक चलेगी शाम तक नहीं यार एटलीस्ट रात तक तो चली सकती है चलो तो डी पी एस पी पे आते हैं तो डी पी एस पी कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है पार्ट नंबर फोर में है पार्ट वन यूनियन टेरिटरी पार्ट टू सिटीजनशिप पार्ट थ्री फंडामेंटल राइट्स पार्ट फोर में दिया हुआ डी पी एस पी एंड देन पार्ट फोर ए में जो अभी हमने पढ़ा फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक और कमेटी याद रखना सरदार सरन सिंह तो इंपॉर्टेंट है ही ये काफ़ी जस्टिस वर्मा कमेटी ठीक है जस्टिस वर्मा कमेटी बाद में बनी थी ये देखने के लिए कि किस तरह से लोगों को फंडा फंडामेंटल ड्यूटीज़ उनमें निहित की जा सकती हैं कैसे उनको बोला जा सकता है कि भाई वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को निभाएं अपनी तो जस्टिस वर्मा कमेटी बस इतना ही याद रखना कि लोगों पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी 1998 में विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटी ठीक चलो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होना चाहिए मतलब फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल ड्यूटीज अगर ना फॉलो करे उसको सजा मिलनी चाहिए वो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी नहीं बोला था ठीक है तो पार्ट फोर में है और आर्टिकल नंबर थर्टी फाइव पर हमारे फंडामेंटल राइट्स खत्म खत्म हुए थे तो आर्टिकल थर्टी सिक्स से स्टार्ट होंगे डी पी एस पी और थर्टी सिक्स से लेकर फिफ्टी वन तक में जाएंगे तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट डी पी एस पी तो कौन सा पार्ट है तो पार्ट फोर है जो डी पी एस पी की बात करेगा ठीक है पार्ट फाइव देखेंगे अभी यूनियन ये फंडामेंटल राइट्स और ये सिटीज़नशिप अंडर विच आर्टिकल द प्रोविजन ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन मेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये आपको बताना है बट बिफोर दैट हम आर्टिकल थर्टी सिक्स और थर्टी सेवन जिनका एस एच डीपीएसपी कोई मेंशन नहीं है वो देख लेते हैं ये हैं डीपीएसपी पार्ट फोर का ही पार्ट लेकिन डीपीएसपी मेंशन नहीं है जिस तरह से जब फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं बारह से लेकर पैंतीस तक हैं लेकिन बारह और तेरह में कोई राइट right नहीं दिया हुआ है बारह में दिया हुआ स्टेट की डेफिनीशन वैसे यहाँ पे भी स्टेट को डिफाइन किया गया है कि जो आर्टिकल ट्वेल्व में डेफिनेशन है वही हमारे में भी स्टेट की डेफिनेशन डी पी में ठीक है और थर्टीन क्या बोल रहा था वहाँ पर थर्टीन बोल रहा था कि कोई भी लॉ जो इनकन्सिस्टेंट है एफ आर के साथ तो वो नल एंड वाइट थर्टी सेवन बोलता है कि जो ये आपके फंडा ये जो आपके डी पी एस पी है ये नॉन जस्टिसेबल है यानी कि इसमें तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगे कि ये राइट right, तो, मतलब राइट टू वर्क यानी काम करने का अधिकार ये सब तो ऐसा नहीं एकदम उछल के तुम कोर्ट पहुँच गया कि इसमें तो राइट टू वर्क हम तो अनएम्प्लॉयड हैं नहीं हम पहले ही बता देते हैं नॉन जस्टिसबल हैं ठीक है अब पढ़ो तुम डी पी एस पी पढ़ो तो किसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात हुई है समझो अब ध्यान से यहाँ पर मैं तुम्हें एक स्टोरी बताऊंगा जिससे कि सारी डी पी तुम्हें याद हो जाएंगी उतनी भी आसानी से नहीं क्योंकि तुम्हें एक दो बार खुद से रिवाइज तो करना ही पड़ेगा ठीक थर्टी सिक्स देख लिया स्टेट की डिफिशन ठीक है और इसमें थर्टी सेवन में क्या है आप कोर्ट में पहुँच जाना नॉन जस्टिसियेबल है अब आते हैं जो राइट्स थर्टी से स्टार्ट होती हैं तो होता क्या है थर्टी एट को हटा दो थर्टी एट वाला तुम बस अलग से पढ़ लो कि थर्टी एट में क्या है इट ऑथराइजेज़ द स्टेट टू सिक्योर और भाई जो लोग ब्रेक का बोल रहे हैं ठीक है इसलिए डी पी पढ़ने के बाद ब्रेक ले लेंगे एक दो मिनट का ठीक है तो अभी से, कायदे से समझ लो डीपीएसपी को इट ऑथोराइजेज द स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर वेलफेयर पीपल इसको बस तुम भूल जाओ यहां से स्टोरी शुरू करते हैं बस थर्टी से ठीक है थर्टी नाइन से थर्टी नाइन में दिया हुआ ये आर्टिकल 39. तो एक लोअर डिवीजन क्लर्क था एक लोअर डिवीजन क्लर्क था जो पब्लिक uh, में काम करता था वो एल से हो गया लाइवलीहुड डी से हो गया डिस्ट्रीब्यूशन सी से हो गया कंसंट्रेशन पी से हो गया पे एच से हो गया हेल्थ सी से हो गया चिल्ड्रेन ठीक है क्या थर्टी नाइन ए में दिया हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट है मैं बहुत आहिस्ते से इसलिए पढ़ा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि इस पर एकदम क्वेश्चन बनता आर्टिकल पे तो याद रखना अच्छे से ठीक है इसीलिए मैं स्टोरी बताऊँगा दैट दी सिटीजन्स मैन एंड वेमन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिकुएट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एडिकुएट मींस ऑफ लाइवलीहुड सो दैट सब अपना जीवन यापन कर सकें इसलिए उन सबको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होने चाहिए सबके पास दैर दी ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज एंड द कम्यूनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सब वो दामन गुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज के बारे में बात करता है सी कंसनट्रेशन नहीं होना चाहिए वेल्थ का जैसे कि ऐसा नहीं कि पूरी भारत की जो वेल्थ है सिर्फ कुछ ही लोगों के पास पहुँचिए सिर्फ कुछ ही लोग पूरे भारत को कंट्रोल कर रहे हैं पे पी क्या है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए यानी कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए एच से हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स को मैनेज करना है मतलब अच्छा है रखना है और सी से आपका जो बच्चे लोग हैं उनके उनको अपॉर्चुनिटी देनी फैसिलिटी देनी सो so दैट उनका हेल्दी मैनर में डेवलपमेंट हो सके और ये एक्चुअल में जितने भी हमारे डीपीएसपी सब हैं क्या सब ये स्टेट को दिए हुए डायरेक्शन हैं जो कि हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं तो स्टेट को डायरेक्शन दिए हुए कि आप ये करो ये करो ये करो और एक चीज ध्यान रखना <clears throat> जो डी पी एस पी हैं दे कैन बी ट्रेस्ड बैक फ्रॉम दी कराची रेजोल्यूशन तो एक कराची रेजोल्यूशन हम पढ़ेंगे जब हिस्ट्री तो वहाँ पढ़ेंगे 1931 में एक सेशन हुआ था कांग्रेस का कराची में तो वहाँ पे एक रेजोल्यूशन लिया गया था रिगार्डिंग दी फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी तो वहीं से इसका ओरिजन होता है ध्यान रखना कराची रेजोल्यूशन से एंड जो डी पी एस पी है इसको uh, मतलब अम्बेडकर जी ने यह बोला था कि दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम दी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एज कंटेंड इन दी एज कंटेंड इन दी ओ आई उससे ये उसी को एक तरह से रिजम्बल करते हैं तो स्टेट को डायरेक्शन मिले हुए आप ये करो ये करो ये करो तो एक तरह से ये हमारे सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर सिक्योर करना चाहते हैं यानी ये एक तरह का भारत को लोक हितकारी राज्य बनाना चाहते हैं वेलफेयर स्टेट बनाना, है, बनाना चाहते हैं इस चीज़ को मत भूलिएगा ये क्या बनाना चाहते हैं भारत को डी वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं ये जो पाँच चार पाँच एक्स्ट्रा चीज़ें बताई ना नोट कर लेना इनको अब आगे बढ़ते हैं तो स्टेट को डायरेक्शन मिले ये करो ये करो ये करो ठीक है तो हम क्या कहाँ पे थे यार यहाँ पे थे ठीक है हाँ, ये वाला हमारा आर्टिकल ये पा हो चुका था तो क्वेश्चन यहाँ पे थे इस वाले क्वेश्चन ये करना था हमें तो ये मैंने आपको बता दिया थर्टी नाइन अब स्टोरी क्या है तो एक एलडीसी है जो पीएचसी में काम करता है तो वो बहुत भला टाइप मानुस है उसने सबसे पहले क्या किया उसने लोगों को जस्टिस दिलाने का ठान लिया कि अब मैं लोगों को न्याय दिला के रहूँगा उनको फ्री लीगल एड अब दिलाऊँगा अब अगर उसे न्याय दिलाना है तो फ्री लीगल एड दिलानी पड़ेगी लोगों के झगड़े चल रहे हैं आपस में कोर्ट में तो उसने लोगों को फ्री लीगल सहायता देना देना स्टार्ट किया जब उनको छुड़ा के लाया उनके झगड़े रिजॉल्व कर लाया तब तो उनको काम देना पड़ेगा अब काम कैसे मिलेगा वो तो कोई काम ऐसा जनरेट नहीं कर सकता ना कि भाई ये लोग पे, पेड़ थोड़ी ना काम का लगा हुआ है तो पंचायत का गठन करेगा कि भाई पंचायत के सारे लोग आओ मिल बैठो और कुछ काम कुछ देखते हैं काम कैसे करना है तो अब यहाँ पर काम भी दिला दिया राइट टू वर्क एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस भी दिला दी जब उसने काम दिला दिया फैक्ट्री वैक्ट्री सेटअप करके पंचायत लगा के तो बस फैक्ट्री में ये भी तो देखना है कि वहाँ पे ठीक ठाक कंडीशन है कि नहीं काम करने के लिए मैटरनिटी रिलीफ मिल रही है कि नहीं मात्र तो जैसे मैटरनिटी रीफ का मतलब होता है जैसे कि मान लो कोई विमेन प्रेग्नेंट है ठीक है तो उस समय काम नहीं कर सकती है तो उस समय भी उसको पैसा मिलता रहना चाहिए ठीक है लिविंग वेज अब कंडीशन तो अच्छी है लेकिन पैसा ठीक ठाक मिल रहा है कि नहीं जिससे उनका सर्वाइवल हो सके पता चला काम तो मिल गया लेकिन काम के लिए पैसा नहीं मिल रहा तो फिर क्या फ़ायदा तो लिविंग वेज मिल रहा है कि नहीं उसने वो पहले देखा ठीक है फिर उसने देखा कि अब मैं तो हर टाइम यहाँ पर रह नहीं सकता हूँ अनंतकाल के लिए मुझे भी अपना पी भी संभालना है ठीक है मुझे अपना काम भी करना है तो उसने एक चीज़ को सिक्योर करके गया कि भाई इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए ठीक है तो एटलीस्ट इतने स्टोरी से आपको इतने आर्टिकल याद हो गए अब वहाँ पर नहीं भी देखो तुम लेफ्ट साइड में मत देखो राइट साइड में देखो तो मैं बहुत कायदे के तुम पे भरोसा नहीं है तो हम यहाँ पे दिखाएंगे तुम्हें ठीक है तो एक एल है जो पी में काम करता है आर्टिकल नंबर थर्टी नाइन में है ये सब ठीक है देन थर्टी नाइन ए में क्या दिया हुआ है फ्री लीगल एड टू द पुअर ठीक है मेरे साथ साथ एकदम रिकॉल करो फ्री लीगल एड टू द पुअर फिर क्या था फिर भाई पंचायत को ऑर्गेनाइज करवाना था उसको पंचायत को ऑर्गेनाइज किया फिर क्या दिया राइट टू वर्क दिया राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस दिया फिर क्या दिया फिर उसने दिया क्या फिर उसने दिया जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए काम करने के लाइक कंडीशन होनी चाहिए फिर फोर्टी थ्री में क्या दिया कि लिविंग वेज भी तो होना चाहिए जिससे वो काम कर सके अब हर टाइम तो वो साथ रह नहीं सकता है तो इसीलिए 44 मत कर देना यहाँ पे 44 तुम सबको पता है क्या है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहता है बताओ जरा क्या है तो 43 ए में क्या दिया हुआ है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ याद हो गया हमें सिंपल और 44 में तो भाई सबको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान आचार संहिता दी हुई है जो अभी हमारा उत्तराखंड ने बिल पास किया है याद हो गया याद हो गया ना यहाँ तक अब आते हैं नीचे अब उसने क्या किया उस एल को लगा कि बच्चे यार पढ़ पढ़ लिख नहीं रहे हैं। तो उन उसने क्या किया अब यहाँ से दूसरी स्टोरी बना लो अपनी कि भाई बच्चों के पढ़ाई के लिए बच्चों की जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो छः से चौदह साल तक के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई ट्वेंटी वन ए पहले ही बताता है गार्जियन को भी ड्यूटी दे दी गई है एक तो स्टेट को दे दी गई है मतलब एक तरह से ड्यूटी मतलब एक तरह से मौलिक अधिकार बना दिया गया छः से, चौ से चौदह साल तक के बच्चों की शिक्षा का अनुच्छेद इक्कीस का अनुच्छेद इक्यावन का फिफ्टी वन एज सब क्लास के में दिया हुआ है छः से चौदह साल तक के बच्चों को पढ़ाना है गार्जियन को ड्यूटी दे दी गई अगेन एट्टी सिक्स अमेंडमेंट से एंड अगेन एट्टी सिक्स अमेंडमेंट से ये स्टेट को दे दी गई कि भाई छः से चौदह साल तक का तो हो गया और जो बेचारे छः से नीचे के हैं वो क्या करेंगे तो उनका भी तुम देखोगे जो जीरो से छः साल तक के बच्चे यानी अर्ली चाइल्ड हुड केयर आंगनवाड़ी वगैरह होती हैं खाना बच्चों का आता है खिलौने आते हैं कई जगह वो मिलते नहीं वो बात अलग है <laughs> लेकिन आते तो है ना तो स्टेट वो देता है इस पर्टिल आर्टिकल फोर्टी फाइव में उसको डायरेक्शन मिला हुआ इसलिए क्लियर चीज़ तो इसको भी एटी सिक्स अमेंडमेंट दो हज़ार दो से इसका सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया था आर्टिकल फोर्टी फाइव का ठीक है तो उनको बच्चों को वो दे दिया अब बच्चे बच्चों के जो माता पिता हैं जो एस सी एस टी कम्यूनिटी से बिलोंग करते हैं ठीक है तो उनके एजुकेशन को भी हमें प्रमोट करना है और क्योंकि वो लोग अभी थोड़ा सा उनका क्या ना न्यूट्रिशन ठीक ठाक नहीं है और उनका पब्लिक हेल्थ ठीक ठाक नहीं है वो इंटॉक्सिकेंट्स ज़्यादा ले रहे हैं अभी तो उसको हटा के एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बैंड्री में लगाओ सो दैट so दूध पीना वो चालू करें तभी उनकी हेल्थ सही होगी तो आपका फोर्टी सिक्स में आ जाएगा एस सी का उनका सोशल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हमारे एस सी एस टी हैं फोर्टी सेवन में रेज़ uh, करना है लेवल ऑफ़ न्यूट्रिशन फोर्टी एट में एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री फोर्टी एट ए में अब एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री में काम करवाएंगे और एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट करवा लो उनसे फोर्टी एट ए में एनवायरमेंट फोर्टी नाइन में आपको दिया इनको बोला गया मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी में तो हमें बस जो हमारे नेचुरल हेरिटेज कल्चर था उसको प्रोटेक्ट करना था मॉन्यूमेंट यहाँ फिफ्टी पचास जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना है यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना है और सबसे आखिरी है इक्यावन नंबर की टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी यानी इक्यावन रुपए का प्रसाद चढ़ा के शांति का हमें क्या देना है शांति का प्रचार करना है ठीक है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अब ये जो हमारी डी पी एस पी चलो भी हम आगे पढ़ेंगे पहले तो ये बताओ अंडर विच आर्टिकल द प्रोविजन फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क तो किस में है ये थर्टी नाइन डी में फोर्टी टू में क्या होगा तुम अभी रिकॉल कर सकते हो इसमें है वही मैटर्निटी रिलीफ वाला है कि नहीं जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन और मैटर्निटी रिलीफ फोर्टी फोर यू सी सी फोर्टी पंचायत फोर्टी एट एनिमल हजबेंड्री एकदम याद करो फोर्टी फ़ाइव अर्ली चाइल्ड हुड केयर फोर्टी सिक्स एस सी एस टी फोर्टी फोर्टी सिक्स हो गया तो फोर्टी सेवन आपका न्यूट्रिशन फोर्टी एट एनिमल हजबेंड्री ठीक है तो सारे अब याद हो गए ना आपको मतलब तो सारे तो नहीं लेकिन हम मैक्सम बहुत सारे आपको याद हो गए होंगे धीरे धीरे करके बाकी भी हो जाएंगे और एक चीज़ याद रखना कि जो डी पी एस पी हैं हमारी ठीक है इनको हम तीन कैटेगरी में क्लासीफाई कर देते हैं हम कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं क्लासिफिकेशन नहीं है एक तो है हमारी सोशलिस्टिक समाजवादिक डी एक हो को बोल देते हैं गांधीयन डी और एक को बोल देते हैं लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल तो वो डी हमारी जो गांधी जी के फ़लॉसफी पे आ, से रिलेट करती हैं जो सम सोशलिज़म के प्रिंसिपल सेलेट करती हैं जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल सेलेक्ट करती हैं तो उनको एक आ, एक हेड में हम उनको कंबाइन कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं है ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया था सीपीओ में पिछले पिछली बार इनमें से कौन सी तरह का डीपीएसपी नहीं है तो एक था नेहरूवियन डीपीएसपी तो नेहरूवियन नहीं है गांधीयन है ठीक है चलिए तो अब ये पूछ रहा है कि इन पर्टिकुलर डीपीएसपी को हमने किस अमेंडमेंट से जोड़ा था ये आपका आखिरी क्वेश्चन है बिफोर द ब्रेक चलिए तो अभी अमेंडमेंट पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से डी को अमेंडमेंट से जोड़ा गया था तो चार अमेंडमेंट हुए थे एक तो बयालीसवां चवालीसवाँ ठीक है आगे जगह है क्या है एट्टी सिक्स और नाइन्टी सेवेंथ एट्टी सिक्स तो तुम समझ गए हो ठीक है ये देख लेते हैं फोर्टी सेकेंड और फोर्टी फोर्थ फोर्टी सेकेंड से चार डी को जोड़ा गया था चार कौन कौन सी हैं चार कौन कौन सी हैं चार इसको पता है कैसे याद रखोगे गरीब मजदूरों के बच्चे के बच्चों से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करवाओ भैया गरीब मजदूरों के बच्चों से एनवायरमेंट प्रोटेक्ट कराओ इस तरह से याद कर सकते हो अब एनवायरमेंट से क्या है टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ फोर्टी एट ए आर्टिकल ठीक वर्कर से क्या है टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज वर्कर्स इन दजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज कौन सा आर्टिकल है आर्टिकल फोर्टी थ्री ए ठीक है एंड पुअर फ्री लीगल एड टू दुअर फ्री लीगल एड टू पुअर किस में था थर्टी नाइन ए में और पुअर्स का हेल्दी डेवलपमेंट सिक्योर करना है थर्टी नाइन ए सॉरी पुअर पुअर नहीं एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड दो दो बार पुअर हो गया क्या गरीब मजदूरों के बच्चों बच्चे बच्चे होंगे यहाँ पे ठीक है चिल्ड्रन ठीक है तो यहाँ पे चिल्ड्रन होंगे तो हमें ये जो आपने अभी हमने देखा था यहाँ पे ये चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ टू डेवलप हेल्दी मैनर इस चीज़ को हमने ऐड किया था ठीक है तो गरीब मजदूरों के बच्चों से एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना ये चार डीपीएसपी हमने ऐड करी फोर्टी सेकेंड से फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट से हमने सिर्फ एक डीपीएसपी ऐड करी और वो था आर्टिकल नंबर थर्टी एट में ही हमने एक एड ऑन किया एंड दैट इज टू मिनिमाइज इन इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी आई अगेन रिपीट टू मिनिमाइज इन इक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी याद कैसे रखेंगे इन इक्वालिटी को कम करना है समानता को बढ़ाना है इक्वालिटी इक्वलिटी फोर इज इक्वल टू फोर है ना इस तरह से याद कर सकते हो एट्टी सिक्स अमेंडमेंट जो टू थाउजेंड टू में हुआ इससे क्या हुआ आर्टिकल फोर्टी फाइव का सब्जेक्ट मैटर चेंज हुआ तो जो देख चुके हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर नाइनटी सेवेंथ अमेंडमेंट से फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल फोर्टी थ्री बी एडवाइज है खत्म ठीक है थर्टी नाइन थर्टी नाइन थर्टी क्या होगा खत्म सेकेंड खत्म हो गया आपका पूरा यहाँ से हमारा पार्ट वन टू थ्री फोर खत्म हो गया अब हमारा यहाँ से next, पार्ट 5 स्टार्ट होने वाला है कितना टाइम हो गया भाई क्लास को आ, चालू हुई थी नौ चालीस में चालू हुई थी ना ग्यारह चालीस हो गया दो घंटे की कॉन्टिन्यूस क्लास हो गई ठीक है तो ब्रेक लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं ठीक है <laughs> तो क्योंकि हमें भी लेना है थोड़ा सा आंखें दर्द करें तो एक से मैक्मम मैक्सिमम डेढ़ मिनट तो मैक्सिमम दो मिनट का ठीक है इससे ज़्यादा नहीं थोड़ा लंबी गहरी सांसें लेके आते हैं थोड़ा पानी वानी पी के है ना <laughs> तो मैक्सिमम दो मिनट का है इससे ज़्यादा का वो नहीं होगा और यकीन मानिए इस क्लास को लेने के बाद जो आपको परम आनंद की अनुभूति होगी ना क्योंकि आपको पूरी पॉलिटी जो है आपके अंदर समा जाएगी आज तो वो आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए हाँ पुष्पा याद ग्यारह पचास तक ब्रेक अच्छा अब एक टॉपिक तो यार क्या पढ़ा दूँ ग्यारह पचास में तो पूरा एक साथ ही पढ़ेंगे ठीक है चलो कितने घंटे की है सर बस मुश्किल से एक दो घंटे और मुश्किल से एक दो घंटे मुश्किल से ख़त्म होने वाला मेन वही था आराम से पढ़ने वाला उसके बाद ख़त्म हाँ जी तो स्टार्ट किया जाए फिर स्टार्ट करें एक सेकंड रुकने यार में एक सेकंड बस चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है पार्ट फाइव पार्ट फोर फोर ए देखने के बाद पार्ट फाइव जो है ना इसमें बहुत सारे चैप्टर्स में डिवाइडेड है पार्ट फाइव बात करता है यूनियन की यानी कि संघ की और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स डिवाइडेड हैं चैप्टर्स कितने हैं इसमें पार्ट फाइव में पांच चैप्टर हैं पांच चैप्टर इस तरह से डिवाइडेड है कि जो चैप्टर वन बात करता है चैप्टर की बात कर रहा हूं ठीक है पार्ट फाइव में पांच चैप्टर हैं। पहला चैप्टर बात करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव की यूनियन एग्जीक्यूटिव की यानी कि संघ के कार्यपालिका की अब इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपका आता है प्रेसिडेंट इसमें आता है आपका वाइस प्रेसिडेंट इसमें आपका आता है प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और इसमें आता है अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्याय वादी ये चैप्टर वन में जो यूनियन एग्जीक्यूटिव उसमें ये सब लोग आते हैं और ये डील करता है आर्टिकल कर नंबर 52 से यहाँ तक हम जाएंगे कहाँ तक 52 से लेके 78 तक जाएंगे देन जो चैप्टर टू है वो आता है आपका आर्टिकल नंबर 79 से लेके 122 तक जो बात करता है पार्लियामेंट की देश की संसद की जो चैप्टर नंबर थ्री है वो है सिर्फ एक आर्टिकल 123 जो बात करता है ऑर्डिनेंस की फिर आता है चैप्टर नंबर फोर जो आपका जाता है 124 से लेके 147 जो बात करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की यानी लास्ट चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर फाइव जो है आपका आर्टिकल वन से लेके 151 तक के बीच में और ये बात करता है कैग दैट इज़ कॉम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्लियर हो गई पिक्चर ब्रॉडर पिक्चर पार्ट फाइव यूनियन यूनियन में पांच चैप्टर चैप्टर वन अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो डील करता है यूनियन के एग्जीक्यूटिव से और जब हम बात करते हैं यूनियन के एग्जीक्यूटिव तो उसमें कौन कौन आता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी दैट इज़ अटॉर्नी जनरल अब एक एक करके हम आर्टिकल पढ़ेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे उतरने वाले हैं किसकी फील्ड में सबसे हम पहले उतरने वाले हैं प्रेसिडेंट जी की फ़ील्ड में जो कि डील करते हैं आर्टिकल 52 से लेके 62 तक से हां जी तो पहला क्वेश्चन है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है किस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड प्राइम प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड या फिर प्रेसिडेंट ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अब राष्ट्रपति के रिगार्डिंग आर्टिकल बताइए विच आर्टिकल अब ये आपको मैं समझाऊंगा अभी क्या एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन अगर समझ में आए तो ठीक है नहीं तो यह समझाऊंगा मैं ठीक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विदियन एग्जीक्यूटिव भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ कार्यपालिका से संबंधित है कार्यपालिका आप समझिए कौन कौन आता है और उसका मुखिया कौन होता, कौन होता, होता है अध्यक्ष कौन होता है वो भी आप समझिए प्रेसिडेंट होता है इसीलिए हम बोलते हैं जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है प्रेसिडेंट ही हमारा ध्यान रखना सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्सेज का सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस ठीक है एग्जीक्यूटिव का ये हेड होता है कार्य जो हमें अभी हमने पढ़ा इसमें जो आते हैं सब उसका सब का हेड है प्रेसिडेंट आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक डील किया जाता है यूनियन एग्जीक्यूटिव 52 से 78 देख लीजिए ठीक है 52 से 78 यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा फिफ आर्टिकल 57 और इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव में भी अगर मैं डिवाइड करूँ ना आपको यूनियन जो एग्जीक्यूटिव है इसमें अगर मैं डिवाइड करूं जो 52 से लेके 78 तक के बीच में है तो इसमें डिवीजन इस तरह से कर सकता हूं प्रेसिडेंट के बारे में दिया हुआ 52 से लेके 62 देन वाइस प्रेसिडेंट के बारे में दिया हुआ 63 से लेके 63 से लेके 73 तक देन 74 से स्टार्ट होता है जाता है सेवनटी तक पी प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में ठीक है इसी बीच में ही 76 में दिया हुआ है अटोर्नी जनरल के बारे में ठीक है तो इस तरह से इसका डिवीजन है पूरा चलिए तो आर्टिकल 57 सेवन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स सत्तावन किसकी बात करता है अगर आपको पता है आर्टिकल्स तो अटेम्प्ट करिए नहीं तो अब हम यहां पर सीखते हैं प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स और किस तरह से याद करना है पिक्चर टेकिंग फ्र, टेकन फ्र, फ्र, फ्रॉम पी सी एस स्टडीज डॉट कॉम तो फिफ्टी टू से यहां पर हम सिक्सटी टू के बारे में बात करेंगे इस तरह से आप याद करेंगे प्रेम प्रेम तू ट्रैकिंग पे ठीक है टी आर ट्रैकिंग पे कल चलना है तो सो कम ऑन टाइम सो कम इन टाइम नॉट ऑन टाइम कम इन टाइम तो पी आर से पी आर देट इज प्रेसिडेंट यानी आर्टिकल फिफ्टी टू बोलता है कि देर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए आर्टिकल फिफ्टी टू बोलता है 53 बोलता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन यानी कि जो भी संघ की कार्य कार्यकारी शक्ति है वो राष्ट्रपति में नहीं होगी इन सब का जो हेड होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो राष्ट्रपति होगा ई से बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और अब यहाँ पे ध्यान रखना जब बात करते हैं हम आर्टिकल 54 की अनुच्छेद चौवन की जो बात करता है इलेक्शन की तो इसमें इलेक्शन क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में जब मैं बोलता हूँ इलेक्टोरल कॉलेज तो इसका मतलब ये होता है कि कौन कौन राष्ट्रपति के इलेक्शन में यानी चुनाव में हिस्सा लेगा इसको चुनने के लिए तो इसमें ध्यान रखना कौन कौन आता है इसमें इलेक्टेड लोग ही आते हैं निर्वाचित लोग आते हैं निर्वाचित एम यानी सांसद और निर्वाचित विधायक दैट इज़ एम नॉमिनेटेड नहीं लोग इसमें हिस्सा इस लेते हैं 55 में दिया हुआ है मैनर ऑफ़ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मैनर ऑफ इलेक्शन का मतलब ये होता है कि किस हिसाब से मैनर ऑफ इलेक्शन का मतलब होता है चुनने जाने का तरीका क्या होगा तो इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है यानी लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शन किस तरह का होता है प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्लस एकल संक्रमणी मत डाट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जिससे कि राज्यसभा में भी ऐसे इलेक्शन होता है और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 56 में दिया हुआ टर्म ऑफ उफ ऑफिस तो टर्म कितने साल का होता है इनका पाँच साल का टर्म होता है एलिजिबिलिटी फॉर इलेक्शन एनी नंबर ऑफ़ टाइम्स इलेक्ट हो सकते हैं ठीक है एनी नंबर ऑफ टाइम्स कोई ऐसा यू की तरह नहीं है कि कोई भी प्रेसिडेंट मात्र दो बार बन सकता है कितने बार बने क्वालिफिकेशनस क्या हैं तो जब हम बात करते हैं इसको मैं हटा दूं या तो फिर चलो यहीं पे लिख देता हूं क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन ये है कि एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए सिटीज़न होना चाहिए थर्टी फाइव ईयर्स ऑफ़ एज होनी चाहिए एंड ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ अम्बर ऑफ़ लोकसभा लोकसभा का मेम्बर बनने काबिल योग्य होना चाहिए और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वगैरह सब ना होल्ड कर रहा हो ठीक है नहीं लाभ का पद ना धारण कर रखा हो ठीक तो ये चीज़ पता होनी चाहिए एज और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए कंडीशन ऑफ ऑफ ऑफिस और प्रेसिडेंट ऑफिस कंडीशन क्या है कंडीशन ये है कि पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का ये मेंबर नहीं होना चाहिए अगर कोई ऐसा मेंबर है और प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा है तो उसको वो सीट छोड़नी होगी शपथ आई शपथ कौन दिलाएगा इसको ओथ और अफर्मेशन दिलाने का काम किसका होता है जरा बताइए कमेंट में आई बात करता है इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग की जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी टाइम है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस तो भाई पाँच साल कंप्लीट होने के पहले ही आपको नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा लेने सो so दैट वो पोजीशन खाली ना रहे कि अब चलो अब कल पाँच साल हो रहे हैं तो जब वो तुम जाओगे तब हम इलेक्शन करवाएंगे तब वो खाली नहीं रह सकती तो पहले इलेक्शन करवा के रेडी रहना है ठीक है और यहाँ पे ओ तो रफरमेशन कौन दिलाएगा सी जे आई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश कर दिलाएंगे शपथ इनको ठीक है देन उसके बाद हमारे वीपी जो चालू हो जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट जी चालू हो जाएंगे जिनके बारे में भी आगे देखेंगे ठीक है तो आर्टिकल 57 किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है आपकी एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन देख लीजिए यहाँ पे ठीक है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन की बात कर रहा है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन दी प्रेसिडेंट तो आर्टिकल 54 बोल रहा है प्रेसिडेंट का शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ़ फाइव ईयर्स यानी कि यहाँ पे दिया हुआ टर्म की अगर बात करें तो टर्म कहाँ पे दिया हुआ देख लीजिए 56 में दिया हुआ है ठीक है तो टर्म कहाँ पे दिया हुआ है 56 में तो कहाँ oh ये सेकंड था ना ऑप्शन हाँ फॉर अ टर्म सॉरी 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 थर्ड ऑप्शन था 56 सिक्स प्रेसिडेंट शेल भी इलेक्टेड बाई अ मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टोरल कॉलेज किस में दिया हुआ है इसका इलेक्ट्रल कॉलेज दिया हुआ आर्टिकल फिफ्टी में फिफ्टी फाइव है मैं ऑफ इलेक्शन मैनर ऑफ इलेक्शन दिया हुआ है विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन से कौन संबंधित है ये तो इम्पीचमेंट महाभियोग से संबंधित है ये तो राष्ट्रपति से संबंधित ही नहीं है यह भी संबंधित नहीं राष्ट्रपति से 55 फाइव मैनर ऑफ इलेक्शन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करिए रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट को हम इम्पीचमेंट बोलते हैं और ये प्रणाली को हम लिए कहां से जरा बताइए सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था इस चीज को द इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड इन द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिल्कुल बात सही है लोकसभा राज्यसभा में कहीं पे भी इनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है जो भी रेजोल्यूशन आएगा उसको वन फोर्थ मेंबर साइन करने चाहिए ना कि वन थर्ड कितने वन फोर्थ लोकसभा में आ रहा है तो वहां के वन फोर्थ राज्योर्थ फिर उसके बाद चौदह दिन का नोटिस देना है आपको प्रेसिडेंट को फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को अब दोनों हाउसेस से आप पास करवाइए टू स्पेशल मेजोरिटी से स्पेशल मेजोरिटी का मतलब वही हो गया टू बाई थर्ड ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस यानी कि यह भी आपका सही होगा दैट मीन्स ए एंड डी विल बी दी करेक्ट आंसर ठीक अभी तक कोई भी राष्ट्रपति इम्पीच नहीं हुआ है और ये हमने इम्पीचमेंट यूएसए से लिया है रिमूवल ऑफ जजेस यूएसए से लिया है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी यूएसए से ही लिया है इन इंडिया हुआ मंग द पावर टू पार्डन रिप्रीव कम्यूट एंड कम्यूट द पनिशमेंट ऑफ एनी क्रिमिनल पार्डन पार्डन रिप्राइव कम्यूट रिस्पाइट ये सब होता है ठीक है इस तरह से हम लोग याद करते हैं पी सी एम एस पी ठीक है तो पार्डन कम्यूट रिमिशन रेस्पाइट रेप्राइव ये सारे पावर होते हैं ठीक है किसके पास प्रेसिडेंट के पास कौन से आर्टिकल के तहत जरा बताइए कमेंट में ना सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होते हैं बल्कि गवर्नर के पास भी सेम पावर होते हैं क्षमा करने का क्षमा शक्ति इनको बोलते हैं कि किसी की सजा को माफ़ कर सकते हैं तो प्रेसिडेंट के पास होते हैं हमारे आर्टिकल सेवेंटी टू के तहत और गवर्नर के होते हैं हमारे आर्टिकल नंबर वन सिक्सटी जल्दी से फिल करिए एक डिजिट तो फिल कर ही सकते हो विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज द कंडीशन दैट द प्रेसिडेंट वंस इलेक्टेड शैल नॉट बी अ मेम्बर ऑफ द इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्चर याद करो कंडीशन ऑफ ऑफिस याद आ रहा है आपको कुछ कंडीशन ऑफ ऑफिस किस में दी हुई आर्टिकल सिक्सटी टू ये तो हमारा रिलेटेड मतलब ये तो सबसे आखिरी इसमें तो कंडीशन ऑफ ऑफिस नहीं है इसमें तो आपका पार्लियामेंट के बारे में दिया और यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील ही नहीं करता है ये तो राज्यसभा से डील करता है सिम्पल एलिमिनेशन से खेल के आप सी पी ओ चार अक्टूबर क्वेश्चन सही कर सकते थे सिंपल एलिमिनेशन था इसमें देखते हैं भाई कितने लोगों ने सही आंसर दिया है काफ़ी लोगों से भाग निकले है ना सर एड एस एस सी जेई क्वेश्चन बलराम यादव क्या हो जाएगा उससे एस एस सी जेई मतलब सारी एक चीजें होती हैं बलराम जी यार मैं करवाऊंगा आपको एस एस सी के भी करवाऊंगा सी वाले हो जाए अभी आपका जेई जून में है ना मैं उसके भी करवाऊंगा ठीक है हाँ वन सिक्सटी वन में आपका दिया हुआ है चलिए ठीक है पार्डन यानी कि क्षमा शक्ति लेकिन ध्यान रखना कि अंतर होता है राज्यपाल कभी भी मौत की सजा को क्षमा नहीं कर सकता है गवर्नर कैन नॉट पार्डन द डेथ सेंटेंस वाइल्ड प्रेसिडेंट कैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट और गवर्नर कोर्ट मार्शल को भी पार्डनिंग पावर यूज नहीं कर सकता है कोर्ट मार्शल मतलब अगर डिफेंस uh, फोर्सेज में किसी को सजा मिली है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बींग इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या नहीं है तो इसके हमने देखे थे आर्टिकल 63 से लेके हमारे इसके 73 तक जाते हैं 63 बोलता है पहला आर्टिकल तो यही बोलेगा देयर शैल बी उस ऑफिस के इस्टैब्लिशमेंट की बात करेगा वो पर्टिकुलर आर्टिकल जो सबसे पहला होगा देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 64 बोलेगा वाइस प्रेसिडेंट शैल बी दी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा राज्यसभा का बधेन सभापति होगा यानी जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का सभापति बन जाएगा तो ई शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया तो थर्टी फाइव की एज प्रेसिडेंट में भी कॉमन थी यह गवर्नर के लिए भी कॉमन होती है सर ठीक है राज्यपाल के लिए भी सेम है ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यह भी प्रेसिडेंट में थी गवर्नर में भी होती है ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा न न न ये पूरी तो आपने प्रेसिडेंट की लिख दी तो वाइस प्रेसिडेंट का फिर अंतर क्या हुआ वाइस प्रेसिडेंट के केस में लोकसभा की जगह राज्यसभा होता है यह होता है प्रेसिडेंट के केस में लोकसभा जो भी हमने देखा था तो राज्यसभा होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट केस में ऐसे याद कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट क्योंकि चेयरमैन होता है राज्यसभा राज्यसभा का तो राज्यसभा के क्वालिफिकेशंस होने चाहिए उसके पास हु अमंग दी फॉलोइंग वाज दॉज थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का तीसरा उपराष्ट्रपति कौन था बी डी जेट्टी जाकिर हुसैन गोपाल स्वरूप पाठक या फिर वी वी गिरी तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी वी वी गिरी तो पहले हमारे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिन्होंने दो टर्म सर्व किए एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्होंने भी हामिद अंसारी ने भी दो टर्म सर्व किए थे एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाकिर हुसैन वी गिरी गोपाल स्वरूप पाठक देन आपके जट्टी जी हिदायतुल्लह वेंकट रमण शंकर दयाल शर्मा थे आपके के आर नारायणन कृष्णकांत देन भैरव सिंह शेखावत देन हमिद अंसारी देन हमारे वेंकैया नायडू और अभी जगदीप धनखड़ जी हैं ठीक है थीके? तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वी वी जी क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री तो ये आप आर्टिकल देख सकते हैं देर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होगा वो राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज एज फंक्शंस अगर मान लो राष्ट्रपति नहीं होगा तो उस केस में उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति का सारा काम उपराष्ट्रपति संभालेगा वाइस प्रेसिडेंट शाल भी इलेक्टेड बाई ए मेबर यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज दिया हुआ है प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज 54 में दिया हुआ है इनका 66 में दिया हुआ इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है कौन कौन इनके इलेक्शन में हिस्सा लेगा अब इम्पीचमेंट में देखो मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया एंड दैट वाज कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में कौन कौन हिस्सा ले रहा था इलेक्टेड एम प्लस एम इलेक्टोरल कॉलेज में तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है महाभियोग में इनके तो ध्यान रखना ऑल एम ऑल मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जब मैं बोल दिया ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो उसमें इलेक्टेड भी आ गए नॉमिनेटेड भी आ गए लेकिन इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हिस्सा नहीं लेते हैं उसको इलेक्ट करने में तो हिस्सा लेते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर लेकिन रिमूवल में नहीं लेते हैं ठीक है और इलेक्ट कर इलेक्ट करने में नॉमिनेटेड वाले हिस्सा नहीं लेते हैं लेकिन इम्पीचमेंट में लेते हैं ठीक है तो यही ऑल एम जो है ना ऑल एम यही वाइस प्रेसिडेंट के यही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में रहते हैं ये वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं यानी कि जो राष्ट्रपति को हटाता है वो राष्ट्रपति को चुनता है पाँच साल का टर्म होता है इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ कंप्लीशन ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस तो बिफोर एक्सपायरी हो जाना चाहिए अलग अगला वाला ठीक है डेथ और रेजिग्नेशन और रिमूवल की वजह से हुई है तो एज सुन एज पॉसिबल होना चाहिए रेजिग्नेशन <coughs> किसको देता है वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देगा कॉमेंट में आप बताइए और ओथ और अफर्मेशन इसको कौन दिलाएगा एवरी वाइस प्रेसिडेंट शाल मेक एन ओथ और अफर्मेशन ऑन एंट्रिंग अपॉन हिज ऑफिस बिफोर दी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति दिलाएगा राष्ट्रपति को सी जे आई दिला रहा था क्योंकि उससे बड़ा राष्ट्रपति से बड़ा तो कोई है ही नहीं तो इसलिए सी जे आई दिला रहा था वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट दिलाएगा और वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति जो अपना इस्तीफा है जो वाइस प्रेसिडेंट है अपना जो रेजिग्नेशन है ये प्रेसिडेंट को देते हैं राष्ट्रपति को देते हैं और जो राष्ट्रपति है ये अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को यानी दोनों आपस में मैनेज कर लेते हैं इसी तरह ही हमारा अभी नहीं बताएंगे आगे क्वेश्चन रखा है मैंने इस पर ठीक है तो ये आपका आर्टिकल नंबर सिक्सटी एट है ठीक है सिक्सटी नाइन भी देख लिया हमने जो कि आपका फेवरेट नंबर है ठीक है तो यहाँ पे चीज़ें होती हैं खत्म अब आते हैं हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ आर्टिकल नंबर 74 से लेके 78 तक पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया पीएम एम रिमेंस अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे आपके इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर रिमेंस इन ऑफिस फॉर सो लॉन्ग एज ही एन्जॉयज दी डैश हाँ जी आयुषी बरोडे जनता सुरबी मिस्टर अभी विवेक प्रगति कोमल भूमिका अखिल सबका सही है चलो तो वाइस प्राइम मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस सो लॉन्ग एज ही एन्जॉयज दी तो क्या क्या इन्जॉय करता रहेगा तो तब तक रहेगा तो कॉन्फिडेंस इन दी लोकसभा ऑप्शन नंबर सी जिसको हम लोअर हाउस बोलते हैं कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है बहुमत है आपके पास नंबर है आपके पास तब तक आप रहोगे नहीं तो फिर आपकी सरकार गिर जाएगी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेजिग्नेशन ऑफ पी एम मीनस द रेजिग्नेशन ऑफ होल कैबिनेट इट इज़ ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर दैट दी प्रेसिडेंट समन्स एंड समी पार्लियामेंट एंड डिजॉल्व द लोकसभा बताइए तो ये बात बिल्कुल सही है जो आपका पहला वाला स्टेटमेंट बोल रहा है क्या बोल रहा है द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मीन्स द रेजिग्नेशन ऑफ द होल कैबिनेट बिल्कुल बात सही है अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है तो अगर उसने रिजाइन कर दिया तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी सरकार गिर जाएगी पहला सही प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस में बिल्कुल प्रेसिडेंट क्या करता है समन करता है प्ररो करता है और डिसॉल्व करता है लोकसभा को अब ये होते क्या हैं वो हम समझ लेते हैं क्या चीज़ होती है समन प्ररो और डिसॉल्व वैसे तो हम अभी यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट पढ़ रहे हैं लेकिन कोई नहीं हम इसको पढ़ सकते हैं ये आर्टिकल नंबर 85 में दिया हुआ है अनुच्छेद तो पचासी में दिया हुआ है समन प्रोरोग और डिसॉल्व तो होता क्या है हमारे पार्लियामेंट के तीन सत्र होते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम तीन सत्र होते हैं कौन कौन से अभी रिसेंटली बजट सत्र होना था लेकिन चुनाव की वजह से पूरा बजट सत्र नहीं हुआ थोड़ा सा ही हुआ एक होता है हमारा इसके बाद होगा अभी मानसून सत्र चुनाव के बाद या फिर जो आपका नई सरकार बनेगी सबसे पहले मानसून सत्र को देखेगी वो एंड देन होता है शीतकालीन सत्र सत्र दैट इज विंटर सेशन बजट सेशन होता है फेबर से लेकर लास्ट अप्रैल तक ठीक है अब मानसून सेशन के अभी इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज मेन वही है थोड़ा से रीजंस क्योंकि अभी चुनाव होने हैं मानसून सेशन की अगर बात करें तो इसलिए अंतरिम बजट भी इस बार आया था मानसून सेशन की अगर बात करें तो ये जुलाई से लेकर सितंबर तक में होता है एंड देन अगर बात करें विंटर सेशन ये नवंबर दिसंबर में होता है आपका ठीक है बजट सत्र सबसे बड़ा होता है यूजुअली फरवरी से लेके अप्रैल तक लास्ट अप्रैल तक चलता है यह मिनिमम दो सेशन तो होने ही होंगे यानी मैक्सिमम दो सेशन के बीच में जो गैप है वो छः महीने का हो सकता है मैक्सिमम यानी कि इसका मतलब हुआ कि मिनिमम दो सेशन तो होने ही पड़ेंगे मैक्सिमम ये तीन हो सकते हैं इसको बुलाने का काम होता है इसको बुलाया जाता है समन बोलते हैं उसको और वो करता है देश का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे कि कब बुला लें बताओ तो वो बुलाएगा अब बुला लो ठीक है तो प्रेसिडेंट समन करता है उसकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट एक्चुअल में उनकी एडवाइस पे ही काम करता है पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की समन कर लिया अब इसका सत्रावसान करना है जैसे प्रोरोग करना है कि भाई चलो अब काम खत्म हो गया निकलो सब लोग अपने अपने घर में एक दो महीने बाद दो तीन महीने बाद वो भी प्रेसिडेंट ही करेगा क्लियर और डिसॉल्व भी प्रेसिडेंट ही करेगा डिसॉल्व भी प्रेसिडेंट ही करेगा और डिसॉल्व कब होता है कौन सा हाउस होता है डिसॉल्व सिर्फ लोकसभा ही हो सकता है समन प्ररोग दोनों हाउसेज हो सकते हैं लेकिन क्योंकि राज्यसभा एक हमारा परमानेंट हाउस है वो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता है डिसॉल्व का मतलब होता है कि वो पूरा हाउस उड़ गया अब एक नया सेट ऑफ जैसे अभी लोकसभा के चुनाव होंगे आपके अट्ठारहवीं लोकसभा के तो उसको अभी डिजोल्व कर दिया गया ठीक है अब जब डिजोल्व कर दिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा तो अब नई लोकसभा के चुनाव होंगे और नई लोकसभा गठन होगा तो हर पाँच साल में इस तरह से डिजोल्यूशन होता है जो प्रेसिडेंट करता है और वो भी प्राइम वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही करता है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा बोथ वन एंड टू अगला क्वेश्चन है विच ऑर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग ऑन अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिज और हर ओन गवर्नमेंट किस केस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता जरा बताइए जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा तो तो है क्या आपको इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आर्टिकल जो 88 एट जो संविधान का वो राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करता है किसके बारे में बात करता है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स एंड अटोर्नी जनरल क्या बोल सकते हैं तो एक्चुअल में जो मिनिस्टर के पास राइट होते हैं और अटोर्नी जनरल के पास मान्यवादी के पास ये होते हैं कि वो लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन में जाके बोल सकते हैं लेकिन वो वोट वहीं पे कर सकते हैं जिस हाउस के वो मेंबर हैं मोदी जी लोकसभा के मेंबर हैं राज्यसभा में जाके बोल सकते हैं नो no डाउट लेकिन वोटिंग राज्यसभा में कभी नहीं कर पाएंगे लोकसभा में ही कर पाएंगे एंड वाइस से वर्षा जैसे एस जयशंकर जी राज्यसभा के मेंबर हैं तो लोकसभा में जाके बोल सकते हैं हिस्सा ले सकते हैं लेकिन कभी वोट नहीं डाल सकते वहाँ पर अटॉर्नी जनरल क्योंकि दोनों ही हाउस का मेंबर नहीं है मानने आवादी तो दोनों ही हाउस में वोट नहीं कर सकता बोल सकता है कुछ भी पार्टिसिपेट कर सकता है वहाँ पे ठीक है तो क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है सरकार को गिराने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसको नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं ठीक है तो अगर मान लो कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो राज्यसभा का मेंबर है तो उस केस में वो रात तो वो लोकसभा में वोट ही नहीं कर पाएगा तो जब उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो वोट कर ही नहीं पाएगा वो ठीक क्लियर और अगर उस केस में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सरकार आपकी गिर जाती है अब क्यों गिरती है वो अब आप समझेंगे विच आर्टिकल डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर कौन सा आर्टिकल है जो पीएम और प्रेसिडेंट के से करता है एक से आगे ये जो है क्वेश्चंस पहले होने चाहिए थे चलो ये पहले ये वाले क्वेश्चन करो ठीक है जो मैं मैं आपको करवा रहा हूँ तब भी आपको अच्छे समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन करो पहले विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेन्शंस द फॉलोइंग दे आर शेल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ इस फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस देखिए अभी मैंने आपको बताया था, था कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव एक्जीक्यूटिव वो आपका 52 से लेके 78 है और पी एम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74 से 78 तो हमें कायदे से 74 से 78 के बारे में पढ़ना है तो आर्टिकल 74 यही बोलता है कि भारत का एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होगा और वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे राष्ट्रपति उसी सलाह पे ही काम करेगा ध्यान रखना राष्ट्रपति उस सलाह को एक बार मैक्सिमम लौटा सकता है लेकिन दोबारा अगर वही सलाह आ जाती है तो राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी ये फोर्टी अमेंडमेंट ने बोला था चवालीसवें संविधान संशोधन ने बोला था तो आर्टिकल नंबर सेवेंटी फोर क्लाज वन बोलता है ये चीज़ ठीक है अगर बात करें आर्टिकल सेवेंटी फाइव में क्या दिया हुआ है अनुच्छेद नंबर पिछहत्तर में क्या दिया है? 75. तो फाइव 75 का क्लॉज वन बोलता है कि अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की करेगा प्रेसिडेंट और जो अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करेगा ऑन दी एडवाइज ऑफ़ प्राइम मिनिस्टर ठीक है जब इनकी अपॉइंटमेंट करेगा जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मंत्रियों की तो प्रधानमंत्री की सलाह लेगा प्रेसिडेंट दूसरा अब दूसरा स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आई वुड लाइक टू मेंशन आर्टिकल वन क्लॉज ए और सेवनटी फाइव क्लाज वन सब क्लॉज ए सेवेंटी फाइव सब क्लॉज वन सब क्लॉज बी इसमें लिखा हुआ है कि जो मिनिस्टर्स की संख्या है वो मैक्सिमम 15 परसेंट ऑफ लोअर हाउस हो सकती है लोअर हाउस इन केस ऑफ पार्लियामेंट इज लोकसभा इस पर्टिकुलर प्रोविजन को नाइन्टी फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ा गया था और इसको भी नाइन्टी फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ा गया था सेवेंटी फाइव क्लाज वन सब क्लॉज बी इसमें यह बोला गया कि अगर कोई डिफेक्शन के ग्राउंड में डिस्कवालीफाई होता है तो वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता है तो वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता है ठीक क्लास टू ये अभी हम क्लास वन पढ़ रहे थे अब क्लास टू पे आते हैं ये वाला समझ में आ गया ना 15 परसेंट नंबर याद रखना कि मैक्सिमम 15 परसेंट ऑफ लोकसभा ही मिनिस्टर uh, बन सकते हैं लोकसभा में कितने मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम अभी पढ़ेंगे 550 तो 550 का 15 परसेंट निकाल लो इससे ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं क्लास टू क्या बोलता है क्लास टू बोलता है कि ये लोग सभी लोग इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल हैं किसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल हैं किसको प्रेसिडेंट को क्लॉज थ्री बोलता है कि ये कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल हैं कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल हैं यानी कि उत्तरदायी हैं किसको लोकसभा को दैट इज लोअर हाउस को क्लॉज फोर क्या बोलता है सेवनटी फोर सेवनटी फाइव का क्लॉज फोर क्या बोलता है तो ये बोलता है कि इनको शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति या फिर उसके द्वारा कोई नियुक्त किया गया कोई बंदा सेवनटी फाइव क्लास फोर बोलता है सेवनटी फाइव क्लाज फाइव क्या बोलता है तो ये बोलता है कि कोई भी अगर छ महीने तक लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं है तो वो मिनिस्टर भी नहीं रह सकता है मतलब इसका ये हुआ कि कोई भी मिनिस्टर रह सकता है छः महीने तक बिना किसी हाउस का मेंबर हुए जैसे एस जयशंकर जी को राज्यसभा के मेंबर बना दिया गया था ठीक है मिनिस्टर ब, में उनको मिनिस्टर बना दिया गया था मिनिस्टर लेकिन ना तो लोकसभा के मेंबर थे ना राज्यसभा के देन उसके बाद उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली से उनको चुन के भेजा गया मिनिस्टर पहले ही बन गए थे मेंबर बाद में बने तो छह महीने तक आप मिनिस्टर रह सकते हो बिना मेंबर हुए और छठवां जो हमारा आखिरी बोलता है कि इनकी जो सैलरी और अलाउंस है यानी ये लोग खुद डिसाइड करेंगे पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा इनकी सैलरी और अलावेंस को क्लियर हो गया अभी बात समझ आ गई सारी बात अब ये पीछे के क्वेश्चन करो जो तुम्हें आप कर लोगे ठीक है विच आर्टिकल डील विद द रिलेशनशिप अच्छा अभी तो मैंने सिर्फ 74 और 75 बताया है 76 आगे पढ़ेंगे सबसे आखिर में क्योंकि इसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में दिया वान्य आवा दी तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे 77 में आपको यहीं पे समझा देता हूँ ये बात करता है कंडक्ट ऑफ बिज़नेस से डील करता है ठीक है कंडक्ट ऑफ बिजनेस बस बिजनेस ध्यान रखना सेवेंटी आ जाए तो बिजनेस बस सेवेंटी एट डील करता है इनकी रिलेशनशिप से अब किस तरह की रिलेशनशिप होती है तो बीच में होता है प्रधानमंत्री एक साइड होता है राष्ट्रपति और एक साइड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस तरह के रिलेशनशिप होता है यानी कि बस इस फिगर को याद रखोगे समझ में आ जाएगा आपको पूरा आर्टिकल कि ये एक तरह से लिंकेज के तौर पर ऐड करता है कि अगर मान लो किसी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया जिसको लेके अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में नहीं पता है तो प्रेसिडेंट इससे पूछेगा कि क्यों नहीं पता है ठीक है मतलब कि ये प्राइम मिनिस्टर से कुछ भी चीजें पूछ सकता है प्राइम मिनिस्टर विल एक्ट एज अ लिंकेज बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो वही बोलता है रिलेशनशिप ऑफ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से डील करता है सेवेंटी एट सेवेंटी एट को ही हम बोलते हैं क्या इसमें दी हुई है ठीक अगर रिलेशनशिप तो देखें तो यार चारों ही है, ये तीनों आर्टिकल होंगे आपके ऊपर के ठीक है रिलेशनशिप पूछा है ना ड्यूटी अगर पूछता ड्यूटी पूछता तो 78 होता ड्यूटी पूछता तो 78 होता अब रिलेशन पूछ रहा है तो 74 में भी रिलेशन है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष कौन होगा प्रधानमंत्री होगा तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट होता है ये कौन होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है क्यों क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो उसका हेड है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है हेड ऑफ कंट्री हेड ऑफ़ कंट्री अब चाहे कंट्री के हेड हो लेकिन उसे फर्क क्या पड़ता है मेन पावर तो प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है ना तो इसीलिए इसको बोलते हैं रियल हेड या फिर डी फैक्टो हेड इसको हम बोलते हैं क्या नॉमिनल हेड या फिर डी ज्यूरे हेड ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी यहां में प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक किसने कार्य किया तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया तकरीबन आई थिंक सोलह साल तक रहे थे ना सोलह साल तक रहे थे ये ठीक है द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद डाश हेड अभी बताया रियल पावर किसके पास है पीएम क्योंकि गवर्नमेंट का अध्यक्ष तो यही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अध्यक्ष तो यही है प्रेसिडेंट तो हमारा क्या है ये नॉमिनल है बस डी जीवरे है डी फैक्टो तो प्राइम मिनिस्टर है फोर्टी नाइन नॉट करेक्ट अबाउट इंडिया प्राइम मिनिस्टर बताइए कौन सा सही नहीं है प्रधानमंत्री के बारे में मुस्कान विवेक ठाकुर नित्य बनारसी रॉय झांसी भूमिका अभि सुमन शिवांगी पूजा दीपांशु मुस्कान सुरभि सुनीता अनुराधा <laughs> यहाँ पे मतलब क्या वो लड़के वड़के कहाँ गए भाई सब हमारे ए? अभी तो आई भी नहीं चल रहा है ए? नाम देखो पूरा वही है बस मयंक है अमित है अपर्णा रीति भूमिका तान्या अंकिता अवधेश पूजा अनुराधा <laughs> लड़के कहाँ गए भाई नॉट करेक्ट अबाउट इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर तो ही इज़ दी हेड ऑफ द गवर्मेंट तो हेड ऑफ गवर्मेंट बिल्कुल सही बात है तभी तो रियल हैड है ही इज़ द लीडर ऑफ़ द मेजोरिटी पार्टी ऑफ दी लोकसभा बिल्कुल सही बात है जो मेजोरिटी पार्टी हो तो उसका लीडर होता है अब हम प्र, प्रधानमंत्री के लिए वोट थोड़ी ना डालेंगे किसी को भी डालेंगे मोदी जी को या फिर राहुल गांधी को जिसको भी आप डालें तो आप प्रधानमंत्री के लिए थोड़ी ना डालेंगे आप तो डालेंगे किसके लिए आप तो मेम्बर चुनने के लिए अब उनका जो लीडर होगा जो आपस में चुनेंगे वो कब बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर ही इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट अभी देखा आर्टिकल सेवेंटी फाइव क्लाज वन He can be removed if a no confidence motion is passed by both बोथ दी na ना 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 नो कॉन्फिडेंस मोशन जहाँ पे सरकार गिरती है सरकार तो सिर्फ लोकसभा में ही गिर सकती है ना राज्यसभा तो परमानेंट हाउस होता है तो उसमें कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव आता ही नहीं है ध्यान रखिएगा इस चीज़ को अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में आता है और इसको लाने के लिए कोई रीज़न बताने की जरूरत नहीं है बस पचास मेंबर से, से साइन करवा के ले आओ बस नो कॉन्फिडेंस मोशन आगे बढ़ जाएगा पचास मेंबर साइन करो रीज़न बताने की जरूरत नहीं होती इसमें और अगर पास हो गया तो पूरी सरकार गिर जाएगी जैसे पा, पा पाकिस्तान में हुआ था आधे पचास क्वेश्चन हो चुके हैं अब ये मत सोचना है तुम मैथ मत लगाने लगना कि पचास क्वेश्चन को करने में लगा ढाई घंटे तो बाकी के पचास में लगेगा ढाई घंटे नहीं ढाई घंटे से बहुत कम टाइम लगने वाला बिकॉज वो इम्पोर्टेंट पार्ट अभी कर रहे थे तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट और बाकी उसके बाद तो खट 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 सिंगल आना टाइप है द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट शाल नॉट एक्सीड कितना परसेंट अभी देखा फिफ्टीन परसेंट डेली के केस में टेन परसेंट होता है वही आपका थ्री थर्टी नाइन ए आर्टिकल ठीक है अगला क्वेश्चन करिए फिफ्टी टू फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे <laughs> चलिए हाँ उसके केस में टेन परसेंट होता है ठीक है दिल्ली केस में फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थ्री थर्टी नाइन ए मैंने बोला है क्या गलती से एक बार बताना कन्फर्म करना टू थर्टी नाइन ए बोला था फिर थ्री थर्टी नाइन ए बोला था एक बार कन्फर्म करना जो डेली का लेजिस्टिव असेंबली होगा ठीक है एक बार मैं कन्फर्म कर देता हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी तक थ्री थर्टी नाइन क्या बोल रहा था क्या टू थर्टी नाइन ए ए होगा जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली को सेटअप करता है और उसको स्पेशल पावर्स देता है ठीक है टू थर्टी नाइन ए ए होगा फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री तो ये हमारे थे अम्बेडकर जी ठीक है पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन थी तो प्रधानमंत्री कौन थे नेहरू चच्चा थे हमारे वही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी थे डिफेंस मिनिस्टर हमारे बलदेव सिंह जी थे बलदेव सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर चन्मुखम चट्टी हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर और ये एकमात्र महिला थी पूरी कैबिनेट में राजकुमारी अमृत कौर एकमात्र महिला थी पूरे कैबिनेट में ठीक है फर्स्ट लॉ मिनिस्टर और इसी तरह एक इंतरिम गवर्नमेंट भी बनी थी इंतरिम गवर्नमेंट कब बनी थी ये उसी के हिसाब से बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से कि जब तक आप अपना संविधान बना रहे हो तब तो तक तो एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर लेते हैं ठीक है तो वो इंतरिम गवर्नमेंट थी जिसके वाइस प्रेसिडेंट ध्यान रखना नेहरू थे उस इंतरिम गवर्नमेंट में और ये अंतरिम सरकार बनती है दो सितंबर उन्नीस को सेकेंड सेप्टेम्बर नाइनटीन को वाइस प्रेसिडेंट इसमें नेहरू जी थे एजुकेशन मिनिस्टर कौन था ये बताना है डिफेंस मिनिस्टर कौन था ये बताना है फाइनेंस मिनिस्टर कौन था ये बताना है। तो एजुकेशन मिनिस्टर तो हमारे सी राजगोपालाचारी जी थे डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह जी ही थे होम मिनिस्टर हमारे होम मिनिस्टर पहले देश के गृह मंत्री और अंतरिम सरकार में गृह मंत्री सरदार पटेल जी ही थे सरदार पटेल जी फाइनेंस मिनिस्टर अभी शनमखुभ चट्टी देखा था ना पहले क्योंकि पहले इलेक्शन हमारे हुए थे भारत के उन्नीस सौ में ये अंतरिम सरकार की बात हो रही जो उससे पहले बनी थी ठीक है जब हम पूरी तरह से जब हमारा संविधान बनने का प्रोसेस में था उस समय तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर था पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ये था फाइनेंस मिनिस्टर ठीक है और फूड मिनिस्टर थे हमारे कौन फूड मिनिस्टर थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी फूड एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री देख रहे थे ये जॉन मथई जो हमारे देश के पहले रेलवे मिनिस्टर थे उनका नाम था जॉन मथई वो इंडस्ट्री देख रहे थे इंतरिम सरकार में ठीक है जॉन मथई चलिए अगला क्वेश्चन करिए फिफ्टी थ्री एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर विच द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर तो भाई एक गवर्नर मल्टीपल स्टेट में हो सकता है मल्टीपल स्टेट में हो सकता है देर इज नो लिमिट और इस पर्टिकुलर प्रोविजन को ऐड किया गया था सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1956 से इसी ने यही बोला था कि हाई कोर्ट भी शेयरिंग बेसिस पे हो सकते हैं एक हाई कोर्ट मल्टीपल स्टेट्स या यूटीज़ को सर्व कर सकता है और सेवेंथ अमेंडमेंट से जरा कॉमेंट है बताइए कौन सा एक कौन सा आपका एक बोल सकते हैं कि पार्ट ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट एक ऐड हुआ था एक तो पार्ट डिलीट हुआ था सेवन पार्ट डिलीट हुआ था और इसी से मैं हिंट देता हूँ आर्टिकल थ्री फिफ्टी बी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 350 बी गेस करिए विच ऑफ तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कौन सा सही है मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज थर्टी ईयर्स गलत बात थर्टी फाइव देखे थे गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ चीफ मिनिस्टर गलत बात प्रेसिडेंट के जब तक प्रेसिडेंट को प्लेजर देता रहेगा सेम केस प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के केस में भी है कि वो जो हमने पढ़ रहे थे ना आर्टिकल सेवनटी फाइव का क्लॉज सेवनटी फाइव का क्लास टू ठीक है हाँ जी सेवेंटी फाइव का जो क्लॉज टू पढ़ रहे थे तो उसमें अगर बात करें तो ये लोग तभी ऑफिस में रहेंगे जब तक प्लेजर देते रहेंगे प्लेजर का मतलब ये होता है कि भाई इनका रिमूवल का प्रोसीजर कहीं डिफाइंड नहीं है बस गवर्नर सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को करेगा ठीक गवर्नर इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट अगला क्वेश्चन टू विच फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और हाँ आर्टिकल जो थ्री फिफ्टी बी में बात कर रहा था सेवेंथ अमेंडमेंट उसने सेटअप किया था आपका स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को ठीक है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को अगला क्वेश्चन है टू विच फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कौन सा फीचर होगा 56 मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद द प्रायर कंसेंट ऑफ तो मनी बिल का पूरा प्रोसीजर समझिए सर कोई भी विधेयक धन विधेयक कब होता है क्या होता है तो कोई भी बिल ठीक है कोई भी बिल मनी बिल तब होता है जब वो मनी से डील करे ऑब्वियस ही बात है तो मनी बिल अभी हम पार्लियामेंट यानी सेंटर यानी यूनियन के केस में बात कर रहे हैं सबसे पहले यहां पूछा तो स्टेट लेजिस्लेचर केस में लेकिन हम यूनियन का समझते हैं ठीक है बिकॉज यूनियन uh, वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है देखिए पार्लियामेंट से अगर हम बात करें तो सर मनी बिल से अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 109 इसके प्रोसीजर के बारे में करता है अब तुम लोग नहीं नहीं सर आर्टिकल 110 होता है आर्टिकल जो 110 होता है अनुच्छेद नंबर 110 इसमें इसको डिफ़ाइन किया गया डेफिनेशन ऑफ मनी बिल दिए लेकिन इसके प्रोसीजर किस तरह से पास होगा वो आर्टिकल वन जीरो नाइन में क्या प्रोसीजर है सबसे पहली बात तो है ये प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट से ही आता है रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति की प्रेसिडेंट की तभी इसको लाया जा सकता है कहाँ पे ओनली इन लोकसभा सिर्फ लोकसभा में ही इसको लाया जा सकता है राज्यसभा नॉट पावर टू इनिशिएट दिस मनी बिल और जब ये लोकसभा में आता है तो उसको सर्टिफाई कौन करता है हु सर्टिफाइज एनी बिल एज मनी बिल की विधेयक धन विधेयक है ये लोकसभा का अध्यक्ष दैट इज लोकसभा का स्पीकर ही कर सकता है देन इसके बाद ये लोकसभा से राज्यसभा के पास जाएगा और राज्यसभा के पास सिर्फ चौदह दिन का टाइम है कि ये इसमें कोई भी रिकमेंडेशन अगर देनी है तो वो दे दे इसमें ये अमेंडमेंट यानी चेंज नहीं कर सकता है कुछ हाथ मत लगाना उसको लोकसभा बोल देता है हाँ तुमको अगर लगे कि कुछ खराब है तो तुम्हें तो बता देना कि ये खराब है हम कर देंगे लेकिन अपने हाँ, अपने आप से कुछ मत करना उसमें चेंज ये राज्यसभा के बहुत बहुत लिमिटेड पावर अगर चौदह दिन तक तुमने कुछ ना बोला कुछ ना किया तुमने कुछ हमें एडवाइस नहीं दी तो मान लेंगे कि जैसा हमने पास किया था वैसे ही तुमने भी पास कर दिया इसके पास जाता है राष्ट्र इसके बाद जाता है ये प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति के पास हमारे कुछ वीटो पावर होते हैं एक होता है एप्सल्यूट वीटो पूर्ण जिसको वीटो बोलते हैं जिसमें कि राष्ट्रपति पूरी तरह से किसी भी बिल में सहमति देने से एसेंट देने से मना कर देता है दूसरा हमारा होता है एक सस्पेंसिव वीटो जहाँ पर राष्ट्रपति लौटा देता है बिल को कि भाई इसको फिर से देखो और तीसरा होता है पॉकेट वीटो जहाँ पर राष्ट्रपति रिस्पोंड ही नहीं करता है कुछ वीटो पावर एक तरह का नेगेटिव पावर है क्योंकि किसी बिल को अगर एक्ट बनना है तो प्रेसिडेंट की एसेंट सहमति मिलना हो चाहिए उसको एसेंट इज अ पॉजिटिव पावर वीटो इज अ नेगेटिव पावर एब्सोल्यूट वीटो में एकदम खारिज कर दिया सस्पेंसिव में रिटर्न कर दिया लौटा दिया और पॉकेट वीटो में रिएक्ट ही नहीं कर रहा है कुछ इंडियन प्रेसिडेंट की पॉकेट बहुत डीप है बहुत डीप का मतलब है उसमें कोई टाइम पीरियड लिखा नहीं हुआ है कि आपको इस टाइम पीरियड पर लौटाना ही है उस बिल को तो सस्पेंसिव वीटो मनी बिल के केस में नहीं होता है एक भी वीटो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में नहीं होता है देखे थे ट्वेंटी फोर्थ अमेंडमेंट और सस्पेंसिव वीटो मनी बिल के केस में नहीं होता तो सर तीनों वो वीटो किसी में होते हैं हाँ साधारण विधेयक जो होता है ऑर्डनरी बिल उसमें होता है जिसका मनी से लेना देना नहीं है जिसका संविधान के संशोधन से लेना देना नहीं है क्लियर हो गई थी कहानी कि प्रेसिडेंट इसमें सस्पेंसिव विटो यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उससे पूछ के ही लाया गया था इस चीज़ को ठीक तो आर्टिकल 110 डिफाइन करता है मनी बिल को पार्लियामेंट के केस में और हमेशा याद रखना कि अब स्टेट लेजिस्लेचर का जब भी पूछे कोई भी आर्टिकल तो उसमें एटी नाइन ऐड कर दिया करो जैसे कि मनी बिल ऑफ पार्लियामेंट यूनियन का मनी बिल एक सौ दस तो अगर स्टेट का मनी बिल पूछ रहा है तो उसमें एट्टी नाइन ऐड कर दो किसी भी आर्टिकल जो यूनियन का है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी तुम ले लो कुछ भी से मैं लेता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था आर्टिकल एट्टी एट बात करता है राइट ऑफ मिनिस्टर्स की करता है राइट ऑफ मिनिस्टर ऑफ़ जो सेंटर के हैं सेंटर के जो मिनिस्टर हैं उनके राइट right की अब हमें स्टेट के जो जो मिनिस्टर होते हैं उनके राइट की बात करना एट्टी नाइन ऐड कर दो खत्म वन सेवेंटी सेवन ठीक है तो विद दी प्रायर कंसेंट अब यहाँ पे प्रायर कंसेंट लेनी पड़ रही थी प्रेसिडेंट की तो यहाँ किसकी लेनी पड़ेगी गवर्नर की सिंपल 50 अब यहाँ पे खत्म होता है पार्लियामेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं वैसे पार्लियामेंट के कुछ कॉम्पोनेट हमने पहले ही पढ़ लिए है यहाँ पे भी लेकिन खैर 57 सेवन अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन शाल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूज चूजन टू फिल अ सीट इन द पार्लियामेंट अ सिटीजन ऑफ इंडिया बताइए पॉकेट वीटो यूज नहीं कर सकता कर सकता है वो ठीक है Uh, उसमें एप्सिल्यूट uh, उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ बस इतना लिखा हुआ सस्पेंसिव वीटो यूज नहीं कर सकता है पॉकेट वीटो तुमते मतलब पॉकेट वीटो ये तुम ते मतलब इसके बाद अब खट 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 सारे सवाल होने हैं ठीक है चलो तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल एलिमिनेशन से भी कर सकते हो यार दे आर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट अटॉर्ने जनरल खत्म फिफ्टी एट विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंडियन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग तो जब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग चालू होती है तो जब हमारे सांसद लोग मिलते हैं ना तो उनका पहला घंटा कहलाता है इन लोगों का चालू होता है टाइम ग्यारह बजे से सुबह ग्यारह बजे इनकी सुबह होती है इनकी पहली क्लास ग्यारह बजे से शुरू होती है और पहला इनका जो क्लास चलता है वो ग्यारह बजे से लेके दोपहर बारह बजे तक चलता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर प्रश्नकाल जिसमें कि ये लोग एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं पेपर फेंक फेंक के तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं एक होता है आपका स्टार्ड क्वेश्चन जिसमें कि स्टार लगा हुआ है एस्ट्रिक मार्क लगा होगा टू डू डिफ्रेंशिएट इट एक होगा अनस्टार्ड क्वेश्चन और एक होता है शॉर्ट नोटिस इसके डीप में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज इतना नीड है नहीं ठीक है इसमें क्या होता है ओरल uh, मतलब इसमें सप्लीमेंट्रीज पूछे जा सकते हैं बिकॉज ओरली आंसर देना होता है इसमें सप्लीमेंट्री नहीं पूछे जा सकते हैं क्योंकि रिटर्न में आंसर देना होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में क्या होता है एटलीस्ट दस दिन का नोटिस दो एटलीस्ट कम से कम तब ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हो ठीक है देन बारह दोपहर बार अब ये हो गया अब 12 बजे से 1 बजे तक इनका क्या होगा अब इनका होगा जीरो आवर और ये सब क्वेश्चन आवर हो गया जीरो आवर हो गया ये कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में लिखित नहीं है मैंशनड नहीं है ये ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मैंशनड है और ये तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में भी मैंशन है नहीं है ज़ीरो आवर जो लोकसभा के होते हैं ठीक है तो जीरो आवर जिसको शून्य काल बोलते हैं ये वो समय है जहाँ पे ये सभी लोग एजेंडा ऑफ डे डिसाइड करते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या रहेगा क्योंकि अब हमारा होगा लंच इनका एक बजे लो जाता है लंच तो लंच के बाद जब मिलेंगे तो उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे वो जीरो आवर में डिसाइड होता है तो स्टार्ट होता है अनस्टार्ट होता है शॉर्ट नोटिस होता है बट लॉन्ग नोटिस क्वेश्चन नहीं होता है और इनको अलग अलग कलर्स में कलर के पेपर में इनको किया था सो दैट डिफ्रेंशिएटर लेकिन हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ अ हाउस शैल बी डिसीफाइड फॉर बींग मेंबर ऑफ़ द हाउस इफ़ ही जॉइंस एनी पोलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑन विच अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा यहाँ पे डिफेक्शन ठीक है जो अभी मैंने वहाँ पे शेड्यूल में बताया था ना आपको जो टेंथ शेड्यूल था जिसको किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था ज़रा बताइए और फिर सेवेंटी फाइव क्लास वन सब क्लॉज बी में भी देखा था जिसको हमने स्किप कर दिया था अब पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए तो डिफेक्शन शेड्यूल नंबर टेन आर्टिकल सॉरी अमेंडमेंट नंबर फिफ्टी टू से जोड़ा गया था अब ये होता क्या है डिफेक्शन तब तब लगता है अगर कोई बंदा अपनी पार्टी छोड़ के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाए तो लगेगा डिफेक्शन दूसरा केस होता है अगर कोई एक इंडिपेंडेंट मेंबर यानी कि अप्र इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जैसे मान लो तुम्हारे कॉन्स्टिट्युवेंसी से अच्छा आप लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बताइए कमेंट में किसकी क्या कॉन्स्टिट्यूवेंसी है तो तुम्हारी मान लो जो भी कॉन्स्टिटुंसी मान लो फॉर एग्जाम्पल चांदनी चौक से मैं मान तो चांदनी चौक कॉन्स्टिटुंसी है ठीक है वहाँ पे खड़ा हुआ बीजेपी से एक कांग्रेस से एक आम आदमी पार्टी से और एक किसी पार्टी से नहीं है तुमने दिया वो उसी किसी पार्टी से जो नहीं है उससे क्योंकि तुम तीनों से एकदम पक चुके हो तो तुमने दिया उस इंडिपेंडेंट को अब वो पहुँचा पार्लियामेंट में और ज्वाइन कर ली उसने एक पार्टी बीजेपी मान लो उसने ज्वाइन कर लिया फिर आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस तो तुमको यह सैला च्यू लगा दिया यही बोलोगे ना तुम तो तो इसलिए अगर उसने इंडिपेंडेंट मेंबर ने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली तो डिसकॉलीफाई हो जाएगा अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर नामित सदस्य है जैसे कि अभी हमारी नॉमिनेट हुई है ना एक तो हमारे सतनाम सिंह संधू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडर नॉमिनेट हुए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अभी सुधा मूर्ति तो इनके पास छः महीने की मोहलत है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं किसी की आइडियोलॉजी समझ में आ रही है आपको तो ज्वाइन कर लो उसको छः महीने के बाद की ना आप तो ये माना जाएगा कि अब आप वेट कर रही थी कि जब भी मौका आएगा जिसको हमारे वोट की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें पैसा देगा और हम उसी को फिर वोट देंगे तो पैसा लेके हम मेंबरशिप लेंगे तो करप्शन नहीं बढ़ाना चाहता हमारा जो वो कॉन्स्टिट्यूशन है तो छः महीने के अंदर आपको ले लेनी छः महीने के बाद लोगे तो फिर जाओगे कायदे से नप, नपाई होगी तुम्हारी ठीक है अब तुम बोलोगे सर पार्टी छोड़ के लोग जाते तो हैं इधर से उधर ठीक है अगर आप मिनिस्टर हैं तो आप देखिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे पहली बात ठीक है मिनिस्टरशिप की बात हो रही है दूसरी बात है कि अगर आप मिनिस्टर हैं फिर भी आप डिस्कवालीफाई नहीं होना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाइए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नाइन्टी अमेंडमेंट ने यह बोला कि अगर टू बाई थर्ड से ज़्यादा लोग अगर छोड़ के जाते हैं तो उसको कंसिडर किया जाएगा मर्जर स्प्लिट नहीं कंसिडर किया जाएगा मर्जर कंसिडर किया जाएगा और उस केस में डिस्कालीफाई नहीं होंगे जो शिवसेना के वाले केस में हुआ क्योंकि इसका मतलब है कि पार्टी जिसमें थे वही खराब है इतने लोग अगर छोड़ के जा रहे हैं तो तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा छह महीने के अंदर अगर लेनी है आपको तो आप ले लो नॉमिनेटेड मेंबर के लिए ठीक है सैलरी अलावेंसेज ऑफ लीडर ऑफ पोजिशन इन पार्लियामेंट एंड आर गवर्न बाई द एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम बाई पार्लियामेंट इन ईयर गोरखपुर गडोली रतलाम अच्छा अकबरपुर लोकसभा अच्छा अकबरपुर से प्रशांत तिवारी भिंड अनुज सिंह भदौरिया भिंड में कहाँ से भिंड इज माई बर्थ प्लेस भिंड अच्छा किसके लिए फेमस है जोग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे वैसे आप बता सकते हो भिंड किसके लिए फेमस है चंबल रिवर बैड लैंड टॉपोग्राफी रेवाइंस है ना तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1977 ध्यान रखना लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो होता है जो पार्टी को एटलीस्ट वन टेंथ ऑफ सीट्स मिली हो, जैसे इस बार अब लीडर ऑफ पोजीशन का तमगा भी खो दिया कांग्रेस पार्टी ने ये वन टेंथ सीट भी नहीं सिक्योर कर पाए थे तो इसलिए लीडर ऑफ़ अपोजिशन होता है जो एटलीस्ट वन टेंथ हो और ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये पोजीशन कहीं पे भी लिखी नहीं हुई है जो जो हमारे रूल्स ऑफ हाउस होते हैं उनमें लिखा हुआ ये, है ठीक है चलिए तो अगला है हमारा विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ दौसिस इन सर्टन केसेजेज तो कौन संयुक्त बैठक की बात करता है तो ज्वाइंट सिटिंग तब होती है सर अगर कोई बिल लोकसभा ने पास किया और राज्यसभा के पास गया या फिर राज्यसभा से गया और लोकसभा के पास गया तो ये दोनों एग्री ना करें मना कर दें एग्री करने से या फिर छः महीने तक बिल को लटका के रखें तो उस केस में डेडलॉक होता है से बिजली कड़कती है उस बिजली को रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट क्या करता है राष्ट्रपति जो है जॉइंट सिटिंग बुलाता है संयुक्त बैठक जिसको प्रिसाइड कौन करता है अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त बैठक की लोकसभा का स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष इसकी क्या करता है अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति बुलाता है और जाने का भी है ठीक है बुलाता है और प्रेसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर वो नहीं होगा तो लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर वो नहीं होगा तो राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा का चेयरमैन कभी जॉइंट सिटिंग को प्रेसाइड नहीं कर सकता क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वाइस यानी जो जो कि राज्यसभा का चेयरमैन ही है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है वो इसलिए ठीक है तो इसीलिए अगर उसके रिमूवल का रेजोल्यूशन भी चल रहा होगा तो भी वो हाउस में वोटिंग नहीं कर सकता है ठीक है क्लियर इतनी चीज़ और भारत में कितनी बार ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई है जरा बताइए और ज्वाइंट सिटिंग मनी बिल के केस के में नहीं बुलाई जा सकती है धन विद्यक के केस के में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम के केस में भी नहीं बुलाई जा सकती है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ठीक है तो वीजे तो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 कहां से लिए हैं सर कोई बताना चाहेगा कहाँ से लिए वन वन जीरो मनी बिल की बात करता है सेवेंटी फाइव देख चुके हैं उसमें छः क्लॉजेस पढ़े हैं हमने तो जॉइंट सिटिंग लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिए हैं तो एस से तो सिटिंग लिए हैं जॉइंट सिटिंग ट्र से लिए हैं ट्रेड एंड कॉमर्स ठीक है ट्रेड एंड कॉमर्स लिए हैं एंड एल से है लिस्ट कौन सी लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची लिए हैं तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा और आज तक तीन बार जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है एक तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट को पास करने के लिए डाउरी प्रोहिबिशन बिल को पास करने के लिए एंड बैंकिंग सर्विसेज कमीशन को पास करने के लिए तो बैंकिंग डाउरी एंड पोटा को पास करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग तीन बार बुलाई गई है फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग ऑफ द हाउस अलॉटेड फॉर आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन अभी देखा सर उसको हम क्या बोलते हैं क्वेश्चन और बोलते हैं सेंसर मोशन पास किया जाता है सरकार को गिराने के लिए लेकिन ये एक मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है वहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव सबके खिलाफ लाना होता है अब वो पास हो गया तो सरकार गिरेगी रिजाइन देना पड़ेगा ये पास हो गया तो सरकार नीड नॉट रिजाइन जबरदस्ती नहीं कि आपको रिज़ाइन करना ही पड़ेगा अगर मोशन इसको बताने के लिए आपको रीजन बताना होता है लेकिन नो no कॉन्फिडेंस में नहीं बताना होता है क्योंकि वहां पे आप पहले ही पचास मेंबर का अप्रूवल लेके आ रहे हो जीरो आवर में एजेंडा डिसाइड होता है जो क्वेश्चन आवर के बाद शुरू होता है नॉट अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा निम्नलिखित में से संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर बिल्कुल जो मैं मिनिस्टर होते हैं वो मेम्बर होते हैं और कोई भी मिनिस्टर अगर मेंबर नहीं है तो कितने मैक्सिमम टाइम तक हो सकता है छः महीने तक तो सब हो सकता है हमने सेवेंटी फ़ाइव के सब क्लॉज फाइव में देखा था इस चीज़ को अन लोअर हाउस ना 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 लोअर हाउस हमारे क्या है लोकसभा है और क्या डिज़ोल्व नहीं होता है बिल्कुल होता है डिज़ोल्व ठीक है बिल्कुल डिज़ोल्व होता है ये प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव अभी देखा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होता है प्रेसिडेंट रियल कौन होता है हेड कौन होता है प्राइम मिनिस्टर होता है कलेक्टिव रेस्पांसिबल है किसको लोकसभा को जो आर्टिकल सेवेंटी फाइव क्लास थ्री बोलता है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबलिटी का मतलब ये आंसरेबल है लोकसभा को करिए अगला विच ऑफ़ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच रिगार्डिंग द टर्मिनोलॉजी यूज इन द पार्लियामेंट बिल डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन करिए सर 2.0 बैच इज सफिशिएंट फॉर एसएससी जल बिल्कुल सफिशिएंट है सुनीधि का रेलवे काशिक हाँ जी तेजस्विनी जी बिल्कुल ठीक है कूपन कोड़ार अभी नहीं चल रहा है इश डीके बैच 2.0 के लिए देखिए तो आर्टिकल वन वन टू जो है हमारा अनुच्छेद नंबर एक सौ बारह ये बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण की जिसको कि हम प्यार से बजट बोल देते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम बजट बोल देते हैं लेकिन बजट वर्ड कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं हुआ है तो इसको पास करने की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं जैसे इसको पहले प्रेजेंट करना होता है देन डिस्कस करना होता है देन डिपार्टमेंटल कमिटीज़ इसकी स्क्रूटनी करती हैं देन इस पर वोटिंग होती है देन अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है देन फाइनेंस बिल पास होता है ये पूरा पी डी वैफ करके इसका प्रोसीजर होता है तो अप्रोप्रिएशन होता क्या है कि देखिए इसमें क्या होता है वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट का मतलब ये होता है कि हर मिनिस्ट्री बोलती है हमें इतना पैसा चाहिए इतना पैसा चाहिए इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए।, इतना पैसा चाहिए। उसको बोलते हैं ग्रांट ठीक है और जब वो हो गई ग्रांट अब उस पर होगी वोटिंग तो अगर वोटिंग होगी उस पर ठीक है अब उसी टाइम पे ही आपके कट मोशन भी पास किए जा सकते हैं डिफरेंट तरह के कट मोशन होते हैं टोकन कट पॉलिसी कट इकोनॉमिक कट मोशन उस पर हमें डीप पे नहीं जाना है ठीक है तो डिफरेंट टाइप के कट मोशन होते हैं बजट के टाइम पे इनको डाला जाता है तो अब अप्रोप्रिएशन बिल की अगर बात करें तो ये अगर पास हो गया तो एक तरह से आपके जो संसद है पार्लियामेंट है उसने मंजूरी दे दी है कि हाँ आप पैसा निकाल सकते हो आप ठीक है फंड से तो अमनी बिल पास फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द विद्रॉल और अप्रोपरेशन फ्रॉम फ्रॉम एन आउट ऑफ कंसल्ट फंड ऑफ इंडिया सही है डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है आपका ईयर मार्किंग ऑफ बजेटरी एलोकेशन फॉर मीटिंग ओनली ओनली प्लान्ड एक्सपेंडिचर नहीं प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर दोनों होता है गलत शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन फॉर रेजिंग अ डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस फॉर विच अ नोटिस हैज टू बी गिवन बाई मेबर एंड सपोर्टेड बाई फिफ्टी नहीं नोटिस नहीं देना होता अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का अगर कोई मैटर है तो उसको उठाया जा सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन जिसको कि हम टू आवर डिस्कशन के नाम से भी जानते हैं बिकॉज इसमें मैक्समम डिस्कशन दो घंटे तक चलती है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा ए ओनली क्लियर है इसमें कट मोशन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और अलग भी हमारे तरह के ग्रांट होते हैं जैसे कि सप्लीमेंट्री ग्रांट होता है ठीक है टोकन ग्रांट होता है एडिशनल ग्रांट होता है तो वो सारे ग्रांट भी हम यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कट मोशन ग्रांट बिकॉज उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है ठीक है ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट राज्यसभा कौन सा सही नहीं है राज्यसभा को लेके ये आपके दिए हुए हैं तो राज्यसभा के बारे में पहले तो ये बताइए कि ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है किस अनुच्छेद में दिया हुआ है तो देखिए आर्टिकल 78 में ख़त्म हो गया था हमारा पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो 79 से शुरू हुआ था हमारा पार्लियामेंट के बारे में और जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट के बारे में तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं पार्लियामेंट में एक तो आता है सबसे नीचे लोकसभा फिर आता है राज्यसभा देन आता है हमारा प्रेसिडेंट इसको लोअर हाउस बोलते हैं इसको अपर हाउस बोलते हैं या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं इसको राज्यसभा को अपर हाउस परमानेंट हाउस या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं इसको हम हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जानते हैं ठीक है और लोकसभा इसका एक हिंदी नेम है और इन दोनों के हिंदी नेम लोकसभा राज्यसभा हमने उन्नीस में अडॉप्ट किए थे अपनाए थे नाइनटीन में ठीक है और प्रेसिडेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बिकॉज कोई भी बिल इसके एसेंड के बिना एक्ट नहीं बन सकता इसलिए 80 में है आपका राज्यसभा और 81 में है आपका लोकसभा ठीक तो इट हैज़ द पावर्स दैट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ स्टेट अगेंस्ट द यूनियन बिल्कुल इसके पास पावर होती है क्योंकि ये स्टेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके पास ये पावर है मनी बिल में ये अमेंडमेंट नहीं कर सकता अभी देखे थे बारह मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है बिल्कुल अगर हम राज्यसभा की बात करें तो मैक्सिमम टू फिफ्टी मेम्बर्स हो सकते हैं मैक्सिमम ढाई सौ मेम्बर हो सकते हैं और ढाई सौ में किस तरह से डिविजन होता है टू थर्टी एट इलेक्टेड होते हैं दो सौ अड़तीस निर्वाचित होते हैं और बारह नॉमिनेटेड होते हैं नामित होते हैं ये आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आएंगे इनडायरेक्ट तरह से चुन के भेजा जाएगा इनको अप्रत्यक्ष रूप से ये जो बारह मेंबर्स नॉमिनेट होंगे ये लिटरेचर लिटरेचर साइंस आर्ट और सोशल सर्विस जिसको आप शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हैं लिसास, लिसास ठीक है इसमें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है मैक्सिमम बारह मेंबर्स को तो ढाई अभी कितनी मेंबरशिप चल रही है इसकी दो चल रही है राज्यसभा की ठीक है अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्पेशल पावर्स हैव बीन कॉन्फर्ड ऑन राज्यसभा के पास क्या स्पेशल पावर है भाई लोकसभा के पास स्पेशल पावर तो देख लिए कि मनी बिल जो है सिर्फ वहीं पे आ सकता है और मनी बिल को लेके स्पेशल पावर है लोकसभा को लेकिन अब राज्यसभा के कैसे बताइए चलिए तो अगर हम बात करें राज्यसभा के केस में क्या है टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ द स्टेट एंड टू चेंज द द नेम ऑफ स्टेट नहीं ये लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास है और ये सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं देखा था आर्टिकल नंबर थ्री है हमारा टू पास अ रेजोल्यूशन द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस देखिए मैंने आपको बताया था कि सेवन शेड्यूल में तीन लिस्ट हैं यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट यूनियन में सिर्फ यूनियन ही लॉ बना सकता है पार्लियामेंट और स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट का लेजिस्लेचर ही लॉ बना सकता है लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस निकल के आ जाते हैं जहां पे कंडीशन निकल के आ जाती हैं जहाँ पर स्टेट लिस्ट में भी यूनियन लॉ बना देता है वो कौन कौन से केसेज हैं एक तो केस यही है कि अगर राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को ये पावर दे दे कि तुम कर सकते हो ऐसा तुम में ये शक्तियाँ हैं यू कैन डू इट तो वो कर देगा पहला केस समझ आ गया दूसरा है अगर दो या टू और मोर स्टेट दो या दो से ज़्यादा राज्य बोल दें दो या दो से ज़्यादा राज्य रेजोल्यूशन पास करके बोल दें पार्लियामेंट को कि भाई हमारे लॉ बना दो हमसे बन नहीं रहा है तो वो बन बना देंगे लेकिन वो जो लॉ बनेगा ना वो सिर्फ उन्हीं जितने राज्यों ने पास किया अब ऐसे तो फॉर एग्जाम्पल मान लो तीन बीजेपी के राज्य क्या करें पार्लियामेंट को पावर दे दें कि सारी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में तुम लॉ बनाओ है तो केरल तमिलनाडु कांग्रेस ये सब जहाँ पे है वो क्या करेंगे फिर है तो लॉजिकल सी बात है उन्हीं स्टेट के लिए वो लॉ वैलिड होगा तीसरा है नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल के केस में और चौथा है प्रेसिडेंट रूल के केस में जब लगा हो तब ठीक है क्लियर हो गया आंसर मैक्सिमम टर्म क्या होता है राज्यसभा का सिक्स ईयर्स फाइव ईयर्स फोर ईयर्स या फिर इंडेफिनेट तो राज्यसभा में जो ढाई सौ मेम्बर्स होते हैं इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि ये कॉन्टीन्यूंग चैम्बर है परमानेंट हाउस है एंड इसके वन थर्ड मेम्बर्स हर दो साल में रिटायर होते रहते हैं दैट मीन इसके मेंबर्स का टर्म होगा सिक्स इयर्स का मेंबर्स का टर्म होगा सिक्स इयर्स का इसका टर्म इनडेफिनेट होगा ध्यान रखना इस चीज़ को ठीक है इनका इनडेफिनेट होगा क्योंकि परमानेंट हाउस है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दी लोकसभा लोकसभा के रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है सर हंड्रेड कितना? हाउ लॉन्ग विल दिस क्लास लास्ट तो देखिए सिक्सटी एट यानी सेवेंटी ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो चुके हैं सेवेंटी परसेंट खत्म हो गया क्लास थर्टी परसेंट बचा है बस क्लास जल्दी जल्दी अब आपने देखा होगा कि भाई शुरू के पचास क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा था लेकिन अभी जो बाद के बाद के भी बीस क्वेश्चन है कितना जल्दी से होगा ठीक है नहीं नहीं एस एस अभी ठीक है तो नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दी लोकसभा तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल सही है वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट फाइनल डिसीजन टेकन बाई द लीडर ऑफ है <laughs> क्या लिखा हुआ ये ठीक है इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग हाउ मनी मैटर्स पर डे एज पर देयर प्रायोरिटी इन द बैलेट आर अलाउड टू बी रेज ड्यूरिंग द जीरो और जीरो और में कितने मैटर रेज हो सकते हैं मैक्सिमम तो बीस मैटर रेज हो सकते हैं जहाँ पे एजेंडा ऑफ द डे डिसाइड होता है सेवनटीथ स्पीकर ऑफ लोकसभा गिव्स इज रेजिग्नेशन टू यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है किसको रेजिग्नेशन देता है ध्यान रखना है, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है वो लोकसभा का मेंबर होता है और उसको इलेक्ट करके लोकसभा के मेंबर्स ही उसको भेजते हैं इलेक्ट करके लोकसभा के मेम्बर ही उसको भेजते हैं ठीक है तो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होता है आपका रेजिग्नेशन डेप्टी स्पीकर को देता है जिस तरह प्रेसिडेंट याद करो मैंने बताया रहा था जब वहाँ पे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को तो वहाँ पे मैं पॉज हो गया था फिर उन्होंने बोला था बाद में मैंने क्वेश्चन रखा तो वो यही क्वेश्चन है तो स्पीकर डेप्टी स्पीकर का रेजिग्नेशन देता स्पीकर डेप्टी स्पीकर आपका स्पीकर रेजिग्नेशन देता है ठीक है स्पीकर की इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट फिक्स करता है इलेक्शन की डेट और डेप्टी स्पीकर की इलेक्शन की डेट स्पीकर फिक्स करता है ठीक सेवेंटी वन वॉट इज रिक्वायर्ड इन लोकसभा सो दैट इट कैन ट्रांजेक्ट एनी बिजनेस मिनिमम कोरम कितना रिक्वायर्ड है सो दैट जो लोकसभा है वो कोई भी बिजनेस कर सके तो जब हम बात करते हैं कोरम की तो किस आर्टिकल में है यह कोरम तो अनुच्छेद कौन सा है अनुच्छेद है हंड्रेड आर्टिकल हंड्रेड बात करता है कोरम की कोरम होता है क्या गणपूर्ति जिसको बोलते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस और ये होता है वन टेंथ ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस लेकिन फॉर एग्जांपल मतलब कि अगर जैसे लोकसभा है तो 550 है ठीक है मान लो पाँच मेंबरशिप है या फिर पाँच मैक्सिमम हो सकते हैं इसका वन टेंथ पचपन निकल गया है यानी पचपन लोग अगर नहीं होंगे तो सदन को स्थगित कर दिया जाएगा दैट मीन्स एडजोन कर दिया जाएगा स्थगित करने की शक्तियाँ होती हैं किसके पास प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास दैट इज़ पीठासीन अधिकारी के पास ये शक्तियाँ होंगी ठीक है प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसको एडजोन कर सकता है याद करो हमने पढ़ा था समन प्रोरोग डिजोल्विंग लोकसभा ये सब जो है कौन कर सकता है प्रेसिडेंट लेकिन एडजमेंट की बात आएगी तो वो सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी करेगा लोकसभा के केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर वहाँ का स्पीकर और राज्यसभा के केस में उनका चेयरमैन होता है ठीक है अगर ये कोरम नहीं होगी तो ये भी ख़त्म अब आ जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर और काउंसिल में और एक चीज़ ध्यान रखना जब लोकसभा डिज़ोल्व होती है ना तो कई तरह के बिल लैप्स हो जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं स्थगित हो जाते हैं लेकिन कुछ बिल होते हैं जो लैप्स नहीं करते हैं अगर कोई बिल राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है लोकसभा तक नहीं पहुँचा है राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ लोकसभा तक नहीं पहुंचा है वो नहीं लैप्स होगा कोई बिल जिसके लिए जॉइंट सिटिंग बुलाई गई थी प्रेसिडेंट के द्वारा पास तो कर दिया था तो मतलब एक तरह से जॉइंट सिटिंग बुलाई गई थी बोल सकते हैं वो लैप्स नहीं होगा और ज्वाइंट सिटिंग में सिंपल मेजोरिटी से साधारण बहुमत से बिल को पास करवाना होता है बस और तीसरा तीसरा अगर तीसरा क्या होता है अगर प्रेसिडेंट की सिर्फ एसेंट ही बाकी रह गई थी उसमें तो भी अमेंड नहीं होता है लैप सॉरी लैप्स नहीं होता है बाकी सारे तरह के बिल लैप्स हो जाते हैं अगला है अब स्टेट लेजिस्लेचर से विच आर्टिकल ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स कितना आसान है ठीक है आर्टिकल एट्टी राइट ऑफ मिनिस्टर्स की बात रहा था सेंटर लेवल पे एट्टी जोड़ दो स्टेट लेवल पे वन ठीक है एट्टी नाइन जोड़ने का काम है बस खत्म व्हाट इज द बाई कैमरल लेजिस्लेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की द्विसदनीय विधायिका क्या है तो बाई कैमरल जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि लेजिस्लेटिव बॉडी विद टू हाउसेज टू हाउसेज बाई बाई मतलब दो तो दो हाउसेज कौन होते हैं सेंटर के केस में होते हैं लोकसभा राज्यसभा स्टेट के केस में होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधानसभा और विधान परिषद ठीक है अच्छा ये बताओ विधानसभा और विधान परिषद होते हैं जैसे लोकसभा हमारा लोअर हाउस होता है ऐसे लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस होता है स्टेट के केस में राज्यसभा अपर हाउस होता है वैसे अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिरफॉर्चुनेटली जो भी बोलो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद सारे भारत के राज्यों में नहीं है तो कितने राज्यों में है कितने राज्यों में जरा बताइए लेजिस्लेटिव काउंसिल और जितने राज्यों में भी है वहाँ पे हम बोलेंगे कि क्या है बाई कैमरा लेजिसलेचर यानी कि इंडिया के सारे स्टेट बाई कैमरल नहीं हैं सिर्फ छः राज्य हैं जो बाई कैमरल हैं बाई कैमरल का मतलब है वहाँ दोनों हाउसेज हैं क्योंकि क्योंकि बाई कैमरल तो तभी बोलेंगे ना जब दोनों हाउसेज होंगे सिर्फ छः राज्य हैं भारत में जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसलिए सिर्फ वही बाई कैमरल होंगे बाकी सब यूनिक कैमरल होंगे तो वो कौन कौन से छः राज्य हैं कबूतम क बू तम के से कर्नाटक ए से आंध्र बी से बिहार यू से उत्तर प्रदेश टी से तमिलनाडु नहीं तेलंगाना और एम से एम से महाराष्ट्र ठीक ये छः बाई कैमरल हैं द सैलरी एंड अलाउेंसेस अब आप इनके आर्टिकल बता दीजिए राज्यसभा का जो कि अपर हाउस है सेंटर के केस में आर्टिकल 80 है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अपर हाउस है स्टेट लेजिस्लेचर में उसका आर्टिकल क्या होगा सिंपल क्या करना होता है हमें 89 नाइन एड करना होता है सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली चेयरमैन ये सब आ, कौन डिसाइड करता है हुँ? तो जिस तरह की सैलरी एंड अलाउेंसेज आर्टिकल सेवेंटी फाइव क्लास सिक्स पढ़ रहे थे इनकी जो सेंटर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर लोग होते हैं ये पार्लियामेंट खुद ही डिसाइड करता है उसी तरह है, स्टेट के, के केस में स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा भाई सिंपल सी बात है ठीक है क्योंकि स्टेट की बात हो रही है सेवेंटी फाइव विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ दी हाइस्ट नंबर ऑफ़ लेजिस्टिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसिज तो सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट कितनी है मतलब कि आ, किस में है किस राज्य में है राजस्थान में है महाराष्ट्र में है उत्तर प्रदेश में है या फिर मध्य प्रदेश में है तो इसमें कोई पूछने वाली बात है अपने उत्तर प्रदेश का कोई बोल सकता है क्या है ऑप्शन नंबर सी ये यूपी यूपी में ही सबसे ज़्यादा लजिस्लेटिव काउंसिल की भी सीट्स हैं कितनी है इसमें और लेजिस्टिव असेंबली की अगर बात करें तो चार सीट है यहाँ पे और लजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें इकतीस सीट है यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे इक्वल रिप्रजेंटेशन नहीं सॉरी क्या मैंने बोल रहा हूँ यार ये ये ले असेंबली में 403 सीट हैं और राज्यसभा में यूपी से इकतीस सीट हैं तो हमारे यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा से तो इसको यूनिटरी फीचर में रखोगे या फिर फेडरल तो ये फेडरल तो नहीं है क्योंकि अगर हम सिक्किम में देखें तो सिर्फ एक बंदा है राज्यसभा से सिक्किम में नहीं इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है पॉपुलेशन के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन है पॉपुलेशन के बेसिस पे और जरा ये बताइए कि कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है डीलिमिटेशन कमीशन की डी कमीशन की क्योंकि परिसीमन आयोग की क्योंकि अभी चुनाव वाला साल है तो इसलिए पूछ सकता ही है ये कि डीलिमिटेशन कमीशन वो होता है जो भारत को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में बांटता है तो डिलिमिटेशन कमीशन किस आर्टिकल में ही ये बताएंगे और कितनी बार स्टैब्लिश हुआ है ये बताएंगे जल्दी से ठीक है अगला क्वेश्चन करिए तब तक हुंग दॉलोइंगेज दी पावर टू नॉमिनेट इन में लेजिलेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट चलो इसको हम बाद में करते हैं इसमें मुझे लेजिलेटिव काउंसिल सब समझाना पड़ेगा तो पहली बात तो आर्टिकल 82 के तहत तो स्टैब्लिश मतलब इसको फॉर्म किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा चार बार बनाए अभी तक उन्नीस सौ और उसके बाद उन्नीस बोल सकते हो फिर उन्नीस के टाइम पे ठीक है 1962 सिक्सटी टू है फिर नाइनटीन समझ लो 1972 में डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आया था और 2002 में आया था इसके बाद फ्रीज़ कर दिया गया था 80 कौन से अमेडमेंट्स एट्टी सेवेंथ अमेडमेंट्स क्या कर दिया गया था फ़्रीज़ कर दिया गया था डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी इसको पहले फोर्टी सेकेंड अमेडमेंट से फ्रीज किया गया था एंड देन अभी जो है क्या किया गया है इसको एट्टी सिक्स अमेंडमेंट से फ्रीज कर दिया जा चुका है आर्टिकल एट्टी टू इसकी बात करता है ठीक है इसको आ, मतलब पार्लियामेंट एक लॉ इनाट करेगा आर्टिकल एट्टी टू के तहत और इसको अपॉइंट करने का काम करेगा प्रेसिडेंट ठीक है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करता है सबको डिसाइड करने का इसका काम रहता है क्लियर आगे बढ़ें अगला क्वेश्चन अब ध्यान से समझिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि लोअर हाउस होता है उसमें अधिकतम संख्या पाँच हो सकती है मैक्सिमम ठीक क्लियर इतनी बात जिस तरह से लोकसभा में कितनी हो सकती है लोकसभा में हो सकती है साढ़े पाँच सौ मैक्सिमम हो सकती है साढ़े पाँच सौ और सारे इलेक्टेड होंगे ठीक है और इसमें पाँच सौ तीस आपके इलेक्टेड होंगे मतलब सॉरी स्टेट से आएंगे राज्यों से और जो बीस आएंगे वो यूटीज आने की केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे उसी तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल और सॉरी ठीक है लेटिव काउंसिल तो बाद में और इसी तरह मिनिमम जो मेंबर हो सकते हैं वो साठ हो सकते हैं मिनिमम जरा कमेंट बताइए लोकसभा में कितने मिनिमम हो सकते हैं अब हम बात कर रहे हैं जैसे राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर होते हैं ढाई सौ उसी तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर बात करें तो कोई एक एब्सोल्यूट नंबर है ही नहीं ना 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 है ही नहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो ठीक है जैसे राज्यसभा में 250 सौ मैंबर चलता है ना मैक्सिमम लेजिस्लेटिव में काउंसिल में कुछ नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसकी जो मैक्सिमम मेंबरशिप है वो डिपेंड करती है लेजिस्लेटिव असेंबली पे वन थर्ड ऑफ एल ए वन थर्ड ऑफ एल जितने भी एल ए में जैसे 403 सौ तीन हैं एल में किसकी यूपी की तो एक एक तिहाई कर लो उसका उससे ज़्यादा उनकी एल में नहीं हो सकते हैं अब मिनिमम चालीस एक्सेप्शन हैं कुछ स्टेट लेकिन इन जनरल चालीस हज़ार न लोकसभा में कोई मिनिमम नंबर नहीं कितने मिनिमम होने ही चाहिए ठीक अब लेजिस्टिव काउंसिल में किस तरह चुनाव क्या होता है वो समझो एक तिहाई लोग लेजिस्लेटिव असेंबली से चुन के लोग भेजते हैं एक लेजिस्टिव असेंबली के लोग एक तिहाई लोग लेजिस्टिव काउंसिल में चुन के भेजते हैं एक तिहाई लोग ठीक है ये आएंगे आपकी लोकल बॉडीज से जैसे कि म्यूनिसपैलिटीज नगर पा पालिकाओं से लोकल बॉडीज इसमें पंचायत नहीं है म्यूनिसपैलिटी है इतना डीप में तो खैर पूछेगा नहीं आपसे लोकल बॉडीज याद कर रो वन टेल्थ वन ट्वेल्थ ये आते हैं जो टीचर होंगे टीचर लोग चुन के भेजेंगे ये ग्रेजुएट ग्रेजुएट्स चुन के भेजेंगे ठीक है एक तिहाई एक तिहाई एक बड़ा एक बार एक बारह क्लियर याद हो गया अब बचे कितने अगर तुम मैथ्स करोगे तो तुम्हें पता चलेगा फाइव बाई सिक्स हो गए वन बाई सिक्स बाकी हैं तो वन बाई सिक्स ये नॉमिनेट होते हैं ये सारे इलेक्ट हो रहे थे ठीक है दीज फाइव बाई सिक्स वर इलेक्टेड एंड दीज वन बाई सिक्स आर नॉमिनेटेड बाई गवर्नर यानी राज्यपाल इनको क्या करेगा नामित करेगा किस फील्ड में लिस सेम एज पार्लियामेंट जो राज्यसभा में देखा था लिटरेचर साइंस आर्ट सोशल सर्विस लेकिन इसमें एक और एडिशन है एंड दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी ठीक तो क्या लिखा हुआ है नॉमिनेट कौन करता है तो गवर्नर करेगा ऑफ दंसर्न स्टेट अब आ जाते हैं इमरजेंसी पे खत्म हो गया सब देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो गए सेवेंटी सिक्स हो गए अब मात्र चौबीस क्वेश्चन बाकी हैं अभी चार और हो जाएंगे अस्सी बीस क्वेश्चन बस बाकी रहेंगे और आई थिंक तुम लोगों का टेस्ट भी शुरू हो गया होगा वो एप्लीकेशन पर दे लेना आराम से वो तो रहेगा पाँच बजे तक अवेलेबल रहेगा आपका ठीक है एक सेकेंड रुको मैं बता देता हूँ मैसेज करके कि पाँच बजे तक रहेगा आपका ठीक है जी क्लियर हो गया सभी को आगे पढ़ लें अभी कुछ छूट तो नहीं रहा न, 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 ये चीज ध्यान रखना ऑर्डनरी बिल के, के केस में लोकसभा राज्यसभा के पास इक्वल पावर होती हैं लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव के असेंबली के केस में और उनके पास इक्वल पावर नहीं होती हैं। मनी बिल में तो भूल ही जाओ मनी बिल के केस में क्या है जैसे सेम लोकसभा राज्यसभा का रिलेशन है ना कि चौदह दिन तक वही यहाँ पे भी है ऑर्डनरी बिल के केस में दोनों के पास सेम पावर है लेकिन यहाँ पे स्टेट के केस में अगर कोई बाई कैमरा लेजिस्चर है जहाँ पे बेचारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास लेजिस ये मतलब ऑर्डनरी बिल के केस में भी बहुत ज़्यादा पावर नहीं है अब हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं बिकॉज कॉम्प्लेक्स है काफ़ी कि लेजिस्टिव काउंसिल अगर लाया तो लेजिस्लेव असेंबली रिजेक्ट कर देगा तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन अगर लजस्लेटिव असेंबली लाया और मेरे बिल लजस्लेटिव काउंसिल में गया तो इतने मैक्सिमम एक बार में तीन महीने के लिए दूसरी बारी में एक मही बड़ा डीप है कॉम्प्लेक्से है, समझने की जरूरत भी नहीं है हमें ठीक है अब आते हैं एमरजेंसी एंड पार्लियामेंट्री पावर्स पे ठीक है तो अभी हम आ चुके हैं आखिरी पर एकदम सेक्शन पे आ चुके हैं आखिरी के बीस क्वेश्चन में एमरजेंसी किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है जरिए बता दीजिए तो ये है हमारा पार्ट नंबर अट्ठारह ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है ये 352 से डील करता है ना 352 फिफ्टी टू हाँ पार्ट नंबर आपका 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट क्या मैंने आपको बताया था नहीं बताया था अमेंडमेंट ध्यान रखना पार्ट नंबर 20 पार्ट पता होने चाहिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जैसे एक दो तीन चार पाँच छः एक में रिवाइज करो एक में यूनियन टेरेटरी दो में सिटीजनशिप तीन में फंडामेंटल राइट चार में डी पी एस ए में फंडामेंटल ड्यूटीज पाँच में यूनियन छः में स्टेट सात नहीं है सेवेंथ अमेंडमेंट ने हटा दिया आठ में पार्ट नंबर आठ में यूटीज यूनियन टेरेटरीज नौ नौ का नौ बा नाइन नाइन ए नाइन बी वो देखेंगे आगे नाइन ए पंचायत नाइन ए म्यूनिस्पिलिटी और नाइन बी कॉपरेटिव सोसाइटी ठीक है वो चलो आगे फिर हम देखेंगे अभी ये समझ लो ट्वेंटी और एटीन में एटीन में एमरजेंसी अमें और ट्वेंटी में अमेन्डमेंट है ठीक हु अमंग द फॉलोविंग हैज़ बीन गिवन एक्स्ट्रॉनरी पावर ड्यूरिंग एन एमरजेंसी एमरजेंसी के टाइम पर किसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं तो ये हमारे राष्ट्रपति के पास होती हैं ऑप्शन नंबर डी विच ऑफ द फॉलोविंग कैन नॉट बी सस्पेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीयपातकाल के टाइम पर भी इसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं थोड़ा डिस्कशन करते हैं आर्टिकल 34 मैंने आपको बताया था कि अगर मार्शल लॉ लगा हुआ तो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे उसी तरह नेशनल इमरजेंसी अगर हमें लगी हुई तो नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत लगाई जाती है अनुच्छेद के तहत आर्टिकल 352 के तहत अनुच्छेद तीन के तहत लगाई जाती है प्रेसिडेंट लगाता है लेकिन ऐसा नहीं जब मना है तो लगा दिया पार्लियामेंट उसको बोलेगा पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास होता है एक महीने के अंदर और वो फिर प्रेसिडेंट हमारा लगाता है ठीक है तो फंडामेंटल राइट right इसमें एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ तो सस्पेंड नहीं होते हैं लेकिन हम बोल देते हैं सस्पेंड होते हैं क्योंकि एक्चुअल में राइट टू मूव दी कोर्ट सस्पेंड होता है लेकिन तुम तो यही याद रखो अपने एग्जाम के लिए कि वो राइट right, मतलब फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं और ये पर्टिकुलर चीज़ को हमने वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया है फंडामेंटल राइट right का सस्पेंड होना ड्यूरिंग दी नेशनल इमरजेंसी हमने जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है तो हमेशा ध्यान रखना कि सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं लेकिन अनुच्छेद बीस आर्टिकल ट्वेंटी और ट्वेंटी वन का आपका फंडामेंटल राइट right कभी सस्पेंड नहीं हो सकता है ट्वेंटी प्रोटेक्शन इन सर्टेन ऑफेंसेज जो हमने देखा था एक्सपोज फैक्टर और डबल जियो पार्टी और सेल्फ इनक्रिमिनेशन ठीक और ट्वेंटी वन राइट टू लाइफ ठीक है तो ये कभी सस्पेंड नहीं हो सकते कैन नॉट बी सस्पेंडेड राइट टू रिसाइड इन सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल नाइनटीन वन है राइट टू लाइफ ट्वेंटी वन बिल्कुल और राइट right टू जो लाइफ है ना आर्टिकल ट्वेंटी वन इट इज़ दी मोस्ट फंडामेंटल एंड प्राइमरी राइट ध्यान रखना अगर पूछ ले कि राइट टू फ्रीडम में सबसे फंडामेंटल और प्राइमरी राइट right कौन सा है फंडामेंटल ट्वेंटी वन क्योंकि अगर लाइफ ही नहीं होगी तो फिर राइट right किस मायने का और, और ये भी एक चीज ध्यान रखना अगर कभी पूछ ले कोई ऐसा फंडामेंटल राइट right जो तुमने कभी पढ़ा ही ना हो जैसे राइट टू हेल्थ राइट टू राइट टू राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट राइट टू स्लीप समझ लो राइट टू स्लीप तक राइट अगेंस्ट हैंडोकैफ वो सब आर्टिकल ट्वेंटी वन में आर्टिकल ट्वेंटी बहुत वाइड है तो तुमने अगर ढंग से सारे फंडामेंटल राइट right पढ़ रखे हैं उसके बाद भी तो कोई अजीब सा दिख जाता है कौन सा फंडामेंटल राइट right है तो वो आर्टिकल ट्वेंटी वन होगा फिर ठीक है सेवेंटी नाइन पे आते हैं और एक सेकेंड रुको और तो कुछ नहीं छूट रहा है हाँ एक चीज़ कि आपका आर्टिकल नाइनटीन अब देखो होता क्या ना जो नेशनल इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी वो लग सकती है वॉर के, के केस में वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के, के केस में या फिर लग सकती है आम डबिल ने केस में ठीक है सशस्त्र विद्रोह विद्रो के केस में तो अगर आम डबिल ने केस में इमरजेंसी लगी है तो तुम्हारा 20 और 21 तो कभी सस्पेंड हो ही नहीं सकते वो तो बात तय है लेकिन 19 भी नहीं सस्पेंड हो सकता है अगर इस केस में इमरजेंसी लगी है ठीक अब पूछ रहा है व्हेन वाज दी वर्ड आम डबिलियन एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी कब आम डेबिलिन शब्द को जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित करने के लिए सेवेंटी नाइन का आंसर बताइए तो इसको फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट से जोड़ा गया था क्योंकि फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्चुअली हुआ क्या था हमारी नेशनल इमरजेंसी तीन बार लगी थी ठीक है हमारी राष्ट्रीय आपातकाल तीन बार लगा था देश में तीन बार लगा था उन्नीस सबसे पहले चाइना के साथ जब युद्ध हुआ था उन्नीस से लेकर लगा था स्टार्ट हुआ था दूसरा लगा था उन्नीस में जब हमने बांग्लादेश को लिब्रेट करवाया था पाकिस्तान से लड़के और 1975 में यहाँ पे तो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन था लेकिन यहाँ पे वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देते हुए जरा बताइए इस समय प्रेसिडेंट कौन थे राष्ट्रपति से बोला लगा दो नेशनल इमरजेंसी अब बिना कैबिनेट से अप्रूवल लिए हुए ठीक है तभी फिर क्या हुआ तभी फोर्टी अमेंडमेंट जब सरकार तुरंत चेंज हुई उन्नीस के बाद और मोराजी देसाई आए तो उन्होंने फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट किया इस इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हटाया और इसको आम डेबिलियन से रिप्लेस किया तो आम डेबिलियन शब्द को जोड़ा गया इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह प्रेसिडेंट थे हमारे फख्रुद्दीन अली अहमद और इसी ने बोला सबसे पहली बात फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट ने जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया था एज अ फंडामेंटल राइट कि कैबिनेट से अप्रूवल लेना होगा आपको कैबिनेट वर्ड भी फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट नहीं जोड़ा था कॉन्स्टिट्यूशन ने इससे पहले कैबिनेट वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था नेशनल इमरजेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम नाइनटीन से लेकर सिक्सटी तक ठीक है अगर हम बात करें स्टेट इमरजेंसी जिसको कि हम प्रेसिडेंट रूल के नाम से जानते हैं स्टेट इमरजेंसी नहीं बोलते हैं उसको उसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं तो ये किस आर्टिकल के तहत लगता है आर्टिकल नंबर थ्री सिक्स के तहत लगता है अनुच्छेद तीन सौ छप्पन सबसे ज़्यादा बार मणिपुर में लगा है दस बार अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो पंजाब ऑप्शन में होगा धैन ठीक है लेकिन मणिपुर में सबसे ज़्यादा बार दस बार लगा यूपी में नौ बार लगा है प्रेसिडेंट रूल की अगर बात करें तो ये इसके ग्राउंड के हैं लगाने के जैसे नेशनल इमरजेंसी के तीन सौ छप्पन तीन सौ पैंसठ इसके तीन सौ छप्पन और तीन सौ पैंसठ हैं इसमें तो ये है कि भाई स्टेट की जो फंक्शनल मशीनरी उसका ब्रेक डाउन हो गया है राज्य जब नहीं चल सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो वहाँ पे लगा जैसे बंगाल में है ना उसका हवाला देते हुए कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो बोले कि सरकार केंद्र की सरकार हम प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे तीन सौ पैंसठ में है कि अगर केंद्र ने कुछ निर्देश दिए हैं दिशा निर्देश दिए हैं कोई डायरेक्शन दिए हैं स्टेट्स को और वो फॉलो नहीं कर रहा है देन उस केस में प्रेसिडेंट रूल आ सकता है ठीक है थ्री सिक्सटी की अगर बात करें आर्टिकल थ्री सिक्सटी तो ये बात करता है वित्तीय आपातकाल की फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो आज तक देश में कभी लगी ही नहीं है अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज 81 क्वेश्चन हाँ मेरे अब आखिर के 20 क्वेश्चन में एंटर कर चुके हैं मैक्सिमम ये क्लास मुझे लगता है कितना चलेगी आधा घंटा क्या लगता है आपको नौ तीन चार चार घंटे एक चालीस मैक्सिमम चलेगा ना तो नहीं चार घंटे की क्लास हो जाएगी चार घंटे में पूरा क्वालिटी हो जाएगा हमारा जब पिछली बार वन शॉट लिया था मैंने एस वाला तो छः घंटे में हुआ था ये लेक्चर छः घंटे लगे थे चार्ज कर लो भाई फ़ोन का बैटरी डाउन हो गया तो नेवर इम्पोज विवेक सही है चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ समितियों के बारे में ध्यान से समझना तो जो हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं जो पार्लियामेंट का काम देखने के लिए बनती हैं वो दो तरह की होती हैं एक परमानेंट तरह का, का काम होता है ठीक है और एक होता है टेम्प्ररी तरह का, का काम परमानेंट काम और टेम्प्ररी काम <clears throat> परमानेंट तरह का जो काम होता है उसके लिए जो कमेटी बनती है उनको हम बोलते हैं परमानेंट काम देखने के लिए स्टैंडिंग कमिटीज और जो टेम्प्ररी तरह का जो काम देखने के लिए जो कमिटीज़ बनती हैं उनको हम बोलते हैं एडहॉक कमेटी एड हॉक कमेटी ये कमेटी बनती हैं और ख़त्म हो जाती हैं जैसे ही काम हो जाता है लेकिन ये हमेशा रहती हैं स्टैंडिंग कमेटी का एक टाइप होता है फाइनेंशियल कमेटी और इस फाइनेंशियल कमेटी में हमें तीन कमिटीज़ पढ़नी होती हैं स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमिटीज़ में एक तो पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति एस्टिमेट्स कमेटी यानी प्राकलन समिति और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग इन तीनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेज हैं फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द सिमिलैरिटीज़ सिमिलैरिटीज़ क्या हैं तो इन सब में मेंबर्स का जो टर्म होगा वो एक साल का होगा टर्म एक साल का टर्म एक साल टर्म एक साल इसमें कोई नो मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर नो मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर कोई मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकता है प्राइवेट मेंबर हो सकता है समझो लोकसभा राज्यसभा सबार में दो ही तरह के सदस्य होते हैं या तो तुम मिनिस्टर हो या तो तुम प्राइवेट मेंबर हो मिनिस्टर वो होता है जो कोई मंत्री होता है जो पोर्टफोलियो होल्ड कर रखा होता है जैसे भाजपा का कोई है भाजपा सरकार में है ना अभी रूलिंग पार्टी है लेकिन अगर उसका कोई मेंबर किसी उसको कोई पोर्टफोलियो अलॉट नहीं हुआ तो वो प्राइवेट मेंबर ही कहलाएगा सिंपल सी बात है और विपक्ष का तो सारा प्राइवेट हो गई तो इसमें प्राइवेट मेंबर ही इसका मेम्बर हो सकता है मतलब यही हुआ ना तो ये भी कॉमन हो गया अब डिफरेंस समझो पब्लिक अकाउंट कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में एक और सिमिलैरिटी होती है उसको भी समझेंगे रुकन रुक जाओ अभी इसको बनाया गया था कृष्णा मेनन सॉरी 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 इसको बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के हिसाब से इसको बनाया गया था 1921 में इसका गठन हुआ था सबसे पहली बार इसको बनाया गया था कृष्णा मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन पे कृष्णा मुन कमेटी के रिकमेंडेशन पे और सबसे पहली बात प्राकलन समिति का गठन पोस्ट इंडिपेंडेंस 1950 हुआ था और इसको बनाया गया था जॉन मताई कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो हमारे देश के पहले रेलवे मिनिस्टर थे पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में दो वो सिमिलरिटी ये है कि इसमें भी बाईस मेंबर होते हैं बाईस सदस्य होते हैं इसमें भी बाईस सदस्य होते हैं जिसमें पंद्रह लोकसभा से और सात राज्यसभा से आते हैं सेम यहां पे भी पंद्रह लोकसभा से सात राज्यसभा से एस्टिमेट कमेटी प्राकलन समिति में तीस मेंबर होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं ऑल फ्रॉम लोकसभा सारे कहाँ से आएंगे सारे लोकसभा से आएंगे इसमें क्या होता है इसका जो चेयरमैन होगा इसमें हो इस, इस कमेटी का वो लोकसभा से ही होना चाहिए बस इसमें ये है क्लियर इतनी चीज ये जो है कैग अभी पढ़ेंगे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में तो उसका गाइड और फिलोसोफर के तौर पे काम करता है गाइड एंड फिलोसोफर और इनको अपॉइंट किसके के द्वारा किया जाता है इन इन मिनिस्ट्रीज़ को मेंबर्स को या फिर इन मिनिस्ट्रीज़ को हाउस के द्वारा उस सदन के द्वारा किया जाता है और चेयरमैन यूजुअली जो हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हाउस का वो चुन लेता है ठीक है और एस्टीमेट कमेटी एस्टीमेट देखती है बजट के एस्टीमेट को और ये जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उसको देखने का काम कर, होता है उसके अकाउंट को देखने का काम पब्लिक अंडरटेकिंग का होता है ठीक है तो इट वर्क्स अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड क्रिएट्स अकाउंट्स फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज सही है प्रेसिडेंट और इनकी जो एडवाइस होगी ना बाइंडिंग नहीं होगी कभी भी कभी इस तरह से लिख के आ जाए कि इसकी एडवाइस बाइंडिंग है तो अगर तुम श्योर नहीं हो मानो कि बाइंडिंग नहीं होगी वो इट वर्क्स अंडर द कैग बिल्कुल सही है उसका गाइड फिलोसोफर के तौर पे काम करता है इट इज़ अ पार्लियामेंट्री कमेटी विच गिव्स रिपोर्ट ऑन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट इट इज अ पार्लियामेंट्री कमेटी विच स्क्रूटेनाइज द रिपोर्ट ऑफ द कैग ये भी सही है उसके तहत काम करती है इसकी उसको स्क्रूटनाइज करती है उसकी रिपोर्ट को इट वर्क्स अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं प्रेसिडेंट के अंडर में कोई काम नहीं करती कमेटी ये हाउस की कमेटी है तो हाउस ने इनको चुना है ठीक है ये जो मैंने डेटा यहाँ पे लिखा है इसको एकदम रट्टा मार लेना इसी से ही क्वेश्चन आएगा आपका अगर पार्लियामेंट्री कमेटी से आएगा तो एस्टिमेट कमेटी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम दी मेम्बर अभी बताया तीस मेंबर होते हैं सारे लोकसभा से होंगे खत्म हो गया टॉपिक अब आते हैं पार्ट फाइव का आखिरी चैप्टर याद आ रहा है आपको रिवाइज़ करवाएं आपको सर उल्टा लिख दिया क्या उल्टा लिख दिया मैंने क्या क्या चीज़ उल्टा लिख दिया क्या उल्टा लिख दिया यहाँ पे कुछ क्या उल्टा वो ओके -ओके, ओके 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 ये मैंने ये ये बोल रहे हो ना आप लोग कृष्णा मताई और जॉन मताई कृष्णा मनाना और जॉन मथाई ना यहाँ पे होगा जॉन जी हमारे जॉन डॉन बनेगा जॉन जॉन मथाई ठीक है और जॉन मथई और यहां पे होगा कृष्णा मनन कृष्णा मिनन होगा आपका ठीक है अभी ठीक चलो तो अभी आगे बढ़े सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मैंने आपको क्या बताया था पार्ट फाइव में हमारे भाग नंबर पांच संविधान में कितने चैप्टर है पाँच चैप्टर्स हैं टोटल फाइव चैप्टर हैं आंखें थोड़ा जो है जवाब दे रही। कोई नहीं अभी बस हमारा आधा घंटा का मैक्सिमम बाकी है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है और लोकल बॉडीज खत्म और कुछ बचा ही क्या है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लोकल बॉडीज खत्म चलो तो पार्ट फाइव की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था पांच चैप्टर हैं चैप्टर वन यूनियन एग्जीक्यूटिव बावन से अठहत्तर तक चैप्टर टू पार्लियामेंट सेवेंटी से वन चैप्टर थ्री ऑर्डिनेंस आर्टिकल वन पढ़ा नहीं आगे क्वेश्चन रखा है शायद मैंने रखा है शायद मैंने ठीक है आर्टिकल 123 पे चैप्टर थ्री में चैप्टर फोर वन ट्वेंटी फोर से लेके 147 ये है आपका सुप्रीम कोर्ट ठीक है तो हम चैप्टर फोर पढ़ रहे हैं हाई कोर्ट क्या है ये किसी चैप्टर का पार्ट नहीं है पार्ट सिक्स का पार्ट है हम दोनों को साथ में पढ़ेंगे ठीक है चलो इनागरल सेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कब हुआ था भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था और ज़रा कमेंट में ही बता देना लोकसभा राज्यसभा का कब पहली इनकी मीटिंग हुई थी मीटिंग पहली कब हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट का 28 जनवरी को इनाग्रल सेशन हुआ था और लोकसभा इनकी मीटिंग हुई थी दोनों की एक ही दिन 13 मई उन्नीस में 1952 में लेकिन और हिंदी नेम कब अडॉप्ट था नाइनटीन में लेकिन लोकसभा का जो एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको कब गठन किया गया था इस्टैब्लिश कब किया गया था तो ये ध्यान रखना सत्रह अप्रैल सेवनटीन अप्रैल नाइनटीन फिफ्टी टू को इस्टैब्लिश ठीक है विच आर्टिकल ऑफ़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स एट द सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा किस पर्टिकुलर आर्टिकल ने बोला था तो सुप्रीम कोर्ट के हम सारे आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो याद करेंगे क्या आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं तो हमने ये पढ़ा है चीज़ क्या कि 124 से लेके 147 बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की हाँ जी तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं 124 बोलता है स्टैब्लिशमेंट कोई भी जो पहला आर्टिकल होगा वो उसके ऑब्वियस बात है उस ऑफिस के स्टैब्लिशमेंट की बात करेगा तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वन अनुच्छेद एक सौ किसकी बात करेगा सैलरी की बात करेगा सैलरी ऑफ जजेस की बात करता है ये 126 की अगर बात करेंगे तो अपॉइंटमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सी आई आर्टिकल वन ट्वेंटी सेवन अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस एड हॉक जजेस वन ट्वेंटी एट अभी मैं बताऊंगा याद कैसे रखना और ये हैं क्या मतलब इनके जैसे कि एक्टिंग सी का मतलब ये है कि अगर मान लो कि सी जी आई जी टेम्परली अभी एबसेंट हैं तो टेम्प्ररी तौर से कोई अगर एक्ट करेगा उनके बिहाफ पे तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एडहॉक जज एडहॉक का मतलब ही अभी देखा था टेम्प्ररी होता है तो अगर मान लो कि कोरम नहीं है जजेस का तो उस केस में किसी को बुलाया जा सकता है हाई कोर्ट से किसी जज को कोरम मीट करने के लिए ठीक है यहाँ पे क्या ये रिटायर्ड जज जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो सकते हैं उनको किसी प्रोसीडिंग के लिए बुलाया जा सकता है 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी आ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये बोलता है ठीक है 130 जो है ये सीट सुप्रीम दिल्ली को एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है कि सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली होगी और किसी अन्य जगह को किसी अदर प्लेस को अगर सीट डिक्लेयर करना है डेली का अदा सॉरी सुप्रीम कोर्ट का तो वो पावर जो है हमारे किसके पास होता है वो सी के पास पावर होता है जो प्रेसिडेंट की वो सहमति लेके किसी अन्य जगह को सीट डिक्लेयर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट की तो कैसे याद करेंगे सा... 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 सार्क ठीक है इस तरह से याद कर लो नहीं ऐसे याद कर लो जैसे 124 तो इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करेगा ना यहाँ से याद कर लो सैलरी सार्क हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है ना सार्क करके साउथ एशिया का तो सार्क ए से सैलरी ए से अपटिंग सी जी आई ए से एडॉक्ट जजेस आर से रिटायर्ड जजेस सी से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सार्क कंट्रीज को हमने एक सीट ऑफर करी है सुप्रीम कोर्ट में ठीक है तो सीट ठीक अब बाकी के आर्टिकल जैसे वन थर्टी वन ये भी अभी याद कर रहे हैं कि टेंशन क्या ले रहे हो तो आर्टिकल नंबर सी वन ट्वेंटी बाकी की तो मैं याद करना है ना वन One... अभी आगे क्वेश्चन होंगे बताएंगे ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द एनसीलरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के एंसिलेरी पावर से कौन सा आर्टिकल आपका डील करता है तो 150 लो भैया सुप्रीम कोर्ट से तो डील ही नहीं करता है 124 से लेकर एक के बीच में है एक सौ ये एडवाइजरी जो रिस्ट्रिक्शन है बता दें क्या चलो बता देंगे अभी आर्टिकल 140 फोटी आपका एंसिलेरी एंसिलरी पावर का मतलब होता है कि लेजिस्लेचर सुप्रीम कोर्ट को कोई को एक्स्ट्रा पावर दे सकता है किसी मैटर में उसको एंसिलरी पावर बोलते हैं ठीक है ठीके? क्लियर मेनली जो है वो क्या करता है प्रेसिडेंट देता है एंसिल पावर्स पार्लियामेंट बैक करता है उसको ठीक है अब बात कर लेते हैं बाकी आर्टिकल की पहले आंसर करते रहो जब अगर खत्म हो जाएंगे क्वेश्चन नहीं होगा उसमें तो मैं बता दूंगा ठीक है सारे जो इंपॉर्टेंट वाले हैं समराइज उनको फिर से कर लेंगे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल तो अपॉइंटमेंट इनकी किस आर्टिकल के तहत होती है टू सेवेंटीन वन ट्वेंटी फोर क्लस टू वन टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी है यार ये ठीक है सी में देख रहे हो और सी पी ओ में डेली पुलिस दोनों में पूछा गया है वन ट्वेंटी फोर ही होगा ना सिंपल टू ट्वेंटी फोर तो डील ही नहीं करेगा इससे टून सेवनटीन भी नहीं एट्टी सेवन टू होम द कैन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एड्रेस हिज और हर रेजनेशन लेटर किसको देगा रेजिग्नेशन तो ये रेजिग्नेशन और एक चीज तुम्हें मुझे तुम मुझे बताओ कि जो गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है गवर्नर को शपथ कौन दिलाएगा ज्यादा जल्दी से तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन होगा टू होम जज रेजिग्नेशन देगा प्रेसिडेंट को ठीक है चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे हाई कोर्ट का जज हो प्रेसिडेंट ही दिलाएगा हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट और सुप्रीम कोर्ट की जज की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है इसीलिए दोनों रेजिग्नेशन इसी को देंगे प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट के सी को ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट दिलाते हैं लेकिन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट नहीं दिलाएंगे गवर्नर दिलाएंगे और गवर्नर को ओथ दिलाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट समझ में आ गया ठीक ये कौन दिलाएगा गवर्नर अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को देंगे जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी उसी को इस्तीफा दिया जाएगा वो तो एक छोटा काम होता है तो वो चीफ जस्टिस भी कर सकता है ठीक है तो कोर्ट के जजेस को ओथ दिलाने काम गवर्नर गवर्नर को चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट डिसीजन ऑफ दिवन बाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू तो बाइंडिंग होता है याद रखो एक और एक ने चार को बाइंड करके रखा हुआ है बांध के रखा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला सारे इंडियन कोर्ट में बाइंडिंग होगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चलो हाई कोर्ट शुरू हो गया तो मुझे आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताने होंगे देखो एक सौ तक सुप्रीम कोर्ट को साठ की सीट ऑफर करती थी 131 डील करता है अपीलीय सॉरी क्या बोल रहा हूं करता है ओरिजिनल जुरेस्ड्रिक्शन से डील करता है मूल क्षेत्राधिकार ओरिजिनल जुरेस्ट्रिक्शन क्या है यह वो जुरेजिक्शन है जिसके तहत स्टेट्स आपस में लड़ते हैं या फिर सेंटर और स्टेट के बीच में झगड़ा होता है जैसे कि अभी पिनराई विजन गए सुप्रीम कोर्ट सेंटर के ख़िलाफ़ तो किस आर्टिकल का यूज़ करके गए हैं वो इसी का यूज़ करके गए हैं तो लड़ाई जो होती है इन लोगों के बीच में वो इससे होती है ठीक है ये लोग भी आपस में लड़ते रहते हैं ठीक है तो इंसानों से मतलब हम लोगों से ज़्यादा जा ही लड़ते हैं वन इन तीनों आर्टिकल में क्या दिया वन थर्टी थ्री में अपीलीय क्षेत्र अधिकार दिया हुआ है अपीलेट जुरिस्डिशन दिया हुआ है एक सौ बत्तीस में ठीक है फिर अगर बात करें जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ 137 में ठीक है 137 में दिया हुआ है किसके बारे में जुडिशियल रिव्यू लेकिन कहीं पे भी इस जुडिशियल रिव्यू शब्द का जिक्र नहीं है संविधान में उसमें यह लिखा हुआ थर्टी सेवन में रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाई सुप्रीम कोर्ट बस इतना लिखा हुआ है उसमें ठीक है इसके बाद तुम्हें याद करना है न, 137 के बाद 141, 142, 143. 141 तो बता दिए ना मैं आपको बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट वन फोर्टी टू देखो क्या है वन फोर्टी टू में बस ध्यान रखना कंप्लीट जस्टिस इसकी वर्ड को मत बोलना ये पक्का होगा उसमें इसका मतलब क्या है इसमें यह है कि टू डू यानी सुप्रीम कोर्ट कैन सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी डिक्री और ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर कोई भी मान लो मैटर हो गया कोई भी चीज हो गया हमारे कंट्री में तो उसमें कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट फ्रंट फुट पे खेल सकता है और कोई भी डिसीजन फैसला सुना सकता है एंड वन फोर्टी थ्री इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट टॉक्स अबाउट दी आगे एक खाली जगह है क्या हाँ आर्टिकल 143 फोर्टी थ्री टॉक्स अबाउट दी एडवाइजरी यानी कि एडवाइजरी जो का मतलब होता है सलाहकारी क्षेत्राधिकार जहां पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कोर्ट जाता है सलाह लेने के लिए और जो भी सलाह मिलती है वो बाइंडिंग नहीं होती है प्रेसिडेंट पे दो मैटर पे सलाह लेने जाता है एक तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी से अगर कोई मैटर राइज हो रहा है ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ समझ में आए तो ठीक नहीं तो इतना ही याद रखना कि एडवाइजराइजेशन है और एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती है और दो मैटर वाली चीज़ समझ में आए तो ठीक नहीं तो स्किप मारो तो दो मैटर होते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी और जनरल मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी वाले में सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी ही पड़ेगी और जनरल मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले में जरूरी नहीं कि एडवाइस दे वो लेकिन जो भी एडवाइस देगा प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है कौन से पर्टिकुलर केस में बेसिक स्ट्रक्चर निकल 89th के आया था एट्टी नाइन्थ क्वेश्चन अब आखिरी के दस क्वेश्चन बाकी है हमारे ठीक है तो बेसिक स्ट्रक्चर किस पर्टिकुलर पर्टिकुलर उसमें निकल के आया था बेसिक फीचर फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो ये निकल के आया था के फेमस केशव नंदा भारती केस में उन्नीस में जो हुआ था ये कहीं पे भी संविधान में लिखा हुआ नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है बाय दी पार्लियामेंट लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बिना डिस्ट्रॉय किए हुए बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है तो बेसिक स्ट्रक्चर में जुडिशल इंडिपेंडेंस है जुडिशियल रिव्यू है जो तो हमने फीचर्स लिए हैं कहाँ से लेकिन एक बात ध्यान रखियो कि जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ना इंटीग्रेटेड जुडिशरी जिसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारे कोर्ट हमारे इंडिया में कितना टीयर ऑफ कोर्ट सिस्टम है तो थ्री टीयर कोर्ट का सिस्टम चलता है तीन टीयर तीन स्तरी हैं एक तो सुप्रीम कोर्ट जिनको सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट उच्च न्यायालय और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इन्हीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर में आपकी वो सेशन कोर्ट और आ, सिविल कोर्ट आती हैं वो ठीक है या फिर इनको हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट ही बोल देते हैं ठीक है सब ऑर्डिनेट कोर्ट में आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती हैं सेशन कोर्ट आती हैं सेशन कोर्ट वो होती हैं जो क्रिमिनल मैटर से डील करती हैं ठीक है तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए तो के केस में क्या हुआ था यही बोला था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंट कर सकते हो लेकिन बेसिक फीचर फ्यचर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं तो जो भी चीज़ फेडरल करेक्टर को एक्सप्लेन करती हैं जो भी चीज़ें फेडरल करेक्टर को जैसे कि मैंने आपको बताया बेसिक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया जुडिशल इंडिपेंडेंस हो गया फेडरल करेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया सेपरेशन ऑफ पावर यानी सख्तियों का बंटवारा हो गया आर्टिकल 50 याद करो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव पढ़े थे आर्टिकल 50 में वो हो गया आपका यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ कंट्री हो गया सॉवर्निटी ऑफ कंट्री हो गया तो ये बेसिक फीचर इसको डिस्ट्राइय नहीं कर सकते हैं गोलकनाथ में बोला था कि पार्लियामेंट अमेंड कर ही नहीं सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को मिनरवा मिल में ये बोला था कॉन्स्टिट्यूशन ने कि ना तो फंडामेंटल राइट ऊपर है ना तो मौलिक अधिकार ऊपर है और ना तो डी ऊपर है द उसने बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द एफआर एंड द डीपीएसपी यानी दोनों बैलेंस में एग्जिस्ट करते हैं एफआर एंड डीपीएसपी बोथ क्लियर है 1973 में एक केस हुआ था एनडीसी से याद करो मतलब यहाँ पे तो नहीं पढ़ा मैंने ट्वेंटी फोर्थ ट्वेंटी फिफ्थ अमेंडमेंट पढ़ा होगा नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम तो ये तीन टीयर का कोर्ट होता है हमारा ठीक है बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए कि क्या एलिजिबिलिटी पढ़ ही लेते हैं आगे क्वेश्चन होना तो चाहिए शायद चलो नहीं है तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं तो मिनिमम एज नहीं होती है पहली बात तो ध्यान रखना ठीक है मैक्सिमम होती है वो हम पढ़ेंगे अभी तो एलिजिबिलिटी मिनिमम एज तो कुछ नहीं है सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का और पाँच साल जज हो किसी भी पाँच साल या तो अगर आप जज रहो किसी हाई कोर्ट में या फिर दस साल तक एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट में या फिर तीसरी है और है सारी होने की जरूरत नहीं इनमें से कोई एक या फिर आप राष्ट्रपति की नज़रों में एक डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट हो यानी कि जुडिशरी की नॉलेज रखने वाले या फिर अच्छी जुडिशरी की नॉलेज रखने वाले आदमी होने चाहिए अब जुडिशरी डिस्टिंग्विश जुरिस्ट होने चाहिए हाई कोर्ट के केस में अगर बात करें तो वही दस साल तक अगर आप एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट या फिर कहीं भी आपने जुडिशरी सर्व किया हो दस साल तक एज एन एडवोकेट डिस्टिंग्विश जुरिस्ट वाला यहाँ पर नहीं है ठीक है दस साल वाला एडवोकेट वाला है और ये यहाँ पर वो मत कर देना पाँच साल जज रहा हो कोर्ट में जज की बात हो रही है ठीक है और सब कोर्ट में ये होता है कि सात साल तक आप जुडिशल सर्विस दिए हो तो सबॉर्डिनेट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बन सकते हो अब हाई कोर्ट हमने आपको बताया था जिस तरह से गवर्नर शेयर हो सकते हैं उसी तरह हाई कोर्ट भी शेयर हो सकता है और हमारा सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताता है सातवां संविधान संशोधन बताता है कि हाई कोर्ट भी शेयर हो सकते हैं तो अंडमान निकोबार जो है अपना हाई कोर्ट लगाता है किसके साथ कैलकाटा के साथ ठीक है ध्यान रखना हमारे काफी सारे हाई कोर्ट शेयर होते हैं जैसे अंडमान निकोबार का जो हाई कोर्ट है वो लगता है कैलकटा में जो लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है वो लगता है कहाँ पे ये केरल के केरल केरल कोर्ट में ठीक है जो पुडुचेरी जो पुडुचेरी है आपका ठीक है जो पुडुचेरी आपका उसका लगता है मद्रास हाई कोर्ट में ठीक है पुडुचेरी का मद्रास हाई कोर्ट में लगता है यहाँ पे दादर नगर हवेली दमन दीव है ये गोवा है ये महाराष्ट्र का इन सब का महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में ही इनका सबका लगता है ठीक है तो ये हाई कोर्ट शेयर हो सकता है सेवंथ अमेंडमेंट ने बोला था ठीक अगला क्वेश्चन है अ जज ऑफ़ हाई कोर्ट रिटायर्स एट द एज ऑफ हाई कोर्ट का जज कब किस एज में रिटायर करता है तो सिक्सटी की एज में सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर करता है और सिक्सटी की एज में हाई कोर्ट का जज रिटायर करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है और जरा बताइए कि कौन से एक्ट ने जो हम एक्ट पढ़ते हैं ना वो रेगुलेटिंग एक्ट वो सब तो किस एक्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा इस्टेब्लिश करने की बात कही थी एक्ट हुआ मॉडर्न हिस्ट्री वाली क्लास में देखेंगे तो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट हमारा कैलकाटा का हाई कोर्ट 1862 में इस्टेब्लिश हुआ था यहाँ तक कि मद्रास का और बॉम्बे का भी मद्रास और बॉम्बे का भी 1862 में ही हुआ था बट फिर भी अगर वो भी ऑप्शन में होगा तो भी आंसर कैलकाटा ही होगा क्योंकि फिर भी कलकत्ता ही कुछ महीने पहले बना था और 1866 में बना था अलाहाबाद का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो कलकत्ता में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था और हाई कोर्ट की पहली महिला जज का नाम बता दीजिए और पहली महिला चीफ जस्टिस का नाम बता दीजिए अब आते हैं अपने सेकेंड लास्ट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्ट्टिट्यूशन बॉडीज पर सिर्फ दिमाग हैंग कर रहा है अच्छा फिर सर यहाँ हावड़ा में बारिश हो रही है काल बैशाखी आने वाली है बिल्कुल आदर्श हाँ सबका सही है ठीक है और क्या मैंने पूछा था तो लीला सेठ सुप्रीम कोर्ट, आ, कोर्ट, हाई, हाई, कोर्ट आ, और, हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस हिमाचल हाई कोर्ट की है ना इन्हीं के बेटे कौन है विक्रम सेठ जी सूटेबल बॉय के ऑथर और एना चांडी कोर्ट की पहली महिला जज दिल्ली हाई कोर्ट में बनी थी है. और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी जिनको पद्मश्री अभी मिला और चीफ जस्टिस अभी तक नहीं रही है कोई महिला ठीक है हाँ जी आनंद ओहो आनंद आप यहाँ यहाँ आनंद ले रहे हैं आज आप हैं हाँ वहाँ पे आनंद आज मिल नहीं पा रहे ना आज देखते हैं अगर सी डी एस वाली क्लास अगर पॉसिबल हो पाता है तो शाम को लेते हैं ना क्योंकि ये क्लास अभी और लगी है आई थिंक चार साढ़े चार बजे से उसके बाद फिर देखते हैं ना अगर टाइम मिलता है तो तो आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन पे आर्टिकल सेवेंटी सिक्स बताइए जिसको हम छोड़ के आए थे बेचारा वहाँ पे इसको मतलब काफ़ी ऐसा लग रहा था हमारे साथ भेदभाव हो गया आर्टिकल वन ट्वेंटी थ्री वाला क्वेश्चन तो मैंने रखा था गायब कैसे हो गया यार ये आर्टिकल वन ट्वेंटी थ्री नहीं पढ़ा हम लोगों ने उसको पढ़ना पड़ेगा ठीक है जो कि चैप्टर थ्री ऑफ पार्ट फाइव में आता है तो आर्टिकल नंबर वन ट्वेंटी थ्री में किसकी बात करता है ये अध्यादेश की बात करता है ऑर्डिनेंस पावर की बात करता है वॉट इज ऑर्डिनेंस तो इट इज टेम्प्ररी लॉ मेकिंग टेम्प्ररी लॉ मेकिंग पावर ऑफ गिवन टू प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट इन अंडर आर्टिकल वन ट्वेंटी थ्री एंड अंडर आर्टिकल टू वन थ्री एक दो को रिवर्स कर दो अक्षय कुमार की तरह दो आगे और एक इधर ठीक है तो ये ऑर्डिनेंस की पावर देता है अध्यादेश जारी करने की गवर्नर को और ये देता है प्रेसिडेंट को अध्यादेश होता क्या है अगर लोकसभा या राज्यसभा या दोनों इन द केस ऑफ सेंटर इन द केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल या दोनों अगर हाउस सेशन में नहीं है उस समय तो उस केस में ये दोनों लॉ ला सकते हैं या फिर कोई एक लॉ बना सकते हैं जिसकी कि मैक्सिमम जो मैक्सिमम लाइफ हो सकती है वो छः महीने और छः हफ्ते हो सकती है इसके पीछे के रीज़न में मतलब तुम जाओ नहीं तो फिर फालतू में इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है बस ध्यान रखना अगर मैक्सिमम कभी एज पूछ ले कि अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया प्रेसिडेंट के 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 ऑर्डिनेंस uh, को तो उसकी मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है तो छः महीने छः हफ्ते हो सकती है मैक्सिमम अगर अप्रूव नहीं किया तो अप्रूव कर दिया तो कोई बात ही नहीं है अगर सेशन में आने के बाद ठीक है और एक केस रिलेटेड ऐसे सी डी एस में पूछा गया तो एस सी में तो कभी नहीं पूछा गया डी सी वाधवा केस जो से रिलेटेड है ठीक है तो देख लो अब आते हैं टॉपिक कॉन्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज अब ये कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्ट्यूशन बॉडी होती है तो कॉन्स्टिट्यूट बॉडीज़ वो होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिटुएंसन है ठीक है यानी कि ये जिनका संविधान में कोई ना कोई आर्टिकल है तो उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन होती हैं दो तरह की होती हैं या तो वो स्टैट्यूटरी होगी या तो वो नॉन स्टैट्यूटरी होगी स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी वो होती है जो लॉ के थ्रू कोई एक एक्ट लाया गया था उसके थ्रू बनाया गया था तो स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी वो होती है जो एग्जीक्यूटिव इसको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी बोल देते हैं जो ना तो आर्टिकल मैंशन है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो किसी लॉ के थ्रू बनाई गई है इसमें बस एक सरकार का मन हुआ तो उसने बना दिया एग्जाम्पल इसमें मैं कोर्ट करूँगा नीति आयोग को इसमें अभी हम इस पढ़ेंगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ के तो एग्जाम्पल के तो क्या ही कहीं नहीं तो आर्टिकल सेवेंटी सिक्स में दिया हुआ है अटॉर्नी जनरल मान्यावादी के बारे में ये होता कौन है ये बहुत बड़ा वाला वकील होता है हाइस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का ठीक है हाइएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री सरकार का वकील होता है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट और उसके प्लेजर तक सर्व करता है प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है रिटायर होने के बाद ऐसा नहीं है कि नहीं तो फिर कोई बनना ही नहीं चाहेगा कोई वकील ठीक है प्राइवेट प्रैक्टिस ठीक है अभी हरीश सालवे जैसे थे हमारे है ना ठीक है उससे मतलब पहले थे अभी तो अटॉर्नी जनरल कौन है हमारे आर वेंकट रमणी है आर वेंकट रमणी पहले कौन थे ज़रा बताइए कमेंट में जो हमारे पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन भी थे पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन मैकुले था लेकिन वो इंडिपेंडेंस से पहले था अभी कौन है अभी लॉ कमीशन के चेयरमैन कोई नहीं है ऋतुराज अवस्थी जी ने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि लोकपाल के मेंबर बन गए वो ठीक है तो अटॉर्नी जनरल अगर पहले बात करेंगे तो एम सी सेतलवाद जी थे पहले ठीक है तो सरकार का वकील होता है ये ठीक है फर्स्ट है इसी तरह होता है एडवोकेट जनरल एडवोकेट जनरल ये होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट जिस तरह केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है अटॉर्नी जनरल से राज्य सरकार का होता है ये एडवोकेट जनरल होता है ठीक है और ये आपका आर्टिकल किस में आता है आर्टिकल नंबर एक सौ पैंसठ वन सिक्सटी फाइव में आता है ये है ना और ही शुड बी क्वालिफाइड इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मेंशंस ऑफ द कैग 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 कौन है कैग वही है याद करो पार्ट फाइव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट फाइव में पांच चैप्टर बताए थे चार चैप्टर तो पढ़ लिए चैप्टर वन में यूनियन एग्जीक्यूटिव चैप्टर टू में पार्लियामेंट चैप्टर थ्री में ऑर्डिनेंस सॉरी हाँ चैप्टर थ्री में ऑर्डिनेंस चैप्टर फोर में सुप्रीम कोर्ट चैप्टर फाइव ऑफ पार्ट फाइव में आता है कैग अनुच्छेद एक सौ अड़तालीस आर्टिकल वन फोर्टी एट से वन फिफ्टी वन एंड देन इसके बाद स्टार्ट होता है पार्ट सिक्स जिसमें कि स्टेट के बारे में दिया हुआ है इसी में पार्ट सिक्स में गवर्नर हो गया स्टेट लेजिस्लेचर हो गया इसी पार्ट सिक्स में उनके बारे में मैंशनड है जो भी राज्य वाली चीज़ें हैं तो वो पार्ट सिक्स चालू होता है वन से तो क्या की बात करा ना सिंपल 150 148 352 तो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है अब देखो 148 बात करता है कि एक कैग होगा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल वन फोर्टी नाइन इसकी ड्यूटीज़ एंड पावर की बात करता है वन फिफ्टी फॉर्म ऑफ अकाउंट की बात करता है वन फोर्टी एट तो देख लिए वन फिफ्टी वन बात करता है ऑडिट रिपोर्ट्स की ध्यान रखना वन फिफ्टी वन ऑडिट रिपोर्ट की बात करता है और ऑडिट रिपोर्ट जो है अपनी ये राष्ट्रपति और राज्यपाल को देता है ठीक आगे बढ़ें अभी और अभी कैग हैं कौन जरा ये बता दीजिए और देश के पहले कैग कौन थे तो अभी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और पहले कौन थे वी नरहारी राव थे ठीक है पहले वी नरहारी राव थे और अभी कौन है गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं ठीक है और गाइड एंड फिलोसोफर कौन होता है इसका पब्लिक अकाउंट कमेटी आर्टिकल टू और एक चीज एक चीज एक चीज एक चीज एक चीज कि इट इज अ सिंगल मेंबर्ड बॉडी ये सिंगल मेंबर्ड बॉडी होती है हमारी और इसको हम गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते, है? गार्जियन नाम से जानते हैं गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स इसको बोलते हैं हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड भी बोलते हैं इसको ठीक क्लियर बात आर्टिकल 263 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू दबलिशमेंट ऑफ अनुच्छेद दो सौ तिरसठ इसके स्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड है तो ये है आपका इंटर स्टेट काउंसिल जिसका कि हेड कौन होता है प्राइम मिनिस्टर होता है लेकिन इसको कौन बनाता कौन है प्रेसिडेंट बनाता है जब भी ज़रूरत हो पड़ती है तब है ना सेंटर स्टेट के कॉर्डिनेशन को बेटर करने के लिए और सेंटर स्टेट के कॉर्डिनेशन को बेटर करने के लिए एक हाथ बहुत दर्द कर रहा है यार अरे भैया हाथ एकदम से बंद हो गया तो जरा बताओ कौन ये सरकारिया कमीशन है आपका कमीशन कब बना था जल्दी से बताओ सरकार कमीशन जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन को देखने के लिए बना था आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं बैकवर्ड क्लास कमीशन को जरा पढ़ लेते हैं रुको यार जरा मूव लगाते हैं थोड़ी मूव पास में रखते हैं कभी जरूरत पड़ जाए पता नहीं <laughs> चलो तो बैकवर्ड क्लास कमीशन की अगर बात करें तो देखो हमारे कुछ कमीशन होते हैं एक तो नेशनल कमीशन फ़ॉर एस है और आंसर आया आप लोगों की नहीं आया हाँ रितु मतलब यहाँ एक आदमी पढ़ा रहा है उतनी देर से कुछ पूछ रहा है ना हाँ रितु हैं कोई इज्जत है कि नहीं हमारी हाँ 1983 सही है 1983 नेशनल कमीशन फॉर एससी नेशनल कमीशन फ़ॉर एस और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस तो नेशनल कमीशन फॉर एस और एस पहले एक साथ ही हुआ करते थे आर्टिकल 338 में ये घुसे हुए थे दोनों फिर एक दिन क्या हुआ माया हमने पार्लियामेंट को बोला क्या भाई क्या चल रहा ये सब दोनों सब घुसे एकदम घुसड़म घुसड़ू टाइप किए हो अलग अलग करो इनको तो फिर यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ एटी नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेडमेंट और एटी नाइन्थ अमेडमेंट से इनको बाईफर्किएट किया गया थ्री में तो नेशनल कमीशन ऑफ फॉर एस रहा इसको मिल गया अपना आर्टिकल थ्री ए पहले ये ऑफिसर हुआ करते थे देन सिक्सटी नाइन्थ अमेंडमेंट से इनको कमीशन बनाया गया देन एट्टी नाइन्थ अमेंडमेंट से इनको बाईफर किया गया थ्री थर्टी एट ए में एंड देन ये थ्री थर्टी एट बी में ये है ये किस अमेंडमेंट से ये किस अमेंडमेंट से सौवा जो अमेंडमेंट है वो जी एस टी को लेके हुआ था ठीक है सॉरी सौवा तो उसका हुआ था आपका वो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट एक सौ सौ हुआ था जी को लेकर और ये एक सौ दो हुआ था आपका नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास से ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बना था थ्री थर्टी एट भी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आर्टिकल है उसका कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यू के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है है सॉरी ये फाइनेंस कमीशन होगा ठीक है

रिकमेंडेशन मेड बाई द फाइनेंस कमिश्नर बाइंडिंग ऑन मैंने आपको बोला है कि बाइंडिंग कभी नहीं होगा एडवाइस ठीक है तो गलत टू एट्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमिश्नर ये भी गलत है तो अगर आपने ऑल इंडिया मॉक लगाया है पिछले से पिछड़ा आई थिंक तो उसमें क्वेश्चन डाला गया था अगर आपको याद हो तो तो वहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन अगर पढ़े हो गए तुम तो तुमने तुमने देखा होगा वहाँ पे मैंने क्योंकि खुद लिखा था तो मुझे पता है आर्टिकल 281 अनुच्छेद 281 में रिकमेंडेशन है 280 तो फाइनेंस कमीशन की बात करता है कि देर शुड बी अ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ठीक है जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है कि किस तरह से फंड्स डिवॉल्व होने चाहिए फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स एंड स्टेट्स टू फर्दर लोकल बॉडीज तो यहाँ पर ए ओनली सही आंसर होगा क्लियर इतनी बात ठीक है तो दो, दो सौ अस्सी में फाइनेंस कमीशन के बारे में वन प्लस फोर होता है एंड चेयरमैन की वैसे तो इसकी जो क्वालिफिकेशन्स हैं वो पार्लियामेंट ने डिसाइड कर रखी हैं वैसे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं थी और चेयरमैन शुड बी अ पर्सन हैविंग अ नॉलेज इन पब्लिक अफेयर्स पब्लिक अफेयर्स में नॉलेज होना चाहिए और अभी हमारा सिक्सटीथ फाइनेंस कमीशन सेटअप होगा जिसके चेयरमैन हो के अनाउंसमेंट हो चुके जरा बताइए सिक्सटीनथ फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन बने और पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज वॉच डॉग देखता हुआ कुत्ता है एक बार हमसे लड़के ने पूछा जब हम तैयारी के बोलता है भाई ये वॉच डॉग क्या होता है हमने भाई जब कुत्ता होता है जो देखता रहता है तो उसको बोलते हैं वॉच डॉग तो ज़्यादा देखा मत करो फ्री एंड फ्री फेयर इलेक्शन इन द कंट्री डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट तो बताइए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस में है तो जो सिक्सटीन फाइनेंस कमीशन है तो अरविंद पनगड़िया जी बने इसके चेयरमैन फर्स्ट थे हमारे के सी नियोगी जी है ना? के सी नियोगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये है आपका प्रेसिडेंट रूल ठीक है थ्री ट्वेंटी फोर आर्टिकल तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये है आपका पार्ट नंबर फिफ्टीन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 324 से लेकर तीन के बीच में दिया हुआ है एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन काम क्या होता है ये देखता है क्या इलेक्शंस करवाता है किस किस के इलेक्शन करवाता है तो ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मैं समझाता हूँ यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा लेजिस्लेटिव असम्बली लेजिस्टिव काउंसिल प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ख़त्म ठीक है बस ध्यान इतना रखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट जो स्टेट का जो लोकल बॉडीज़ होते हैं लोकल बॉडीज़ होते हैं उसके चुनाव नहीं करवाता है पंचायत और नगर पालिकाओं के पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाता है स्टेट का इलेक्शन कमीशन लेकिन तुम कंफ्यूज ऐसे होगे कि अगर पूछ लूँगा मैं कि राज्य के विधानसभा और विधान, विधान परिषद चुनाव कौन करवाता है और ऑप्शन में रख दूँगा राज्य का विधान राज्य का इलेक्शन कमीशन तो तुम राज्य वाला लगा दोगे नहीं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन फिर पंच सिर्फ पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाता है ठीक है तो ये आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए क्या क्या आर्टिकल में क्या दिया हुआ है ठीक है थ्री ट्वेंटी फोर में इनके सपरेंस डायरेक्शन कंट्रोल के बारे में दिया हुआ है नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन दी ग्राउंड इट्स रिलीजन में किसी को इलेक्टोरल इलेक्टोरल रोल का मतलब है जो चुनाव देने के योग्य होते हैं तो मिनिमम एज कितनी है मिनिमम एज अट्ठारह है पहले कितनी होती थी ट्वेंटी वन होती थी और अभी कितनी हो गई है एट्टीन हो गई है किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से ज़रा कमेंट में बताइए और आगे बढ़ने से पहले बाकी चीज़ें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में वन प्लस टू होता है मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और दो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे ये राजीव कुमार जी हैं अभी पहले कौन थे फर्स्ट हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन और अभी कौन है राजीव कुमार जी हैं और अभी दो नए इलेक्शन कमिश्नर बने तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तो हमारे एस एस संधू हैं एक तो एस एस संधू जी बने हैं और एक कौन बने हैं बताइए जल्दी से जी से नाम उनका चालू होता है ज्ञानेश कुमार जी ठीक है ज्ञानेश कुमार जी जो बने हमारे क्या इलेक्शन कमिश्नर ठीक है और ये जो है मल्टी मेंबर्ड बॉडी है साफ साफ दिख रहा है तीन लोग हैं इसमें तो कब बना था यह मल्टी मेंबर्ड बॉडी 1989 में क्योंकि 1988 में अमेंडमेंट हुआ था सिक्सटी फर्स्ट अमेंडमेंट जिससे कि वोटिंग एज घटा वोटिंग एज को कम कर दिया गया था तो बहुत लोग वोट डालने लगे तो इसलिए काम बढ़ गया तो ये हुआ इस दिन ठीक है क्लियर और पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ लेजिस्चर तीन सौ सत्ताईस पावर ऑफ़ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मेक ये तीन सौ अट्ठाईस और बार टू इंटरफेयरेंस यानी कोर्ट इनमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है एक सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ बुरा मत मानना है तुम लोग ठीक है हमारे कानपुर में मतलब पता नहीं लोगों को कम सा एक मतलब बीमारी छाई है मतलब कुछ भी बोलेंगे बुरा मत मानिएगा भाई साहब गलत कह रहे हैं भाई साहब गलत कह रहे हैं बुरा मत मानिएगा बुरा <laughs> हर बात पे कुछ लोगों की आदत होती है यहाँ पे बाकी जगह मुझे पता नहीं है लेकिन हमारे कानपुर में काफ़ी ज़्यादा आई है बुरा मत मानिएगा भाई साहब एक बात तो है गलत कह रहे हैं भाई साहब <laughs> और ये चीज़ें अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे ना तो वहाँ पर आपको बड़े इस तरह के लोग मिलेंगे गलत कह रहे हैं भाई साहब अभी तू गलत ही कह रहा है ठीक है तो 1989 अब यहाँ पे मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा था mm -hmm. एक चीज़ पूछना चाह रहा था दैट इज़ कि इलेक्शन डिस्प्यूट कौन देखता है इलेक्शन डिस्प्यूट कौन देखता है uh, जो हमारे ये विधायक और सांसद लोग होते हैं एमपीज और एम के और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन डिस्प्यूट कौन देखता है ओ हो 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 नाइन्टी क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप लोगों को अच्छा ये इफेक्ट ऑफ वेब सीरीज वेब सीरीज कौन किसी वेब सीरीज में नहीं है वेब सीरीज तो नहीं वेब सीरीज तो अभी आना स्टार्ट बहुत पहले से ही है बुरा बुरा मान <laughs> बात <बुलका। laughs> बुरा मान बात पता चल गया आप कानपुर से अब पता चला तुम्हें सुबह विच पार्ट ऑफ विच पार्ट एंड आर्टिकल ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द यूपीएससी तो यूपीएससी है हमारा पार्ट नंबर फोर्टीन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट फिफ्टीन में इलेक्शन कमीशन है पार्ट फोर्टीन में यू है आर्टिकल तीन सौ पंद्रह थ्री फिफ्टीन से लेके थ्री ट्वेंटी थ्री के बीच में दिया हुआ है और अगर हम बात करें यहाँ पे कि कौन सा आंसर होगा हैं पार्ट टेन में तो यार ये नहीं है पार्ट एट में तो आपका यूटीज़ है देन पार्ट नाइन ए पंचायत है इसमें आपका वो है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज ठीक है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ है ठीक है पार्ट नंबर एलेवेन में अगर बात करूँ तो रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बीच में रिलेशन दिए हुए हैं किस में एलेवन पार्ट में पार्ट नंबर सेवेन में सॉरी एट में तो यूटीज़ दिया हुआ है पार्ट नंबर फोर्टीन में दिया हुआ है आपका लेकिन ये आर्टिकल तो गलत है यार इसमें ठीक है ठीक ठीक पार्ट नंबर फोटीन में होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा ठीक है यहां पे इलेक्शन डिस्प्यूट देखता है हाई कोर्ट और यहां पे देखता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में सुप्रीम कोर्ट और ये इसका ओरिजिनल जो है जब भी मैं ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव बोलूँ ओरिजिनल का मतलब है कि सिर्फ वही देख सकता है नहीं नहीं एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ वही देख सकता है ओरिजिनल का मतलब है कि आप फर्स्ट इंस्टेंस पे वहाँ पर जा सकते हैं बिना अपील किए हुए और इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ ठीक है जब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइनटीन थर्टी फाइव से लिया है जुडिशल इंडिपेंडेंस और जुडिशल रिव्यू वो लिया है यू एस ए से ठीक है तो ये देखना है कौन इलेक्शन डिस्प्यूट देखता है क्या मैं यहाँ पे बात कर रहा था ठीक है पार्ट फोर्टीन और ये आपके वो आर्टिकल्स हैं पार्ट फोर्टीन ए में क्या दिया हुआ ये भी बता दो जरा पार्ट फोर्टीन ए में और एक चीज़ ध्यान रखना इन इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट कौन करता है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति करता है और इनका छः साल या पैंसठ साल मैक्सिमम टेन्योर होता है ठीक है और इनको हटाया कैसे जाता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है वैसे ही हटाया जाता है जज को कैसे हटाया जाता है जज को हटाने की प्रक्रिया थोड़ी सी पार्ल प्रेसिडेंट की तरह सिमिलर ही है इसका पूरा इं, जजेस इंक्वायरी एक नाइनटीन में प्रोसीजर लिखा हुआ जिसके तहत अगर लोकसभा और राज्यसभा क्योंकि पार्लियामेंट में ही रेजोल्यूशन आ सकता है इनको रिमूव करने का चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे हाई कोर्ट का तो लोकसभा में 100 मेंबर का साइन करके लाओ 50 मेंबर अगर राज्यसभा में ला रहे हो तो 50 मेंबर के सिग्नेचर ज़रूरी है देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाएगा अगर उसने बोल दिया हाँ तो एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी उसने भी बोल दी हाँ तब स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउस में अगर पास हो गया तो राष्ट्रपति हटा देगा राष्ट्रपति ठप्पा मार देगा एक तरह से और हमने प्रोसीजर यूएसए से लिया है ठीक तो पार्ट फोर्टीन ए आपको बताना क्या है ये आपका पार्ट फोर्टीन है तो आर्टिकल और क्या कुछ तो नहीं छूट रहा है थ्री फिफ्टीन में क्या दिया हुआ पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में दिया हुआ यूपीएससी और स्टेट ध्यान रखना ऐसा मत समझना कि स्टेट का पी एस सी अलग आर्टिकल में यूपीएससी स्टेट पी एस सी दोनों इसी में ही पार्ट फोर्टीन में है बस होता ही है कि यूपीएससी के जो चेयरमैन मेंबर्स उनका कार्यकाल छह साल या पैंसठ साल होता है यहाँ पे कार्यकाल होगा हम्म छ साल पैंसठ साल होता है और जो स्टेट पी एस सी का होता है वो छः साल बासठ साल होता है सिक्स सिक्सटी टू और एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा अपॉइंटमेंट कौन करता है प्रेसिडेंट रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन कोई रेजोल्यूशन नहीं पास होगा पार्लियामेंट में इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है प्रेसिडेंट आराम से वैसे प्रेसिडेंट ही हटाता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को लेकिन अपने मन से नहीं जब एक पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करेगा यहाँ पे प्रेसिडेंट आराम से हटा सकते हैं यहाँ पर रेजोलूशन की जरूरत नहीं होती है थ्री एटीन पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू कंडीशन ऑफ सर्विस कंडीशन ऑफ सर्विस दिया हुआ है यहाँ पे और ध्यान रखना ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना दो या दो से राज्यों का वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है ये स्टैट्यूटरी है संवैधानिक निकाय है जिसको कि लॉ के थ्रू बनाया गया पार्लियामेंट एक कानून लाई थी लॉ बन थी उसके थ्रू बनाया जाता है जे पी एस सी को ठीक है प्रोहिबिशन एज टू दी होल्डिंग ऑफ ऑफिस ऑफ बाई मेम्बर्स ऑफ कमीशन ठीक है सीजिंग टू बी सच मेंबर्स यानी कि अगर आप मान लो यू के मेम्बर हो ना तो आप यू के चेयरमैन बन सकते हो आगे जाके कभी भी मेम्बर नहीं बन सकते हो आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में मान लो यूपी के पब्लिक सर्विस कमीशन में आप मेंबर हो तो आप यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हो आप यूपीएससी के मेंबर बन सकते हो या फिर उसके चेयरमैन लेकिन आप नीचे वाले पोस्ट में जैसे आप मान लो स्टेट पी के चेयरमैन हो तो अब आप यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन बन सकते हो लेकिन स्टेट पी का फिर से चेयरमैन और मेंबर नहीं बन सकते हो उस पोस्ट पर उससे नीचे पोस्ट पे तुम नहीं जा सकते हो उससे ऊपर जाना पड़ेगा फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन दिया हुआ है और ये आपका एक्सपेंसिस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन थ्री में दिया हुआ है ठीक चलिए तो पार्ट फोर्टीन ए में क्या दिया हुआ है इसको फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट से जोड़ा गया था और इसमें ट्रिब्यूनल्स दिए हुए हैं क्या दिए हुए हैं ट्रिब्यूनल दिए हुए हैं ट्रिब्यूनल मतलब कि जो कोर्ट काम नहीं करती है तो अलग जैसे वाटर ट्रिब्यूनल बना दिया तो वाटर का जो भी डिस्प्यूट होगा वो वाटर का ट्रिब्यूनल देख लेगा तो ऐसे ही दो ट्रिब्यूनल हैं एक ए तीन तो आखिरी है ना आर्टिकल यू पी पब्लिक सर्विस कमीशन का तो उसके बाद शुरू होगा ना और ये तो इसमें दिया हुआ है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल तो सेटअप करना है तो थ्री ए और 323 भी आपको अगर अगर कोई और ट्राइब्यूनल अदर ट्रिब्यूनल सेटअप करनी है तो 323 बी पार्ट 15 में क्या है आपका वो है वो मतलब मतलब इलेक्शन कमीशन ठीक है तुम तो मतलब पार्ट सेवेंटीन में क्या है बताएगा कोई पार्ट सेवेंटीन में क्या है पार्ट टेन मैंने बता दिया था पार्ट नंबर ट्वेल्व में क्या है पार्ट ट्वेल्व में क्या है पार्ट थर्टीन में क्या है तो पार्ट नंबर टवेल्व में है आपका फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट्स दिया हुआ है पार्ट नंबर थर्टीन में अगर बात करें फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पार्ट नंबर ट्वेल्व में क्या दिया हुआ है पार्ट ट्वेल्व तो हो गया पार्ट ये क्या है सेवनटीन इसमें दी हुई है आपके लैंग्वेजेस के बारे में ठीक है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में दिया हुआ है और एक चीज़ मुझे आपसे अगर पूछूं कि किस पर्टिकुलर आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो हमारे पार्लियामेंट ये जो पार्लियामेंट है उसमें हिंदी और इंग्लिश का यूज़ होगा ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है हिंदी या इंग्लिश का यूज़ होगा ये किस आर्टिकल के संरुच्छेद में लिखा हुआ है अगला सवाल है आपका Out of the 99th question, oh my God, out of the given, गिवेन दीपेश मीना ने चालीस रुपए भेजे हैं सर इससे सीरीज एस एस सी सी पी ओ में चालीस आउट ऑफ पचास आ जाएंगे आ जाएंगे दीपेश आ जाएंगे अब तुमने बोला ना चालीस रुपये भेजे तुमने <laughs> अगर तुम पचास भेज दो तो पचास <laughs> ठीक है भेजने में लगना ठीक है तो हाँ अरे मैं तो यार पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपना हंड्रेड परसेंट दो तुम भी अपना कोशिश करो हंड्रेड परसेंट दो अब इससे नहीं आएंगे तो फिर किससे आएंगे ठीक है मैं आपको ये एश्योरेंस दे सकता हूँ कि अगर तुम्हारे इतना पढ़ने के बाद अगर तुम्हारे चालीस में ना आए या फिर मतलब तुमसे ऊपर कोई नहीं निकल सकता बस मैं इतना आपको गारंटी कर सकता हूँ ठीक है तुमसे ऊपर कोई नहीं निकल पाएगा सभी चार लोगों को धैर्य बनाए रखने के लिए बहुत बहुत बधाई है हो 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 चलो तो कुछ पूछा था यहाँ पे नहीं हाँ आर्टिकल 120 होगा जो बोलता है हिंदी और इंग्लिश और उस और इंग्लिश वर्ड को डिलीट करना था पंद्रह साल के बाद लेकिन अभी तक हुआ नहीं है वो ठीक है तो ये लैंग्वेज इन पार्लियामेंट लैंग्वेज इन पार्लियामेंट और कोर्ट में जो कौन सी लैंग्वेज होगी कोर्ट में लैंग्वेज कौन सी होगी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आर्टिकल थ्री में मैंशनड है नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी फाइनेंस कमीशन है 280 आर्टिकल ये है आर्टिकल नंबर 324 से 329 ट्वेंटी नाइन नेशनल ह्यूमन राइट यूपीएससी है तीन से तीन लेकिन एन नहीं है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ये एक एक्ट जो आया था ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 1993 नाइनटी थ्री उसके थ्रू इस्टेब्लिश हुई थी एंड दी हंड्रेड क्वेश्चन हैवी गो हैवी गो आर यू रेडी ओके तो ठीक है question, go, go, okay, दूसरे मतलब आखिरी क्वेश्चन के लिए हमें दूसरे टॉपिक पर एंटर करना पड़ेगा एंड दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पर चीज़ें होती खत्म ऑन बिफोर दैट जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर वेमेन है ये भी 1990 में एक एक्ट आया था उसके थ्रू सेटअप हुई थी तो ये भी आपका स्टैट्यूटरी ही है ठीक है लोकपाल लोकायुक्त की अगर बात करेंगे तो ये भी स्टैट्यूटरी है 2013 में एक्ट आया था लोकपाल एंड लोकायुक्त का एक्ट आया था, था 2013 में तो ये स्टैट्यूटरी है ठीक है और इसमें किस तरह से होता है वन प्लस एट होता है एक चेयरमैन होता है आठ हज़ार मेंबर होते हैं और इसमें से आधे मेंबर एटलीस्ट कहाँ से होने चाहिए कहाँ से होने चाहिए या तो आपके ये आपके निकल के आने चाहिए नेशनल कमीशन फॉर विमेन से या फिर एस सी एस टी के यहाँ से कमीशन से निकल के आने चाहिए एटलीस्ट फिफ्टी मेम्बर पर्सेंट मेबर्स ठीक है ये होता है केंद्र के लिए और ये होता है राज्यों के लिए ठीक है और अभी लोकपाल के नए लोकपाल हमारे कौन बने हैं पहले तो पिनाकी चंद्र घोष थे अभी कौन बने हैं और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जिन्होंने लॉ लॉ मेंबर अभी करंट अफेयर में पढ़ेंगे लॉ कमीशन के मेम्बर चेयरमैन थे उन्होंने रिज़ाइन करके लोकपाल के मेबर बन गए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दो होती है हमारी एक होती है पंचायत और एक होती है म्यूनिसिपालिटी इसको बोलते हैं नगर पालिका ठीक है ये होती है रूरल लोकल गवर्नमेंट ये होती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट ठीक तो अब आते हैं पहला क्वेश्चन करिए हंड्रेड नंबर क्वेश्चन है आपका आज मेरा बर्थडे प्लीज विश में अभिजीत आनंद को सभी लोग विश करेंगे अभिजीत हैप्पी बर्थडे टू अभिजीत अभिजीत जल्दी बताओ अभिजीत आंसर इसका तो हम डीपीएसपी में पढ़े थे अगर आपको याद हो आर्टिकल फोर्टी है ना याद आ रहा है आपको आर्टिकल थर्टी टू रेट रेजन थर्टी फाइव किसकी बात कर रहा है पार्लियामेंट लॉ बना सकता है फार को ले कर चालीस होगा थर्टी एट मिनिमाइज इन इक्वलिटी इन इनकम स्टेटसलिटी अपॉर्चुनिटी है ना फोर्टी वन जीरो वन हाउ मेनी टीयर्स ऑफ दर इन द पंचायती राज स्ट्रक्चर देखो अब सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट हुआ था ठीक है अब एक्चुअली इसका और हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं इसके ठीक है हुआ क्या था आर्टिकल 40 में था ना तो नॉन जस्टिसबल था तो फिर हुआ कुछ यूँ कि कमिटीज़ बनाई गई कि देखो यार कि कैसा क्या है पंचायत को लेकर तो सबसे पहले 2 अक्टूबर उन्नीस को पहली पंचायत भारत में शिटअप की गई थी सेकेंड अक्टूबर को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में ये आई थिंक सबको पता होगा देन उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में यह देखने के लिए कि क्या पंचायत के प्रोविजन को लागू किया जाना चाहिए सभी राज्यों के लिए ज़रूरी मैंडेटरी किया जाना चाहिए जिसने बोला हाँ थ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम मैंडेटरी किया जाना चाहिए फिर एक बनी आपकी अशोक मेहता कमेटी उसने बोला नहीं नाइनटीन बनी उसने बोला नहीं ये आपका टू टीयर होना चाहिए फिर और भी कमिटीज़ बनी जैसे कि आपकी एल एम सिंघवी कमेटी बनी ठीक है एल एम सिंघवी बनी थुंग कमेटी बनी ठीक है तो ये भी कमिटीज़ किससे रिलेटेड है पंचायत से रिलेटेड है बस ये आपको पता होना चाहिए अब हुआ क्या कि इसने बोला जो बलवंत राय ने बोला वो हमने एक्सेप्ट किया और हमने किया क्या हमने सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट करके तिहत्तरवां संविधान संशोधन कब किया 1992 में किया और 24 अप्रैल को लागू किया इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को इसलिए 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं बताइए कमेंट में जल्दी से तो 1992 को ये हुआ और कौन किसकी सरकार थी पी नरसिम्हा राव जी की जिनको अभी भारत रत्न दिया जाएगा पोस्ट मछली है ना तो पीवी नरसिम्हा राव इस समय प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के तो इसने बोला कि भाई थ्री टीयर ऑफ पंचायती राज सिस्टम आपका होना चाहिए कितना स्ट्रक्चर थ्री टीयर होना चाहिए और ये थ्री टीयर ये है आपका एक तो पहले देखो ये आपका विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत होगी या फिर गाँव पंचायत ब्लॉक लेवल पर आप कुछ भी नाम इनके अलग अलग होते हैं ठीक है ब्लॉक लेवल पे आपकी अंचलक अंचालिक पंचायत हो जाती है या फिर इसको हम वो भी बोलते हैं यार क्या बोलते हैं इसको और भी तो बोलते हैं इंटरमीडिएटरी लेवल के बोलते हैं ठीक है इंटरमीडिएट इसको पंचायत समिति बोलते हैं ठीक है पंचायत समिति बोल देते हैं ठीक है इंटरमीडिएट लेवल का और अगर कोई राज्य जिसकी जनसंख्या दो मिलियन से बीस लाख से कम है उसको इंटरमीडिएट का सेटअप करने की जरूरत नहीं है वो दिपन... विलेज लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले में खेल सकता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल को जिला परिषद नाम अलग अलग हो सकते हैं डिफरेंट स्टेट पर लेकिन तीन लेवल होता है ठीक है तीन लेवल में ग्राम सभा एक हम बोल सकते हैं बेस में है बेस में मतलब वो ग्राम सभा वो चीज़ है जिसके सारे लोग में जितने भी सारे गांव के वो लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम है 18 प्लस हैं वोटर लिस्ट में नाम है वो सारे लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं तो वो एकदम बेस में होता है पंचायत के ठीक है आगे बढ़ते हैं विच आर्टिकल डील विद द रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 243 से 243 से 243 ओ को जोड़ा ठीक है अब हम सारे आर्टिकल को पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक एक आर्टिकल आपको याद होना चाहिए तो देखें टू थ्री डिफाइन करता है पंचायत को टू फोर्टी थ्री ए ग्राम सभा के बारे में मेंशन करता है ए का मतलब ए से असेंबली याद कर लो और असेंबली को हम क्या बोलते हैं हिंदी में सभा तो ग्राम सभा के बारे में बात करता है बी बी करता है बी से बनना बी से बनना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायती पंचायत का गठन किस तरीके से किया जाएगा ठीक है सी ठीक है टू फोर्टी थ्री सी सी से क्या है सी से कंपोजिशन ऑफ पंचायत हो जाएगा कि पम्पोजिशन क्या होगा थ्री टीयर सिस्टम होगा कॉम्पोजिशन है इसमें डी डी है आपका डी से दलित दलित रिजर्वेशन ऐसे याद कर लो डी से दलित तो दलित को रिजर्वेशन है यानी कि रिजर्वेशन या फिर सिर्फ दलित को नहीं है यहाँ पे वेमेन को भी और एस सी एस टी सब को इनको भी है ठीक है एस सी एस टी को बैकवर्ड क्लासेस को मैंडेट्री नहीं है कि भाई उनको दिया ही जाएगा वो मैंडेट्री नहीं है वो आपका जो आपका मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है वो वहाँ वह, वह, वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर पे डिपेंड करता है कि वो दे या ना दे स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर होती है अधिकतर इनके लोकल बॉडी के केस में वो जो भी चेंज करना चाहें पार्लियामेंट नहीं स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर होती है कुछ चेंज करने के लिए तो विमेंस को वन थर्ड रिजर्वेशन मिला हुआ और एस को उनके पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में मिला हुआ है टू ई ई e का मतलब क्या होता है रीजनिंग में पाँच होता है ना पाँच साल का टर्म होता है पाँच साल का ड्यूरेशन होता है इनका ठीक पाँच साल का ड्यूरेशन होता है लेकिन अगर अर्ली डेजोल्यूशन हो गया तो तो जो नई पंचायत बनेगी वो सिर्फ रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए सर्व करेगी पूरे टर्म के लिए नहीं सर्व करेगी ये चीज ध्यान रखना एफ से फेल होता है फेल मतलब डिस्कवालीफाई और इसमें ये लिखा हुआ है कि किसी को इस लिए डिस्वालीफाई नहीं किया जाएगा क्योंकि उसकी 25 साल की उम्र नहीं हुई है ध्यान रखना 25 साल की उम्र होती है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 साल होती है राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए इसीलिए अपर हाउस भी एल्डर्स हाउस भी बोल देते हैं राज्यसभा को ठीक है और पैंतीस साल होती है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर का चुनाव लड़ने के लिए और आपको लड़ना है अगर पंचायत का तो इक्कीस साल मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए तो किसी को इसलिए डिस्कवालीफाई नहीं किया सकता क्योंकि उसकी पच्चीस एज अभी नहीं हुई है जी से याद करो गोली जब हम गोली खाते हैं तो क्या मिलती है हमें पावर मिलती है तो पावर्स एंड अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पंचायत दी हुई है ठीक है टू एच एच से हाउस हाउस टैक्स यानी टैक्स की बात करता है आई आई से इनकम इनकम जब हम बात करते हैं तो इनकम का मतलब फाइनेंस तो स्टेट का फाइनेंस कमीशन की बात करता है स्टेट का फाइनेंस कमीशन ठीक है जे जे से जांच जे से जांच जांच मतलब ऑडिट audit, ऑडिटिंग हो रही है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत के के में क्या है इलेक्शन ऑफ पंचायत इलेक्शन ऑफ पंचायत बस यहीं तक याद रखो ठीक है इतने में आराम से क्वेश्चन कर दोगे के तक में ही वो पूछेगा तुमसे इसके बियॉन्ड जाएगा बिना और जाएगा भी ना तो एलिमिनेशन से तुम कर दोगे तो इतना ही बस याद रखो तो यहाँ पे रिजर्वेशन रिजर्वेशन किसको मिलता है दलित को डी से दलित बी से बनना कॉन्स्टिट्यूशन ई ई पांच पांच मतलब ड्यूरेशन खत्म ठीक और भी क्वेश्चन है अच्छा सेवेंटी पंचायत का खत्म हो गया हमारा ठीक है और एक और एक्ट याद कर लेना पैसा एक्ट आया था पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1986 में अगर फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज में पंचायत के प्रोविजन को एक्सटेंड करना है तो इसका यूज कर सकते हैं ठीक क्लियर यहाँ तक सभी को कर दो जरा 103 नंबर क्वेश्चन सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट किससे डील करता है यह भी 1992 में हुआ था एनफोर्स 1993 को हुआ था और अप्रैल को हम मनाते हैं क्या पंचायती राज दिवस मनाते हैं ठीक सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट तो एक इसकी बात करता है नगर पालिकाओं की तो म्यूनसिपैलिटीज़ के इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है अब सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट ने क्या किया जिसने कि शेड्यूल नंबर ट्वेल्थ को ऐड किया कितने फंक्शनल आइटम थे अट्ठारह एलेवन्थ शेड्यूल को ऐड किया था सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट ने कितने फंक्शनल आइटम थे उनतीस ट्वेंटी नाइन म्यूनसिपैलिटीज़ भी तीन तरह की होती हैं एक तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ठीक है और क्या कुछ पार्ट नंबर इसने नाइन पार्ट नंबर नाइन ए ऐड किया नाइन ऐड किया किसने सेवेंटी थर्ड ने नाइन ए ऐड किया सेवेंटी फोर्थ ने इसमें तीन तरह की आपकी होती है एक तो नगर पंचायत ठीक है एक होती है म्यूनिसिपल काउंसिल म्युनिसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इससे उससे ज़्यादा क्वेश्चन इतने आते हैं नहीं तो अगर लोड लग रहा हो तो इसको छोड़ सकते हो ये जो तीन मैं बता रहा हूँ वो मत भूलना जो थ्री टीयर ऑफ पंचायती राज सिस्टम बोला था लेकिन इसको भी सुन लो पता होना चाहिए नगर पंचायत म्यूनिपल काउंसिल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सी वगैरह में तो खूब क्वेश्चन आए हैं अभी तक मैंने उस पर तो नहीं देखा है ठीक है uh... एस एस सी में लेकिन पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट तो है खैर तो ये जो म्यूनिसपल कॉरपोरेशन होता है जो बड़े अर्बन एरिया होते हैं लार्ज अर्बन एरियाज़ वहाँ पर होती है सेटअप ये छोटे आपके अर्बन एरियाज़ में और ये जो ट्रांज़िशनल एरियाज़ होते हैं ना जहाँ से गाँव ख़त्म हो रहा है और शहर शुरू हो रहा है तो वो ट्रांजिशनल एरियाज़ में नगर पंचायत को सेटअप किया जाता है एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज़ ये लास्ट है पक्का लास्ट है सर ये मत सोचना कि अब लास्ट लास्ट कर रहे हैं बचा ही क्या तुम मुझे बता दो टॉपिक अगर कुछ बचा हो तो इसके अलावा ठीक है Which of the following article is related to the provision of cooperative societies in the Indian Constitution? C.H.S.L. एच pucha पूछा गया क्वेश्चन society to सोसाइटी तो सर 243 फोर्टी थ्री से टू फोर्टी तक था पंच इसमें पार्ट नंबर नाइन ए में है टू फोर्टी थ्री पी ओ के बाद पी से टू फोर्टी थ्री जेड जी तक इसमें है अब जेड एच से शुरू होगा और जेड टी तक जाएगा पार्ट नंबर नाइन बी भाग नंबर खा पार्ट नंबर नाइन बी जिसको कि नाइन्टी सेवंथ अमेंडमेंट कब हुआ था ये बताइए जिससे ऐड किया गया था और नाइन्टी सेवंथ अमेंडमेंट से याद करो आर्टिकल फोर्टी थ्री भी जोड़े थे और इसी पर्टिकुलर अमेंडमेंट से आर्टिकल नाइनटीन क्लॉज वन सब क्लॉज एफ में भी जोड़े थे नहीं जो कि डेट थोड़ हो चुका है आर्टिकल नंबर किस में जोड़े थे तो मैं अगर याद आ रहा हूँ आर्टिकल नंबर नाइनटीन का क्लॉज वन में सामरो हम लोग पढ़े थे ठीक है और सामरो में ये तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन था ए से असेंबल था और ए से एसोसिएशन था इसी पर्टिकुलर में एसोसिएशन आप बना सकते हैं और कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं तो आर्टिकल 19 क्लॉज वन सब क्लॉज जो सी है उस इस पर्टिकुलर चीज़ को भी इसने ऐड किया था नाइन्टी अमेंडमेंट ने ठीक है क्लियर जो कि हुआ था आपका टू बताया नहीं किसी ने सब के सब एवरीबॉडी 2011 टू में हुआ था ये मैंने ठीक है पार्ट नंबर नाइन बी और यहाँ पे होता है हमारा ख़त्म आप किसी कुछ डाउट आउट हो तो बता दो ठीक है तो बताइए जल्दी से कैसा रहा क्लास कैसा लगा क्लास और एक क्वेश्चन तो तुमसे बनता है ज़रा बताओ कि सबसे पहले ई जो है कहाँ पे आई थी कहाँ पे मतलब बताओ जल्दी से सबसे पहले ई जो है कहाँ पे कौन से इलेक्शंस में वो किए गए थे और सबसे पहले जो वी वी पैट है क्वेश्चन में इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज चुनाव वाला साल है तो हो सकता है पूछ ले इसका फुल फॉर्म क्या होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल ठीक है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका होता है एमिनम इज़ इक्वल टू परमार सर अच्छा गुरु जी शादी कर लो छोटा परमार प्रो को तैयार करो हमारे बच्चे को पढ़ाएगा अच्छा <laughs> कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे तो वी वी, वी की बात करें तो केरल के इलेक्शंस में सबसे पहले आया था ठीक है 1982 एट्टी टू एट्टी थ्री में आई थिंक एट्टी में आया था 1982 में इलेक्शंस में और वी वी पैट तो ये आपके नागालैंड में जो आपके इलेक्शंस हुए थे स्टेट के वहाँ पे आया था ये नागालैंड की कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है नागालैंड की कौन सी कॉन्स्टिट्युवेंसी थी लेकिन हाँ वो नागालैंड में सबसे पहले आ, एन से नाम उसका भी आई थिंक शुरू होता है सर ये क्लास प्राइवेट तो नहीं होगी नहीं नहीं ये क्लास जो है नॉम क्रेम करके आई थिंक शायद सब आ, आ, नहीं क्लास ये प्राइवेट नहीं होगी ठीक है नहीं यूज़ हो नहीं प्राइवेट होगी ठीक है आर्टिकल वन ट्वेंटी थ्री बाकी करवा दी कहाँ भैया हैं सो सो के उठ रहे हो सिल्वर फॉक्स खाना वाना खा क्या और हमको गहन दे रहे हो आर्टिकल वन ट्वेंटी थ्री बाकी है हो चुका है आर्टिकल वन ट्वेंटी थ्री पूछो करवा दी आर्टिकल वन ट्वेंटी थ्री हाँ रिटर्न तो और नहीं मिलेगा थैंक यू सभी को भाई जी और कॉन्ग्रेचुलेशन सर काफ़ी लोग मेरा टॉपर ऑपर बने सी सीपीओ के है ना ऑल इंडिया रैंक फोर ऑल इंडिया रैंक एट है ना लेकिन वही है कि थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा नहीं तो खैर कोई नहीं हाँ जी चलो आप लोग भी फिर ऐसे ही ऑल इंडिया रैंक लेके आइएगा फिर मैसेज करिएगा है ना टॉप रैंक्स सिंगल डिजिट में ऑल इंडिया रैंक वन लाएगा कोई है बस एक की दरकार है सी में सिक्स आ गई थी सी एच एस एल में थर्ड रैंक आ गई स्टेनो में भी दो तीन टॉप मतलब सिंगल डिजिट रैंक आ गई सी पी ओ में भी दो सिंगल डिजिट रैंक आई चार और आठ एक साल के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं सी सी में सब में सिंगल डिजिट रैंक आई हैं <laughs> सब में बस फर्स्ट रैंक नहीं आई इस बात का मलाल है <laughs> हाँ ड्रीम चेज़र आ जाएगा ये कट कटकटाता हुआ इमोजी क्या है बता रहे हो बना रहे भाई कट कटाता हुआ ये कट हुआ इमोजी निकाल के तुम्हें तो फिट कर देंगे वहीं पे ध्यान रखना कटकटा जाओ एकदम <laughs> चलिए भाई ये पीडीएफ आपको परमार टेलीग्राम पे मिल जाएगी और क्विज़ ग्रुप अलग से बना हुआ है वहाँ पे आप क्विज़ भी अटेम्प्ट करते रहिए एंड सर एंड मैम क्विज़ के अलावा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कोइज़ के अलावा एक चीज़ ध्यान रखिएगा क्या ध्यान रखिएगा कि अगला क्या होना चाहिए वो आप कॉमेंट में बता दीजिएगा ठीक है कॉमेंट में बता दीजिएगा अगला अगला कौन सा होना चाहिए बताओ ना तो फिर कमेंट में बता देना ठीक है मैं आ, क्या चीज़ नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया नेशनल प्राइड डिस्कस कर लें क्या नेशनल प्राइड पार्टी का क्राइटेरिया होता है एक तो मतलब तीन क्राइटेरिया होते हैं यार एक तो होता है कि छः परसेंट वोट शेयर आपको मिला हो लास्ट असेंबली इलेक्शन में किसी चार स्टेट में ठीक है चार स्टेट में छः परसेंट का आपको वोट शेयर मिला हो ये और ठीक है और चार सीट आपने जीती हो लोकसभा में जो अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले उसमें तो चार सीट आपको मिल जाए और आ, किसी चार स्टेट में छः से ज़्यादा वोट शेयर हो या फिर दूसरा क्या है इसमें दूसरा होता है आपका इसमें कि टू परसेंट ऑफ ऑल लोकसभा सीट्स जितनी भी लोकसभा सीट में चुनाव होगा उसमें से दो प्रतिशत अगर आपने ले ली तो आपको मिल जाएगा लेकिन ये तीन राज्यों से एटलीस्ट होनी चाहिए और तीसरा क्राइटेरिया होता है मतलब और और लगा हुआ है इसमें ठीक है ये मतलब और का मतलब हुआ कि या फिर ठीक है या फिर एक पार्टी को रिकोगनाइज किया गया है बाई द इलेक्शन कमीशन एज अ स्टेट पार्टी एंड उसने एटलीस्ट सिक्स परसेंट ऑफ़ टोटल वोट इन लोकसभा सिक्योर किया है ठीक है और इसमें एक क्या है होता है यार तो एक तो सिक्स परसेंट और चार सीट आनी चाहिए आपकी लोकसभा में और दो परसेंट ऑफ ऑल लोकसभा सीट आनी चाहिए इन तीन स्टेट से ये होता है आई थिंक एक और होता है आई एम नॉट रॉन्ग और कितनी नेशनल पार्टीज हैं कोई बताएगा अभी हाँ आम आदमी पार्टी को भी मिला था रिसेंट में जोग्राफ़ी होना चाहिए अच्छा इकोनॉमिक्स ठीक है देख लेना भाई जो कमेंट में जिसमें सबसे ज़्यादा लाइक मिल जाएंगे तो वही करवा देंगे आपको ठीक है जिसमें कमेंट में सबसे ज़्यादा लाइक मिल जाएंगे वही कर लेंगे ठीक है हाँ चौथा वाला हाँ तीसरा वाला आई थिंक वो है कि रिकॉगनाइज़ किया जाए उसको स्टेट पार्टी का दर्जा स्टेट पार्टी के तौर तो पर रिकागनाइज किया जाए उसको फोर और मोर स्टेट्स में ठीक है फोर और मोर स्टेट्स में उसको स्टेट पार्टी का अगर दर्जा मिल जाए तो भी उसको जो है मिल जाएगा हाँ ठीक है जिस पे भी आपका सबसे ज़्यादा वोटिंग हो गया ना तो उस पर हम कर लेंगे नॉक्सेन असेंबली है हाँ 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 वही बोला था एन से नाम शुरू होता है एन से नाम शुरू होता है नॉक्सेन असेंबली ठीक ठीक सर आई एस यूज़र के लिए आई एस यूज़र के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं ठीक है आई एस यूज़र लोग जो है इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं इस नंबर पे मैसेज मांग करके लिंक मांग सकते हैं चलिए भाई थैंक यू सभी को है ना क्लास सवा दो तक तो खींच गई थैंक धन्यवाद सभी को थैंक यू ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स थैंक यू पीडीएफ डी एफ फरमारी टेलीग्राम पे मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है क्विज़ ग्रुप का भी और जहाँ पे पीडीएफ अपलोड होगी है उसका भी दोनों का क्विज़ भी अटेम्प्ट करते रहें लास्ट के एक महीने में ठीक है